Yes, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सीशाप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाऊंगा वो भी सिर्फ एक वीडियो में इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग सबसे पहले तो डॉटनेट फ्रेमवर्क के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे और उसी के साथ साथ सी शार्प में प्रोग्रामिंग करना सीख जाएंगे अब ये शीशा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज क्या होता है थोड़ा तो सा ये देख लेते हैं सीशाप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज गेम्स बनाने में कंसोल एप्लीकेशन बनाने में या फिर विंडोज के जीवाइस बनाने में काफी काम आती है इसी के साथ साथ सी शार्प जो होती है वो डॉटनेट फ्रेमवर्क में रन करती है

तीनों में चलता है और ओपन सोर्स है लेकिन इनिशियली अगर मैं बात करूं तो डॉट नेट बना था विंडोज में चलने के लिए लेकिन जैसे जैसे उसकी जो प्रोग्रेस है वो आगे बढ़ती गई वैसे वैसे क्या हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट वालों ने इसको लिनक्स में और मैक मैकोएस में भी चलने लायक बना दिया डॉट नेट फ्रेमवर्क की मदद से आप लोग मोबाइल एप्स भी बना सकते हैं आप लोग डेस्कटॉप जीवाइस बना सकते हैं आप लोग गेम्स बना सकते हैं और तो और आप लोग मल्टीपल लैंग्वेजेस का यूज कर एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में कंपाइल होकर आ सकते हैं और उसके बाद इस डॉट नेट फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके जो ए पी और लाइब्रेरीज ये एक्सपोज करता है उनका लाभ आप लोग उठा सकते हैं अब ये चीज़ थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगेगी इसलिए मैं कहता हूँ कि आप एक डॉट नेट की एक लैंग्वेज सीख लो सी शीशा पहले आप लोग सीख लो और जैसे जैसे चीज़ें आती जाएंगी रास्ते में मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा कि क्या चीज़ हमने क्यों करी है और उसको करने का क्या रीज़न है और अगर आप लोग मेरे साथ बने रहे इस वीडियो में तो आप लोगों को जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बीच बीच में

इंस्टॉल कर लिया उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि डॉट डॉटेड फ्रेमवर्क क्या है माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में चलेंगे वहां पर देखेंगे कि वो क्या कहते हैं कि डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या है थोड़ा सा इसके बारे में और नज़दीक से जानेंगे और फिर सी शीशा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टार्टिंग से ले एंड तक सीखेंगे जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है उसको मैं स्टार्टिंग से ले एंड तक कवर करने वाला हूँ तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं कंप्यूटर के अंदर और वहाँ पर कोडिंग को डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सेटअप को और बाकी के सारे कामों को चालू करते हैं ऑन इट गेस्ट तो मैं अपने कंप्यूटर के अंदर आ चुका हूँ और आज आप लोगों को अब मैं बताऊंगा कि सी शाप क्या होता है हम लोग यहाँ पर विजुअल स्टूडियो आई को इंस्टॉल करेंगे बिना कोई सोचे समझे विजुअल स्टूडियो डाउनलोड आप लोग कहोगे क्यों यूज़ कर रहे हैं क्या चीज़ है अभी के लिए छोड़ दो सब कुछ मैं कहूंगा कि आप लोग बस इसको डाउनलोड करो सी शार्प की एप्लीकेशन्स रन करने के लिए हमें ये चाहिए अब यहां पर कुछ बातें करना चाहूंगा आप लोगों से विजुअल स्टूडियो जो है उसका अभी 2019 वर्जन आया हुआ है हो सकता है आने वाले टाइम में दो हज़ार इक्कीस ये जो वर्जन है ये ईयर से रिलेटेड नहीं है अगर अभी दो चल रहा है दो हज़ार चल रहा है तो दो ही स्टेबल हो सकता है तो दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन वेंडर टू वेंडर विजुअल स्टूडियो जो है जो भी लेटेस्ट वर्जन है वो आप डाउनलोड कर लो एक चीज से कंफ्यूज मत हो ना विजुअल स्टूडियो कोड एक लाइट वेट ओपन सोर्स सोर्स कोड एडिटर है लेकिन ये एक आईडीई है डिफरेंस ये होता है कि जो आईडीई होता है उसमें पूरा आपके पास एक पूरा इन्वायरमेंट होता है कंपाइलर जो चीज़ें हैं आपको चाहिए एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंपाइल करके और मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए वो सारी की सारी एक आईडीई के अंदर होती है लेकिन जो सोर्स कोड एडिटर है वो बहुत लाइट वेट होता है और आप लोगों को एक सिंपल सा डी वगैरह देता है और बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं विजुअल स्टूडियो एक बहुत ही पावरफुल टूल है आप लोग कम्युनिटी में यहाँ पर फ्री डाउनलोड पर क्लिक करें और यहाँ पर एंटरप्राइज़ वर्जन भी है जिसके आपको पैसे वगैरह देने पड़ते हैं मैं चाहूँगा कि आप लोग पैसे वगैरह बिल्कुल ना दें कम्युनिटी वाला डाउनलोड करें और यहाँ पर क्लिक करके बिल्कुल भी अगर आप लोग एक बिगिनर हैं तो पैसे वैसे मत दो और यहाँ पर ये यह मुझे पूछ रहा है कि हम लोग को कन्फिगर करने के लिए ये चीज़ जो है करनी पड़ेगी डाउनलोड और उसके बाद इंस्टॉल करनी पड़ेगी अब ये जो इंस्टॉल चलता है थोड़ा टाइम के लिए इसको इसका टाइम देना और फास्ट फॉरवर्ड मैंने किया और हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर आप लोग को थोड़ा टाइम लगेगा आप लोग ये मत समझना कि मेरा इतनी जल्दी हो गया और आप लोग का इतनी जल्दी नहीं हुआ वो सारी चीज़ें आप लोगों को जो है नहीं सोचनी है क्योंकि मैंने फ़ास्ट फॉरवर्ड किया वीडियो अभी आप लोगों को यहां पर यह चुनना है डॉट नेट डेस्ट ऑफ एनवायरमेंट डॉट नेट डेस्ट ऑफ चुनकर आप लोगों को इंस्टॉल वाइल डाउनलोडिंग पे क्लिक करना है और ये यहां पर पाँच जी का बता रहा है आप लोगों को कुछ भी नहीं सोचना है भी सिंपली डॉट नेट डेस्क टॉप पर क्लिक करना है एक बहुत बड़ी चीज़ जो कि जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स दिमाग ख़राब होता है उनका वो कहते हैं यार ये इतनी सारी चीज़ें मेरे सामने आ गई है मुझे तो आता ही नहीं है सब चीज़ें आपको आने की ज़रूरत भी नहीं है जो चाहिए उस पर चेक करें और आगे बढ़ें इंस्टॉल वाइल डाउनलोडिंग मैं करूँगा और यहाँ पर मैं इंस्टॉल कर दूंगा करीब पाँच गीका है और सारी की सारी चीज़ें ये जो है इंस्टॉल करता है अब और भी कई चीज़ें होती हैं जो कि ऑलरेडी हो सकता है आपके विंडोज़ अपडेट के साथ इंस्टॉल हो गई हूँ तो आप लोगों का कम हो सकता है जो साइज़ है क्योंकि जो विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी है वो विंडोज़ से काफ़ी नज़दीक है क्योंकि इसके अंदर पूरा फ्रेमवर्क हो सकता है आप लोगों ने पहले कभी एच वगैरह डाउनलोड की हो और वो इसका एक हिस्सा हो तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखना साइज़ की कोई भी टेंशन मत लेना अब जैसे कि आप देख रहे हो मेरी यहाँ पर इंटरनेट की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है और इससे भी ज़्यादा तेज़ है बट आई थिंक इतनी मुझे मिल रही है अभी बट अपनी इंटरनेट स्पीड के बारे में मैं ब्रैक ना करते हुए इसको फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ और इनफैक्ट इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ और आप लोगों को थोड़ा सा सी शार्प के बारे में बताता हूँ सी शाप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि माइक्रोसॉफ़्ट द्वारा बनाई गई थी और वो डॉट नेट फ्रेमवर्क पर रन करती है और ये किस तरह से काम करती है एकदम इसका बेसिक वगैरह क्या है किस तरह से इसका जो कोड है वो जनरेट होता है मशीन पर रन होने के लिए वो सब चीज़ें हम अभी आगे देखेंगे लेकिन अभी मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ इसका इस्तेमाल होता है वेब ऐप्स डेस्कटॉप एप्स, ऐप्स एप्स ऐप्स ये सारी चीज़ें बनाने के लिए ठीक है ज़रूरी नहीं है कि आप लोग इससे सिर्फ कंसोल एप्लीकेशन ही बना पाएँ आप इससे जी बना सकते हैं काफ़ी चीज़ें आप इससे जो है वो बना सकते हैं हम जल्दी से जल्दी सी शार्प में हेलो वर्ड करेंगे ताकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आए मेरे पढ़ाने का तरीका यह है कि मैं सबसे पहले आप लोगों का इन्वायरमेंट सेटअप करवाता हूँ और आप लोगों को हेलो वर्ड करवाता हूँ बिना ज़्यादा सोचे उससे क्या होता है कि आपकी एक ऐप आप बन जाती है तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ भाई मैंने इस लैंग्वेज में कोड लिखा है और आप जब ये पूरा रास्ता देख लेते हैं सी शार्प का पहला कोड लिखने तक का फिर जब मैं आपको समझाता हूँ वो सारी चीज़ें पीछे मुड़ के कि कैसे रन होता है क्या कुछ होती हैं सारी चीज़ें सारे कॉन्सेप्ट जो कि सी शार्प में आप लोगों को चाहिए होंगे तब उसकी बात ही फिर अलग बनती है तो यहाँ पर ये डाउनलोड हो रहा है इसको हम लोग देखेंगे लेकिन उससे पहले हम लोग सी शाप के कुछ फीचर्स देख लेते हैं सबसे पहले तो सी हैश नहीं सी शाप है और सी शाप क्या होता है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई है और डॉट नेट फ्रेमवर्क पे रन करती है ठीक है तो बेसिकली जो डॉट नेट फ्रेमवर्क है वो क्यों आया एग्जिस्टेंस में और क्या ऐसी चीज़ है जो कि हमको प्रदान करता है देखो डॉट नेट के अंदर आप डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामिंग करके आप डॉट नेट में एक अपनी एप्लीकेशन बना सकते हैं अब ये डॉट नेट का आर्किटेक्चर क्या है इसको हम जरा पॉज करके ज़रा डॉट नेट का आर्किटेक्चर देख लेते हैं तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉट नेट आर्किटेक्चर ऑफ़ डॉट नेट फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर ऑफ़ मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी आर्किटेक्चर ऑफ डॉट नेट फ्रेमवर्क की कोई बात नहीं तो यहाँ पर डॉट नेट का जो आर्किटेक्चर है वो हम लोग क्या करेंगे माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से ही देखते हैं और यहाँ पर देखो इन्होंने बताया हुआ है डॉट नेट डॉट नेट फ्रेमवर्क और डॉट नेट कोर में डिफरेंस मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूँगा ज़्यादा इन चीज़ों में मत घुसना आप शीशा आप सीख लो पहले प्रोग्रामिंग कर लो थोड़ी सी थोड़े से प्रोग्राम्स बना के कॉन्फिडेंट हो जाओ उसके बाद आप लोग ये सब चीज़ें देखना डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या है एक ऐसी इम्प्लीमेंटेशन डॉट नेट की जो कि विंडोज़ के लिए सिर्फ विंडोज़ के लिए वेबसाइट सर्विसेज डेस्कटॉप एप्स और ये सारी चीज़ें बनाने के काम आती है डॉट नेट कोर क्या है डॉट नेट कोर एक क्रॉस प्लेटफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन है जो कि फ्रीली अवेलेबल है गिटहब पर ओपन सोर्स तो देखो इन्होंने लिंक भी दिया हुआ है इन्होंने कहा है कि भाई देखो ये हमारा जो डॉट नेट है वो गेट पे ओपन सोर्स है और गेट भी माइक्रोसॉफ्ट का ही है अब तो, तो ये ओपन सोर्स है यहाँ पर देखो इसकी जो डॉट नेट प्लेटफॉर्म है इसकी अलग अलग चीज़ें इन्होंने यहाँ पर दी हुई हैं अलग अलग रिपोजिटरीज़ में जिसमें हम लोग बिल्कुल भी नहीं घुसने वाले एट दिस पॉइंट और यहाँ पर देखो इन्होंने बताया है आर्किटेक्चर ऑफ डॉट नेट ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और ये जो वेबसाइट है ये जो लिंक है इसको आप लोग सेव कर लो नहीं तो यहाँ पर ये जो लिंक है इसको विजिट कर लो डिस्क्रिप्शन में मुझे डालने का याद दिला देना वरना अगर आप आर्किटेक्चर और डॉट नेट फ्रेमवर्क लिखोगे तो कहीं कही ना कहीं ये वेबसाइट मिल ही जाएगी आप लोगों को ठीक है तो यहां पर ये जो डायग्राम है मेरे हिसाब से ये डायग्राम बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है डॉट नेट फ्रेमवर्क को तो ये जो राइट अप है ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं इसको राइट अप को पढ़ के समझाऊंगा आप लोगों को थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है आप लोगों को लेकिन हम लोग इसको क्विकली कवर करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखो द टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ डॉट नेट फ्रेमवर्क आर सी एल आर यानी कि कॉमन लैंग्वेज रन टाइम और डॉट नेट फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी ठीक है तो इसको समझते हैं कि ये कहने का इसका क्या मतलब है तो ये जो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम है जिसको सी एल आर भी बोला जाता है आप इससे बिल्कुल भी इसको थ्योरेटिकल में समझना मैं बहुत ही ईजी फन लैंग्वेज में आप लोगों को इसको बताना चाहता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देखो कि ये जो सी एल आर है ये एग्जीक्यूशन इंजन है जो कि हैंडल करता है डॉट नेट की एप्लीकेशन को इस बात का क्या मतलब हुआ कोई भी डॉट नेट एप्लीकेशन है वो आप मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करके लिख सकते हो जैसे मान लो एक कंपोनेंट सी चार्प में मैं लिख रहा हूँ और एक कंपोनेंट जो है विजुअल बेसिक में रोहन दास लिख रहा है और एफ एफ शार्प कोड का यूज़ करके मान लो इसके लेफ्ट कोडिंग कर रहा है ठीक है तो सी शार्प एफ शार्प और विजुअल बेसिक ये तीन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है इनको हम इनका रिस्पेक्टिव कंपाइलर यूज़ करके सी शार्प है तो सी शार्प का कंपाइलर यूज़ होगा एफ शार्प है तो एफ शार्प का यूज़ होगा और इनके रिस्पेक्टिव कंपाइलर्स को यूज़ कर करके अब विजुअल सी प्लस प्लस भी आ सकती थी इसमें लेकिन तीन ही लैंग्वेजेस का एग्जाम्पल दिया इन्होंने कंपाइलर से आप लोग को मिलेगी एक कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज और ये जो कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज होगी ये मशीन कोड नहीं होगा ये एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज होगी जो कि बिल्कुल एक जैसी होगी इन तीनों कोड्स के लिए ठीक है तो मैंने प्रोग्रामिंग तो अलग अलग लैंग्वेजेस में करवाई अलग अलग लैंग्वेजेस को जानने वाले लोगों ने प्रोग्रामिंग करी और फाइनली हमारा जो कोड बेस था वो एक कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज में आ गया ठीक है एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में जिसको सी बोलते हैं ठीक है अब आपको सी नहीं समझना क्या है क्यों है कैसे है बस इतना समझ लो अब ये जो सी आई एल है जो कि कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज है ये सी एल आर की मदद से मशीन कोड में कंपाइल होती है अब इसको समझ लेते हैं ये राइटअप पढ़ के छोटा सा राइटअप येट वेरी पावरफुल मैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को माइक्रोसॉफ्ट की बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ आप लोगों को एक बार इसको ज़रूर पढ़ना हमने सी एल आर देखा हमने क्लास लाइब्रेरी देखी क्लास लाइब्रेरी क्या है सेट ऑफ़ ए पी आईज़ हैं जो कि कॉमन फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं आप लोगों को, को कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लोग यूज़ कर रहे हैं तो अब क्लास लाइब्रेरी में एपीआई हो सकती है जैसे कि कोई फाइल रीड करने के लिए या डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए या और जो काम होते हैं वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वो करने के लिए ठीक है अब जो डॉट नेट एप्लीकेशन है देखो लिखा है आर रिटन इन सी शाप एफ शाप और विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोड जो होता है वो कंपाइल होता है एक कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज में लैंग्वेज में ओके okay? एक कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज में एक लैंग्वेज है और उसके बाद ये जो कोड है जो कि कंपाइल कोड होता है वो स्टोर होता है डीएलएल और डॉट टी फाइल्स में ठीक है तो ये जो कोड कंपाइल होता है वो इस फॉर्म में कंपाइल होके आ जाता है एक बार ये इस फॉर्म में कंपाइल होके आ गया फिर क्या होता है कि जो हमारा सी एल आ है जो कि कॉमन लैंग्वेज रन टाइम है जिसके अंदर हमारे गारबेज कलेक्शन अब यहाँ पर देखो इन्होंने लिखा इट प्रोवाइड सर्विसेज लाइक थ्रेड मैनेजमेंट थ्रेड मैनेजमेंट मतलब पैलल एग्जीक्यूशन करने के लिए गारबेज कलेक्शन का मतलब जैसे कि अगर आप लोग सी या फिर सी प्लस प्लस से आ रहे हैं तो उसमें ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट नहीं होता है जावा या पाइथन अगर आपने सीखी है तो आपको पता होगा कि गार्बेज कलेक्शन क्या होता है और अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखी है तो छोड़ो इसको मैं बताता हूँ गार्बेज कलेक्शन क्या होता है कि अगर आपने कोई पॉइंटर बना दिया कुछ ऐसा आपने मेमोरी में कोई चीज़ ऐसी एलोकेट uh, कर दी जो यूज़ नहीं कर रहे हो तो क्या होता है कि गारबेज कलेक्टर रन हो उस मेमोरी को फ्री कर देता है क्योंकि उसको पता होता है कि ये पर्टिकुलर चीज़ अब यूज़ नहीं होने वाली ठीक है तो गारबेज कलेक्शन उसको बोलते हैं अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि एक बार जब ये ऐप रन होती है तब क्या होता है तब सी एल आर जो होता है वो असेंबली को यूज़ करके यानी कि ये जो कंपाइल हुआ है ये जो कि हमारा सी आई एल में कंपाइल हुआ है ये कोड उसको क्या करता है यूज़ करता है एक जस्ट इन टाइम कंपाइलर जस्ट इन टाइम का मतलब वहीं के वहीं एकदम फटाक से समझे ना हाँ तो टू टर्न इट इन टू मशीन कोड दैट कैन एग्जीक्यूट ऑन स्पेसिफिक आर्किटेक्चर ऑफ द कंप्यूटर इट इज़ रनिंग ऑन जैसे कि मान लो मैं यूज़ कर रहा हूँ 64 बिट विंडोज़ आप यूज़ कर रहे हो 32 बिट विंडोज़ तो आपके लिए 32 बिट में होगा अगर आप 32 बिट यूज़ करो मेरे लिए 64 में होगा अगर मैं 64 बिट यूज़ कर रहा हूँ तो जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन इसका होता है और यहाँ पर इन्होंने बोला रीड मोर वट इज डॉट नेट फ्रेमवर्क अभी के लिए इतना मेरे हिसाब से काफ़ी है ज़्यादा डेप्थ में हमें नहीं जाना है हमें सबसे पहले सीख लेना है हमें एप्लीकेशन बनाना सीखने पे ज़्यादा फोकस देना है डॉट नेट फ्रेमवर्क का एक अच्छा आइडिया हमको ऑलरेडी मिल चुका है अब हमारा ये जो वी एस कोड है ये आवाज़ें लगा रहा है नीचे से देखो चिल्ला रहा है कह रहा है कि भाई मुझे क्यों खोल दिया यहाँ पर तो ये जो है आपका जो विजुअल स्टूडियो है वो इंस्टॉल हो चुका है आपकी बिल्ड टूल्स अगर नहीं इंस्टॉल्ड हैं तो शायद हो गए होंगे मेरे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड थे अपडेट अवेलेबल है मेरे लिए मैं अपडेट भी इसको कर लेता हूँ ताकि हम लोग जो है सेम पेज पर रहें आप लोग भी अपडेट कर लेना इसको सारे बिल्ड टूल्स और ये सब चीज़ें एक बार आपके अपडेट वगैरह हो जाते हैं फिर मैं जो है लॉट कराता हूं हूँ ऑलरेट गैस सो ये अपडेट भी अब हो चुका है मैंने इसको अपडेट भी कर लिया मैं इसको बंद कर दूंगा और यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी अब यहाँ पर मेरे कुछ और प्रोजेक्ट्स जो कि मैंने बना रखे थे वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं लेकिन आप लोग को यहाँ कुछ नहीं दिखाई देगा अगर आप लोगों ने कुछ नहीं बनाया है तो ठीक है तो हम लोग अब क्या करेंगे कि इसको क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे आप लोग ज़्यादा इन सब चीज़ों को देख डरना मत बिल्कुल भी मत डरना ठीक है देखो यहाँ पर अलग अलग तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं काफ़ी चीज़ें हैं इसमें इसमें मतलब जेंगो वगैरह भी आता है नीचे काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं हमको लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ ये बोलूँगा कि ज़्यादा इससे डरो मत और यहाँ पर मैं क्या करूँगा यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा सी शार्प आप लोग देखो यहाँ पर सी शार्प सेलेक्ट कर सकते हो एफ़ शार्प भी सेलेक्ट कर सकते हो मैंने सी शार्प सेलेक्ट किया है और यहाँ पर आप प्रोजेक्ट टाइप्स और ऑल प्लेटफॉर्म्स में से कोई एक प्लेटफॉर्म वो सारी चीज़ें भी सेलेक्ट कर सकते हो लेकिन अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर डॉट नेट फ्रेमवर्क ही कंसोल ऐप ढूंढ रहा हूँ कंसोल ऐप डॉट नेट फ्रेमवर्क ये जो दिक रहा है आपको ये सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हम कंसोल ऐप बनाना चाहते हैं डॉट नेट फ्रेमवर्क पर ठीक है तो मैं यहाँ पर इसका नाम रख दूँगा हेलो और मैं यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा क्रिएट पे क्लिक करूँगा सॉरी क्रिएट बटन जो दिख रहा है और ये मेरे लिए एक प्रोजेक्ट जो है बना देगा और इम्पोर्ट वगैरह कर देगा ये सारी, सारी की सारी चीज़ें जो कि चाहिए मुझे कुछ बातें करना चाहूँगा यहाँ पर सबसे पहली बात सबसे पहली बात ये कि अगर आपके पास एक स्लो कंप्यूटर है जिसमें कोई भी गलत बात नहीं है मेरा भी पहले बहुत स्लो हुआ करता था कंप्यूटर तब आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि जो कंप्यूटर है वो थोड़ा सा स्लो कभी कभी चलता है अगर आपके पास रैम वगैरह नहीं है मेरे पास काफ़ी रैम है अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर रखी है मैंने तो मुझे कोई दिक्कत होती नहीं है लेकिन अगर आप लोगों को होती है दिक्कत रैम कम है तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा स्लोनेस जो है लैग फेस करना पड़ेगा लेकिन एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ यहाँ पर बात यह है कि यहाँ पर अगर आप लोगों के पास रैम ज़्यादा भी है तब भी कभी कभी क्या होता है कंप्यूटर स्लो चलता है और उसके लिए आपको लगानी पड़ती है एक एस क्योंकि आप लोग कैसी भी हार्ड डिस्क लगा लें अपने कंप्यूटर में वो एस को कभी बीट नहीं करती और हार्ड डिस्क में मूविंग पार्ट्स होते हैं इसलिए वो ख़राब भी हो जाती है टाइम टू टाइम एस एस डी जो होती है उसमें मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं ज़्यादा इसलिए आप लोगों को उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है मैं यहाँ पर ज़्यादा कंप्यूटर पे डिस्कशंस नहीं करूँगा उसका रीज़न ये है कि मैंने ऑलरेडी एक कंप्यूटर बना रखा है लैपटॉप बाइंग गाइड पे लैपटॉप बाइंग गाइड पर वीडियो बना रखा है कि किसको जो है लैपटॉप कौन सा खरीदना चाहिए ये एक वीडियो बना रखा है तो उसको देख लेना जाके लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी इनफॉर्मेशन लैपटॉप के बारे में बताइए ठीक है ज़्यादा मैं इसके बारे में अभी बात नहीं करूँगा तो काफ़ी वीडियोज़ मैंने बनाए लेकिन ये वीडियो सी शाप का है तो आओ सबसे पहले थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन कर लेते हैं पहला प्रोग्राम रन कर लेते हैं और इस पॉइंट पर आप लोग जो है यहाँ पर अपनी कोडिंग कर सकते हो अब आप लोग को लग रहा होगा नेम स्पेस क्या होता है क्लास क्या होता है अभी के लिए सब कुछ भूल जाओ कुछ नहीं होता है अभी आप लोग को यहाँ पर प्रोग्राम लिखना है बस इतना मैं बस इतना जानता हूँ मुझे यहाँ पर अपना प्रोग्राम लिखना है मेरा एग्जीक्यूशन प्रोग्राम का वाइड मेन से स्टार्ट होगा ठीक है अभी सिर्फ इतना आप लोगों को लिखना है और आप लोगों को यहाँ पर लिखना है कंसोल डॉट राइट लाइन और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है हेलो वर्ड ठीक है और उसके बाद सैमी कॉलर एक लगाना है और इतना करने के बाद आप लोगों को क्या करना है ये स्टार्ट दिख रहा है आपको ये स्टार्ट पे हम जब भी क्लिक करेंगे तब हमारी जो कंसोल एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी ठीक है तो स्टार्ट पे क्लिक किया हमने स्टार्ट पे क्लिक किया तो ये क्या हुआ एक बार स्टार्ट होकर चली गई लगता है ये स्टार्ट तो हुई लेकिन क्या इसमें कुछ एरर आ गया पता नहीं चला क्या हुआ तो मैं बताता हूँ क्या हुआ यहाँ पर जब हमने ये ऐप बनाई हमने अपने इंस्ट्रक्शंस को वॉइड मेन फंक्शन के अंदर रखा हमारी जो ऐप थी सी शाप की उसने कहा तुम इसके अंदर इंस्ट्रक्शन डाल दो सारे मैं एक एक करके एग्जीक्यूट कर लूँगी ऐसा सी शाप ने कहा है मुझसे मैंने कहा ठीक है भाई अब क्या हुआ जब मैंने कहा कंसोल डॉट राइट लाइन हैलोवर्ड तब उसने मेरे साथ ये किया तो मैंने डॉट नेट से कहा कि भाई ये क्या चल रहा है मैंने बोला था हेलोवर्ड लिखो कंसोल में उसने कहा लिख भी दिया बंद भी कर दिया कंसोल तो मैं पता भी नहीं चला तो मैं उसको एक और इंस्ट्रक्शन दूंगा मैं कहूँगा यार ऐसा मत करो मुझे पता भी चले तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा मैं एक रीड लाइन करूँगा मैं कहूँगा कि यार एक काम करो मेरे लिए इंतजार करो और मैं एक लाइन को रीड करना चाहता हूँ तो ये जो रीड लाइन है वो रोक देगा कंसोल को तो अब मैं स्टार्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखो ये मेरा जो कंसोल है वो रुक गया है और इसके अंदर हेलो वर्ड लिख कर आ गया है और यहाँ पर देखो मुझे सारी की सारी जो मेमोरी है सीपीयू है कितना इस्तेमाल हो रहा है क्या कुछ कैसे हो रहा है वो सारी चीज़ें दिखा रहा है तो मैंने हम लोगों को जैसे कि बताया कि ये जो विजुअल स्टूडियो एक बहुत ही पावरफुल टूल है क्या चीज़ इसमें क्या है सीखने वाले पाँच पाँच साल तक काम करते हैं इसमें उसके बाद भी उन्हें कुछ फंक्शन बहुत बाद में पता चलते हैं कि अच्छा ये चीज़ ऐसे होती है मैं तो ऐसे करता था तो और कुछ कुछ नए फीचर्स ऐड भी होते रहते हैं ऑब्वियसली तो वो चीज़ भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है चलो इन सब चीज़ों को अभी छोड़ के मैं इसको बंद कर देता हूँ और ये देखो मैं आ गया वापस से यहाँ पर तो ये वो जगह है जहाँ पर मैं अपने इंस्ट्रक्शंस को लिखूँगा और हमने ऑलरेडी इस बारे में तो बात करी ली कि किस तरह से ये डॉट नेट फ्रेमवर्क जो है काम करता है हम अभी एक कंसोल एप्लीकेशन बना रहे हैं हालाँकि हम बहुत तरह की एप्लीकेशन बना सकते हैं कंसोल एप्लीकेशन सबसे बेसिक एप्लीकेशन है सीखने के लिए इसलिए हम कंसोल एप्लीकेशन बना रहे हैं और वो जो कंसोल एप्लीकेशन है उसके अंदर हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे सीशाप के प्रोग्राम्स बनाएंगे अच्छे अच्छे और एक बार हमने वो सीख लिया ना उसके बाद बाकी जी आई और ये सब चीज़ें तो बनी जाती हैं बिलीव मी बहुत आसान है वो सब चीज़ें ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ आप लोगों को वो थोड़ा सा आप लोगों को परेशान कर सकता है इसलिए जो कॉन्सेप्ट हैं ये सब आप लोग बहुत ध्यान से सुनो ठीक है सी शाप का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो वेबसाइटें बनाने में और डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनाने में डेटाबेस एप्लीकेशंस बनाने में और यकीन मानो सी शाप जो है वो एक मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एक बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और क्योंकि विंडोज़ जो है वो बहुत सारे कंप्यूटर्स रन करते हैं आज की तारीख में इसलिए डॉट नेट फ्रेमवर्क जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और विंडोज़ पर कोई भी ऐप बनती है और आप लोगों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल चाहिए उस ऐप के फीचर्स में तो डॉट नेट फ्रेमवर्क पर ही बनाई जाती है तो ये बात जो है आप लोगों को पता होनी चाहिए और ये बात अब हमने बहुत ज़्यादा कर ली डॉट नेट फ्रेमवर्क के बारे में और हमने बहुत ज़्यादा डीप डाइव कर लिया कॉन्सेप्ट में अब चलो थोड़े कोड लिखते हैं और थोड़े कॉन्सेप्ट को समझते हैं डॉट नेट कैसे रन होता है क्यों होता है क्या होता है इसमें बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से आपको घुसने की जरूरत नहीं है जब तक आप एक अच्छी एप्लीकेशन बनाना नहीं सीख जाते ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को बिल्कुल भी एक्साइट नहीं करेंगे अगर आपने एक एप्लीकेशन बना ली तब आपके अंदर उत्सुकता जागेगी कि, कि ये सारी की सारी चीज़ें यार काम कैसे करती हैं हैविंग सेट दैट हम आएंगे वापस से यहाँ पर और कॉन्सेप्ट को सीखना स्टार्ट करेंगे जैसे कि मैंने आप लोगों को राइट लाइन फंक्शन बताया राइट लाइन फंक्शन एक बहुत ही बेसिक फंक्शन है जो कि कंसोल में एक लाइन को लिख देता है मैं यहाँ पर हेलो वर्ड के साथ साथ हेलो हैरी भी लिख सकता था और उसी के साथ साथ आई लव सी शाप भी लिख सकता था आई लव सी शाप कंट्रोल एस टू सेव और मैं स्टार्ट पर क्लिक करूँगा तो मेरी एप्लीकेशन रन हो जाएगी अब आप लोग देखो इसने मुझे हेलो वर्ड यहाँ पर दिया हेलो हैरी उसके बाद दिया आई लव सी शाप उसके बाद दिया यानी कि अलग अलग लाइनों में मुझे ये चीज़ जो है देखने को मिली ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने राइट लाइन इस्तेमाल किया अगर मैं सिर्फ राइट इस्तेमाल करूं, यानी कि राइट लाइन इस्तेमाल ना करूं, राइट इस्तेमाल करूं, तो राइट क्या करता है राइट वहीं के वहीं लिखता है और लिखने के बाद एक नई लाइन नहीं छोड़ता है तो देखो इसके बाद जो भी चीज़ मैं लिखूंगा वो वहीं से स्टार्ट हो जाएगी नई लाइन से स्टार्ट नहीं होगी तो ये राइट और राइट लाइन में डिफरेंस है क्या यूज़ करना अच्छा है आपके यूज़ केस इस पर डिपेंड करता है भाई अगर आप लोगों को चाहिए कि आप लोग जो है एक ही लाइन में रखो अपनी सारी की सारी चीज़ों को तो आप लोग जो है राइट यूज़ कर लो लेकिन अगर आप चाहते हो नई लाइन में आ जाए तो आप लोग जो है राइट लाइन इस्तेमाल कर लो ठीक है तो इसको बंद करते हैं और एक चीज़ और दिखाता हूँ आप लोगों को जब मैंने प्रोग्राम को रन किया था तो ये जो यहाँ पर मेमोरी है वो इस तरह से चल रही है तो ये, ये मेमोरी का ग्राफ है ये मुझे बता रही है कि मेमोरी कॉन्सेंट यूज़ हो रही है मेमोरी का यूजेज बढ़ नहीं रहा है ठीक है तो हम लोग देखेंगे ऐसे प्रोग्राम्स भी जहाँ मेमोरी का यूजेज जो है फ्लक्चुएट करेगा और ये चीज़ जो है बहुत हैंडी टूल है यहाँ पर आपको पता चलता है आपका प्रोग्राम कितनी मेमोरी खा रहा है और आप उसके हिसाब से जो, जो है ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ठीक है अब यहाँ पर बहुत सारे लोग सोचेंगे कि क्या सी शार्प को लर्न करने के लिए सी सीखना ज़रूरी है सी प्लस प्लस सीखना ज़रूरी है बिल्कुल भी सीखना जरूरी नहीं है अगर आप सी और सी प्लस में जानते हैं तो दैट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी अ प्लस अगर आप लोग पाइथन जानते हैं प्रोग्रामिंग जानते हैं या फिर एच टी एम एल भी जानते हैं तो हमेशा प्लस ही होने वाला है अगर आप लोग कोई भी चीज़ जानते हैं अच्छी बात है ठीक है लेकिन सी और सी शार्प जो है वो काफ़ी हैंड इन हैंड चलते हैं काफ़ी इसमें अगर आप लोगों ने जावा वगैरह पढ़ा हुआ है तो फीचर्स थोड़े से सिमिलर हैं तो हाँ वहाँ पर आप लोगों को मदद डेफिनेटली मिलेगी लेकिन क्या ये वीडियो फॉलो करने के लिए आपको सी आना जरूरी है ना बिल्कुल भी नहीं ठीक है तो हमने अपना डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सेटअप कर लिया है और यहाँ पर हम जो है अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बनाएंगे और हमने एक आध दो चार लाइनें भी लिख ली हैं और हमने कंसोल में हेलो वर्ड को भी प्रिंट कर लिया है अब आगे क्या आगे ये कि हम लोग देखेंगे कि जो सी शाप है उसका सिंटेक्स किस तरह से होता है और ये जो प्रोग्राम है इसको लाइन बाय लाइन समझेंगे कि क्या चीज़ इसमें क्या कर रही है तो अब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ शार्प प्रोग्राम को हम लोग देख लेते हैं सबसे पहली चीज़ प्रोग्राम में आप लोगों को क्या दिखाई दे रही है आप लोगों को दिखाई दे रहा है यूजिंग सिस्टम ये सारी चीज़ें हम यूज़ नहीं कर रहे हैं अभी हम सिर्फ सिस्टम यूज़ कर रहे हैं इसलिए आप लोग देखो ये ग्रे आउट हो गया है यानी कि ग्रे कलर से आ रहा है थोड़ा सा ब्लर सा आ रहा है और ऊपर देखो डार्क आ रहा है यूजिंग सिस्टम लिखा हुआ अभी जो ऊपर यूजिंग सिस्टम लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि हम सिस्टम नेम स्पेस की क्लासेस यूज़ कर सकते हैं जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन यूज़ किया है अब अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन लिखूंगा तो मैं इसको यूज़ कर पाऊंगा क्योंकि सिस्टम नेम स्पेस में से है देखो मैं इस पर अगर अपना माउस लेकर जा रहा हूँ तो लिखकर कर आ रही रिप्रेजेंट्स दी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एंड एरर स्ट्रीम्स फॉर कंसोल एप्लीकेशन This class cannot be inherited. To browse the .NET Framework source code of this type, ठीक है अब यहाँ पर ये जो चीज़ है ये हमने इस्तेमाल करी सिस्टम नेम स्पेस से ये बात के कहने का मतलब था अब यहाँ पर नेम स्पेस हेलो का मतलब हम एक हेलो नेम स्पेस के अंदर डाल रहे हैं अपना ये सारा का सारा कोड अब आप लोग यार ये नेम स्पेस नेम स्पेस कर जा रहे हो नेम स्पेस होता क्या है नेम स्पेस कुछ ऐसा समझ लो कि एक कंटेनर होता है जिसके अंदर आपकी क्लासेज और और दूसरी नेम स्पेसेस ये सारी चीज़ें होती हैं और जो नेम स्पेस है आपकी उससे कोड बेटर ऑर्गेनाइज होता है जैसे कि सिस्टम नेम स्पेस है उसमें एक तरह की सारी क्लासेस आ गई तो उस तरह से नेम स्पेस बनाई जाती है ठीक है ज़्यादा नेम स्पेस के बारे में आप लोग अभी मत सोचो कर्ली ब्रैकेट्स क्या है ये क्यों लगाए जा रहे हैं इसका मतलब है नेम स्पेस यहाँ स्टार्ट हो रही है यहाँ ख़त्म हो रही है दैट सेट सिमिलरली क्लास स्टार्ट करी क्लास यहाँ स्टार्ट हो रही है यहाँ ख़त्म हो रही है उसी के साथ साथ ये मेन फंक्शन यहाँ स्टार्ट हो रहा है यहाँ ख़त्म हो रहा है ये कर्ली ब्रेसेस से ये होता है ठीक है अब यहाँ पर क्लास की बात करते हैं हमने यहाँ पर ये देखा है ये सीख है ये भी ठीक है क्लास प्रोग्राम क्या है ये क्लास डेटा और मैथड्स का एक कंटेनर है जिसके अंदर हमारे डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस होते हैं जो कि आपके प्रोग्राम को जान देता है यानी कि आपके प्रोग्राम में कोई मेथड है अगर जैसे कि अगर आपने एक फंक्शन बनाया जिस जो कि रन करता है मान लो दो नंबर्स को ऐड करके देता है ये कर सकता है आपका प्रोग्राम या फिर हो सकता है कि जो आपका प्रोग्राम है वो आप लोगों को दो नंबर्स मल्टीप्लाई करके देता हो एवरेज निकाल के देता हो या फिर कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो कि आप लोगों के लिए बोलता हो जो भी टेक्स्ट आप उसको देते हैं तो इस तरह के फंक्शंस होते हैं और इस क्लास में जो कि क्लास प्रोग्राम है उसके अंदर हमने अभी के लिए सिर्फ मेन फंक्शन बना रखा है यानी कि हमको ऑलरेडी बना बनाया मिला बट इसके अंदर सिर्फ एक फंक्शन है ये एक फंक्शन है और जो मेन फंक्शन होता है वहाँ से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो है सी शाप का स्टार्ट होता है ठीक है तो आई होप कि आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे बहुत ज़्यादा डीप डाइव करना रिकमेंड नहीं करता हूँ इनिशियली मैं किसी को भी कुछ बातें जान लेते हैं यहाँ पर ये सारे के सारे फंक्शन हैं इंस्ट्रक्शन हैं जो कि हमने लिखे हैं हर इंस्ट्रक्शन यानी कि हर आदेश जैसे बिग बॉस आदेश देता है ना बिग बॉस आदेश देता है और उन आदेशों का पालन करना पड़ता है बिग बॉस के घर में जो लोग होते हैं उनको उसी तरह वैसे जो बिग बॉस कोई देखता है तो मुझे कमेंट में बताओ मैं तो नहीं देखता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन हेलो वर्ड एक इंस्ट्रक्शन है और उसके बाद सैमिकॉलर लगा हुआ है सेमी का मतलब कि ये इंस्ट्रक्शन यहां पर खत्म हो जाता है और ये इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है सिंपली कह रहा है कि हेलो लिख के एक लाइन छोड़ दो कंसोल डॉट राइट क्या कह रहा है हेलो हैरी लिखो लेकिन लाइन मत छोड़ो नहीं वापस से आई लव सी शाप लिख के लाइन छोड़ दो इसलिए इसका आउटपुट जो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है और इसी को कहते हैं कंसोल एप्लीकेशन ठीक है तो हेलो हैरी के बाद नई लाइन नहीं है आई लव सी शाप के बाद एक नई लाइन है ठीक है तभी देखो ये यहां पर ऐसे चमक रहा है आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को काफ़ी आइडिया मिल गया होगा हमने गार्बेज कलेक्शन की बात की थी और उसकी के साथ साथ हम लोगों ने काफी चीज़ें देखी हैं कि मैं कहूँगा अभी हम एक बेसिक प्रोग्राम लिखने की स्टेज में है तो अभी हम ज़्यादा नहीं सोचेंगे यहाँ पर कंसोल्ड और राइट लाइन मैंने लिखा राइट right लिखा राइट right लाइन लिखा तीन इंस्ट्रक्शन लिखे और एक और इंस्ट्रक्शन लिखा कि मेरे लिए रुको मैं एक लाइन दूंगा मैं एक लाइन इनपुट करूंगा मेरे लिए रुको कंसोल्ड और रील लाइन ये कहता है जिससे कि कंसोल रुका रहता है वरना कंसोल गायब हो जाता है ठीक है तो हैविंग सेट दैट हम लोग आगे बढ़ेंगे ये था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी शार्प प्रोग्राम और यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ इतना ही जानने के लिए अभी के लिए ज़रूरत है अब आगे बढ़ेंगे और प्रोग्राम को थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बनाएंगे मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा कॉमेंट्स की कॉमेंट्स क्या होते हैं कभी कभी प्रोग्राम के अंदर आप लोग कुछ ऐसी चीज़ें लिखना चाहते हैं जो कि आप लोगों को कुछ प्रोग्राम के बारे में बताएं या फिर कुछ फेलो प्रोग्रामर्स को बताएं जैसे कि मान लो अगर मैं लिख रहा हूँ डो नॉट रिमूव दिस दिस इज़ फॉर टेस्टिंग मान लो मुझे लगता है कि कोई दूसरा इंसान जो कि इस कोडबेस को देखेगा वो इस लाइन को हटा सकता है तो मैं क्या करूँगा लिख दूँगा दिस इज़ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर डी बगिंग ठीक है डू नॉट रिमूव ठीक है डू नॉट रिमूव ठीक है ये मैंने लिखा है यहाँ पर अब अगर मैं इसको रन करूँ तो क्या होगा मैं इसको रन करने की कोशिश करूँ तो क्या हुआ देयर वर बिल्ड एरर्स यू लाइक टू कंटिन्यू एंड रन द लास्ट सक्सेसफुल बिल्ड नहीं मुझे इसको बिल्ड करना है और इसने जो है तमाम एरर्स मेरे सामने ला के रख दिए कहा कि भाई ये, ये क्या है ये क्या है क्या लिख दिया क्या लिख दिया क्योंकि इसने इसको एक इंस्ट्रक्शन समझ लिया तो मैं इसको कैसे बताऊं कि इंस्ट्रक्शन नहीं है ये सिर्फ एक नोट है जो कि मैंने दूसरे डेवलपर्स के लिए लिखा है तो मैं एक कॉमेंट का इस्तेमाल करूँगा मैं इस तरह से डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाकर कमेंट लिखना अपना स्टार्ट करूंगा और अब मैं एप्लीकेशन को रन करूंगा तो आप लोग देखो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड हेलो एरी आई लव शीशाप लिख कर आ गया एज एक्सपेक्टेड मेरी एप्लीकेशन जो है वो रन हो चुकी है तो ये कमेंट है कमेंट का मतलब इसको इग्नोर करो दैट्स अबाउट इट जैसे कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को लिखकर दिखाया सिंगल लाइन कमेंट हम लोग मल्टीपल लाइन में भी कमेंट लिख सकते हैं मान लो मुझे कोई स्टोरी लिखनी है बहुत लंबी सी कमेंट में तो मैं कुछ इस तरह से ऐसे लिख सकता हूँ कॉमेंट और इसके बीच में मैं जो भी लिखूँगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा जैसे कि मान लो अगर मैं यहाँ पर आके ये पूरा डॉट नेट के बारे में ही पूरा पेस्ट कर दूँ यहाँ पर यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक कॉपी करूँ और इसको पेस्ट कर दूँ यहाँ पर तो ये बिल्कुल भी उदास नहीं होगा इस बात का बुरा नहीं मानेगा ये और ये इसको एग्जीक्यूट भी कर देगा और उसी के साथ साथ ये क्या करेगा मुझे इसका आउटपुट भी दे देगा तो मैं मल्टीपल लाइन्स में अगर लिखना चाहता हूँ बेसिकली कॉमेंट तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं मल्टीपल लाइंस कितना भी टेक्स्ट मैं इन दोनों के बीच में डाल सकता हूं तो मैं यहां पर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं दिस इज मल्टीलाइन कमेंट स्पैनिंग मल्टीपल लाइंस इससे आप लोगों को पता चलेगा कि एक मल्टीलाइन कॉमेंट है मल्टीलाइन कॉमेंट और यहां पर आप लोग देखो जैसे मल्टी लाइन कॉमेंट स्पैनिंग मल्टीपल लाइन अभी मैं स्टार्ट पे अगर क्लिक करूं तो यहाँ पर देखो ये मेरा प्रोग्राम एज एक्सपेक्टेड रन कर रहा है ठीक है तो ये थे सी सीशा के अंदर और कॉमेंट्स बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, है नहीं करूंगा और आगे बढ़ूंगा वेरिएबल्स की तरफ तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। वेरिएबल्स आपके कंटेनर्स होते हैं जो कि एक तरह की वैल्यू को स्टोर करते हैं जैसे कि आप लोगों के घर में कंटेनर होता होगा जिसमें दाल चावल वो सब चीजें रखी जाती हैं तो जो कंटेनर होता है यानी कि डब्बा उसके अंदर कुछ सामान रखा जाता है और वो होती है वैल्यू इसी तरह वेरिएबल जो होता है सी शाप में उसमें क्या होता है आप एक वेरिएबल बनाते हैं मान लो मैंने वेरिएबल बनाया उसका मैंने कुछ नाम रख दिया जैसे कि हमारा हमारे बाथरूम में बाल्टी होती है उस वेरिएबल का नाम हमने रख दिया बाल्टी वो बाल्टी क्या है एक तरह का कंटेनर है उसके अंदर क्या होता है पानी होता है तो जो बाल्टी है वो है वेरिएबल का नाम और जो पानी है वो उसके अंदर क्या है वो वैल्यू है तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक वेरिएबल बना के दिखाता हूँ तो अगर मैं इंट हैरी इज़ इक्वल टू तो थर्टी फोर लिखूँ तो मैंने क्या किया मैंने एक हैरी नाम का वेरिएबल बनाया मैंने एक कंटेनर बनाया और यहाँ पर मैंने उसके बाद क्या किया इसकी वैल्यू को थर्टी फोर कर दिया अब मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है कि यहाँ पर आप लोग जैसे कि देख सकते हो मैंने हेलो वर्ड हेलो हैरी आई लव सी शार्प लिखा हुआ है उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर क्या करूँगा एंड द नंबर मैं लिखूँगा आई लव सी शार्प एंड द नंबर और मैं प्लस करके यहाँ पर हैरी लिख दूँगा और जब मैं ऐसा करूँगा और इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो यहाँ पर आप लोग देखो ये भी बिल्ड कर रहा है ये देखो हेलो वर्ड हेलो हैरी आई लव शीशाप एंड द नंबर थर्टी फोर ठीक है तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि इसको ऐड कर दिया हैरी के अंदर ठीक है तो अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ कि जो डेटा टाइप्स होते हैं वो क्या होते हैं जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि हैरी नाम का एक वेरिएबल था जिसके अंदर वैल्यू चौंतीस स्टोर कर दी गई यानी कि थर्टी फोर स्टोर कर दी गई और मैंने क्या किया इस स्ट्रिंग को इसमें ऐड कर दिया ठीक है अब यहाँ पर मैंने इंट हैरी इजिगल टू थर्टी फोर लिखा तो इसका मतलब मैंने कहा अपने सी शाप से कि भाई सी शाप एक काम करो मेरे लिए एक वेरिएबल बनाओ जिसका नाम है, हैरी है मेमोरी लोकेशन में और क्या करो कि मुझे उसके अंदर थर्टी फोर नंबर रख कर दे दो तो मेरा सी शाप कहेगा ओके हैरी भाई ये मुझे करके जो है दे देगा ठीक है अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे मैंने इंट हैरी इजिगल टू थर्टी फोर लिखा तो उसके बाद जब मैंने यहाँ पर इसको कौन करा स्ट्रिंग को तो इसके साथ मेरा हैरी भी प्रिंट हो गया ठीक है तो अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या आप लोगों को बताऊंगा डेटा टाइप्स के बारे में कि हमारे पास कितने तरह के वेरिएबल्स होते हैं सी शाप के अंदर ठीक है जिस तरह मैंने यहाँ पर एक इंटीजर बनाया ये एक इंटीजर वेरिएबल था उसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोग और तरह के कुछ जो डेटा टाइप्स हैं उनको देखते हैं हमारे पास प्रमिलली सी शाप में ये डेटा टाइप्स होते हैं जिनको मैं लिखने जा रहा हूँ अभी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डेटा टाइप्स इन सी शाप और मैं यहाँ पर मल्टी लाइन कॉमेंट लिख रहा हूँ ताकि जो मेरा आ, प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट ना हो ये जो इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ वो इंस्ट्रक्शन समझ के एग्जीक्यूट ना कर दे इसलिए इसको मैं कॉमेंट करके इस तरह से लिख रहा हूँ तो एक तो होता है हमारे पास इंटीजर और इसको हम इस तरह से लिखते हैं इंट हैरी एक हमारे पास क्या होता है एक हमारे पास होता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और फ्लोट दिस मैंने दिस नाम का एक वेरिएबल बना दिया आप दैट नाम से बनाओ और यहाँ पर मैं इसको कैपिटल कर देता हूँ तो इंटीजर ऑफ फ्लोट हमने देखा अब हम बात करते हैं यहाँ पर कैरेक्टर की उसको हम कैर से लिखते हैं और हम देखेंगे कैर ए इज इक्वल टू कैपिटल इस सिंगल कोड के अंदर लिखा जाता है कैरेक्टर को यह भी मैं आप लोगों को बताता हूँ बना के दिखाऊँगा फिर हमारे पास एक बुलियन होता है बोलियन का क्या मतलब है बुलियन का मतलब ट्रू या फॉल्स अभी मैं सिर्फ लिख रहा हूँ आप लोगों को भी बताऊँगा ठीक है बोलियन वेरिएबल और इसको हम बूल से लिखते हैं बूल इज इज ग्रेट इज इक्वल टू ट्रू या फॉल्स इसकी दो वैल्यूज़ होती हैं अगर ये सच है तो ट्रू व ना फॉल्स ठीक है तो यहाँ पर क्या होता है कि आप लोग अगर कोई जीरो वन टाइप की कोई स्विच टाइप की वैल्यूज लेना चाहते हो कि भाई यहाँ तो हाँ या ना या तो ग्रेट है बंदा या नहीं है तो इज़ ग्रेट या तो ट्रू या फॉल्स तो बोल इज़ ग्रेट इज इक्वल टू ट्रू यहाँ पर इस तरह से आ गया है अब स्ट्रिंग में यहाँ पर लिखूंगा एक स्ट्रिंग वेरिएबल होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रिंग आई एन पी इज इक्वल टू इस तरह से मैं लिख सकता हूँ और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ हैरी और सेमिकोनर लगाकर मैं यहाँ पर ज़रा इसको स्ट्रिंग वेरिएबल है तो ऐसे लिख देता हूँ तो आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि हमारे पास डेटा टाइप्स इस तरह के होते हैं अब एक बात आप लोगों को मैं बताता हूँ कि ये जो हमारा रीड लाइन होता है वो एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है यानी कि अगर मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया स्ट्रिंग और उसके बाद आई एन पी इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन और मैंने इस फंक्शन को रन किया तो जो भी चीज़ मैं इनपुट करूंगा वो आयन भी वेरिएबल में आ जाएगी वेरिएबल मतलब कंटेनर और कंटेनर अलग अलग तरह का हो सकता है और उसको डेटा टाइप्स बोलते हैं जैसे कि कंटेनर एक इंटीजर कंटेनर हो सकता है यानी कि इंटीजर वेरिएबल हो सकता है अब कंटेनर को कंटेनर नहीं बोला जाता है प्रोग्रामिंग की भाषा में वेरिएबल बोल देते हैं लेकिन चीज़ वो वही होती है कंटेनर होता है वैल्यूज़ के लिए यानी कि वैल्यूज़ को कंटेन करता है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह किचन में आपके डब्बे के अंदर नमक चीनी होता है और बाथरूम में जो आपकी बाल्टी होती है उसके अंदर पानी होता है तो बिल्कुल उसी तरह कंटेनर होता है और उसके अंदर कोई वैल्यू होती है जैसे बाल्टी में पानी वैल्यू है और आपके किचन में जो डब्बा रखा हुआ है उसके अंदर नमक वैल्यू है और वो जो कंटेनर है वो क्या है उसका जो नाम है कंटेनर का वो वेरिएबल का नाम है ठीक है तो आई होप कि ये चीज़ तो एकदम क्लियर आपको हो गई होगी अब अगर मैं यहाँ पर मैं इन तीनों को कमेंट आउट कर देता हूँ लास्ट वाली लाइन को कमेंट आउट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैंने उसको कमेंट आउट कर दिया तो क्या होगा कि ये कंसोल्ट और ट्रेड लाइन अगर मैंने कमेंट आउट कर दिया तो मुझे जो प्रोग्राम है वो एग्जिट हो जाएगा फिर से ठीक है वो मैं चाहता नहीं हूँ मैं चाहता हूँ कि ये पकड़ के रखे अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कंसोल डॉट राइट लाइन और उसके बाद आई एन पी लिख दूँ यहाँ पर और सैमी कॉलम लगा दूँ तो आप लोग देखो मैं जैसे यहाँ पर लिखूँगा तो ये मुझसे कुछ इनपुट लेने के लिए बोल रहा है मान लो मैंने लिख दिया हैरी इज़ अ गुड बॉय मैं एंटर मारूंगा तो इसने मेरा ये जो है इसको प्रिंट किया क्योंकि आई के अंदर ये स्टोर हो गया कंसोल डॉट रीड लाइन एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है और कंसोल डॉट रीड लाइन जो स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है उसको मैंने कंसोल डॉट राइट लाइन की मदद से प्रिंट कर दिया कंसोल में ठीक है तो मैं इसको अभी जो है बंद कर देता हूँ मैंने इसको बंद कर दिया है तो कंसोल डॉट राइट लाइन हमने देख लिया कंसोल डॉट रीड लाइन भी हमने देखा कि ये इंतज़ार करता है और इनपुट लेता है यूज़र से ठीक है तो ये हमारे डेटा टाइप्स हो गए अलग अलग तरह के डेटा टाइप्स हमने देखे इनका साइज़ देख लेते हैं एक बार अगर इनके साइज़ की बात की जाए तो इंट लेता है फोर बाइट्स और उसी के साथ साथ जो हमारा फ्लोट होता है वो क्या लेता है हमारा फ्लोट लेता है चार बाइट लेकिन फ्लोट जो होता है वो डेसिमल वाला नंबर होता है इसी वो अलग होता है इंट से जो हमारा कैरेक्टर होता है वो टू बाइट्स लेता है और उसी के साथ साथ जो बुलियन होता है हमारा वो कितना लेता है वो वन बिट लेता है सिर्फ वन बिट तो बोलियन जो होता है वो बहुत कम मेमोरी लेता है तो मैं वन बिट यहाँ पर लिख देता हूँ बाइट भी नहीं एक बिट में सॉरी एक बाइट में आठ बिट होती हैं ठीक है तो ये वन बिट लेता है ठीक है तो मतलब बहुत ही कम मेमोरी ये लेता है ठीक है अब यहाँ पर स्ट्रिंग क्या होता है स्ट्रिंग लेता है दो बाइट पर कैरेक्टर तो पर कैरेक्टर लेगा स्ट्रिंग क्योंकि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हो जाते हैं तो टू बाइट बाइट्स पर पर कैरेक्टर लेगा तो ये पर कैरेक्टर बेसिस पे जो है मेमोरी को कंज्यूम करता है अब ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है तो मैं ज़रा यहाँ पर क्या करता हूँ कि इस चीज़ को थोड़ा सा वो कर देता हूँ अब यहाँ पर ग्रीन लाइन से इसलिए लिख कर आ रहा है क्योंकि मैंने यूज़ नहीं किया ये कह रहा है आपने बना लिया अवेलेबल यूज़ नहीं किया इसको तो मैं काम करता हूँ यहाँ पर आ, मैं इसको लिख देता हूँ कॉमेंट एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि जो सोर्स कोड मैं लिख रहा हूँ वो आपके नोट्स की तरह भी काम करे तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कॉमेंट एग्जाम्पल दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर डीबगिंग डू नॉट रिमूव मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया था कॉमेंट का को, उसका कोई मतलब नहीं है फिर उसके बाद मैंने एक मल्टी लाइन कॉमेंट का एग्ज़ाम्पल लिया था और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिंगल लाइन कॉमेंट एग्जाम्पल फिर उसके बाद मैं लिख दूंगा मल्टी लाइन कॉमेंट एग्जाम्पल ठीक है तो जो मल्टी लाइन कॉमेंट है उसका एग्जाम्पल लिख देते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ये आ रहा है मैं इसको ऐसे लिखना चाहता हूँ एक लाइन दे देता हूँ एक गैप दे देता हूँ लाइन का ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे तो आपको अपने प्रोग्राम्स को स्ट्रक्चर करना भी आना चाहिए तो इसको मैं मल्टी कर देता हूँ सेव किया मैंने इंड हैरी जी गडो थर्टी फोर ये एक इंटीजर वेरिएबल है और ये मैंने आप लोगों को बना के दिखाया था इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ फिर उसके बाद मैंने अलग अलग तरह के डेटा टाइप्स आप लोगों को बताए थे सी शाप के अंदर और इसके बाद अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि किस तरह से हम लोग अलग अलग तरह के डेटा टाइप्स यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो हम लोग कुछ और डेटा टाइप्स देखेंगे जैसे कि हमने इंटीजर फ्लोट कैर बुलियन और स्ट्रिंग देखा था उसी के साथ साथ हमारे पास लॉन्ग और डबल भी होता है ठीक है तो मैं इसमें दो और ऐड कर रहा हूँ एक तो लॉन्ग ऐड कर रहा हूँ लॉन्ग जो होता है वो लेता है एट बाइट्स और वो इंटीजर की तरह ही होता है लेकिन बड़े इंटीजर्स को स्टोर करता है यानी कि बहुत बड़े जो हमारे होल नंबर्स हैं उनको स्टोर करता है नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है ठीक है और जो इंट होता है वो भी हमारा नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है ठीक है और ज़ीरो भी हो सकता है ठीक है तो यहाँ पर इसको मैं एट बाइट्स लिख देता हूँ और इसको सिंपली जिस तरह मैंने इंट हैरी लिखा है उसी तरह मैं यहाँ पर लॉन्ग हैरी करके लिख सकता हूँ सिमिलरली फ्लोट के साथ हमारे पास एक डबल होता है जो कि आठ बाइट लेता है तो मैं इसको यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि जिस तरह हमारे पास लॉन्ग होता है उसी तरह हमारे पास एक डबल भी होता है और जो डबल है वो क्या लेता है डबल लेता है आठ बाइट्स ठीक है तो मैंने यहाँ पर डबल लिखा और ये आठ बाइट्स लेता है और पंद्रह डेसिमल डिजिट्स तक का प्रिसीजन देता है ठीक है ये सारी चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को क्योंकि ये सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड नहीं है आप लोगों से कि आप हर प्लेटफॉर्म के लिए रटें कि किस प्लेटफॉर्म में कितने डिजिट्स का प्रसिजन मिलता है आपको एक आइडिया होना चाहिए अगर आप लोगों को इतना आइडिया है कि इंटीजर से अच्छा प्रोसीजन लॉन्ग का होता है और डबल का जो होता है वो फ्लोट से अच्छा प्रसिजन होता है ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों को याद है तो उतना काफ़ी है क्योंकि ये देखो चार बाइट ले रहा है ये आठ बाइट ले रहा है तो आप लोगों को इतना आता है ना अगर तो मेरे हिसाब से काफ़ी है दैट इज़ मोर देन इनफ ठीक है बिल्कुल टेंशन मत लेना आप लोग कोई भी चीज़ रटने की ये हमारा इनिशियल एग्जाम्पल था इसलिए मैं इसको ऊपर कर देता हूँ मैं इसको यहाँ से हटा देना चाहता हूँ मैं इसको यहाँ पर जहाँ मैंने आप लोगों को दिया था इसका एग्ज़ाम्पल मैं वहाँ पर इसको मूव कर दूँगा और मैं इसको कॉमेंट आउट भी कर दूँगा सिर्फ जस्ट फॉर योर रेफरेंस मैं रखना चाहता हूँ इसको ताकि आप लोग कभी रेफ़र करना चाहिए इस कोड को तो कर लें ये सोर्स कोड आपको उपलब्ध करा दूंगा मैं ठीक है चलो जी बढ़िया यहाँ तक हम लोगों ने जो है किया अब टाइप कास्टिंग की बात कर लेते हैं मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ मैं कुछ वेरिएबल्स बनाता हूँ मैं लिखता हूँ इंट ए इज़ इक्वल टू थर्टी फोर ठीक है इंट बी इज़ इक्ल टू मैं यहाँ पर लिखता हूँ थ्री फोर्टी फोर इनफैक्ट मैं थर्टी फोर पॉइंट फोर करके एक फ्लोट बना लेता हूँ एक और मैं आप लोगों को बात बताता हूँ कि मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स में आप लोग इंटीजर और फ्लोट ही यूज़ करोगे उससे आपका काम हो जाएगा कभी कभी ही आप लोग लॉन्ग और डबल का कर इस्तेमाल करोगे तो अगर आप लोग एक बिगिनर हो तो आप लोग बस इंट और फ्लोट ही ज़्यादा इस्तेमाल करोगे और इंट और फ्लोट ही आप लोगों को ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए अब यहाँ पर आप लोग देखो कि एक दे रेड कलर की लाइन आ रही है और ये कह रहा है रिप्रेजेंटेड डबल प्रोसीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ये क्या है अगर मैं इसको भी रन करूँ यहाँ पर तो ये कह रहा है देआर वर बिल्ड एरर्स लेकिन मैंने यहाँ पर गलती क्या अगर ये तो बताए मुझे ये तो अगर मैं यहाँ पर एरर्स आपको दिखाऊँ तो ये यहाँ पर कह रहा है कि लिटरल ऑफ टाइप डबल कैन नॉट बी इम्प्लेसिटली कन्वर्टेड टू टाइप फ्लोट इसी को बोलते हैं टाइप सेफ लैंग्वेज मैंने बोला था ना सी शाप एक टाइप सेफ लैंग्वेज है तो जो डेसिमल वाला नंबर होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट डबल होता है अच्छा अगर मैं यहाँ पर डबल करता तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती और ये रन भी हो जाता आपको दिखा देता हूँ देखो हो गया रन ठीक है लेकिन क्योंकि मैंने यहां पर फ्लोट लिखा तो सी शार्प एक टाइप सेफ लैंग्वेज है यानी कि सी शार्प यह कहता है कि जो यहां लिखो उसी तरह का वैल्यू भी उपलब्ध कराओ तो इसलिए ये एरर दे रहा है तो मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा ये वैल्यू फ्लोट है यह बताने के लिए मुझे कैपिटल एफ लगाना पड़ेगा और ये मुझे यहां पर हिंट भी दे रहा है मैं इसको रन करूँ अगर आप लोगों को बिल्ड एरर दिखाऊँ तो देखो कह रहा है यूज एन एफ एफ सफेक्स आपको दिख रहा होगा ये मैं एक बार और आपको बताना चाहता हूँ कि आप एच में मेरे सारे वीडियोस एच क्वालिटी में अपलोड होते हैं एच के अंदर आप लोग देखो मेरे वीडियोस को और फुल स्क्रीन पे देखो फ़ोन पे देख रहे हो तो मैं, मैं इतना जूम करता हूँ कि आप लोग को देखें आपका इंटरनेट अगर स्लो है तो ऑटोमेटिकली स्पीड आपकी अगर कम आ रही है तो क्वालिटी कम दिखाता है यूट्यूब उसमें आप कॉमेंट कभी कभी सब लोग तो नहीं एक लोग भी नहीं बहुत कम लोग कहते हैं कि एच डी में अपलोड नहीं हुआ है वीडियो आप लोग क्वालिटी चेंज कर सकते हो आई होप कि आपको YouTube चलाना आता होगा मैं यहाँ पर कैपिटल F लिखूंगा सेव करूंगा और फ्लोट बी इज एक टू थर्टी फोर पॉइंट फोर एफ़ मैंने लिखा अच्छा अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन लिखूँ अभी और ए और बी दोनों में यहाँ पर प्रिंट करूँ और ए प्लस बी करता हूँ तो क्या होगा ये दोनों खैर ए प्लस बी अभी नहीं करूँगा मैं ए और बी को अलग अलग करता हूँ ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं अभी सिर्फ़ ए और बी को अलग अलग मैं यहाँ पर प्रिंट करना चाहता हूँ इसको अगर मैं रन करूँ तो आप लोग देखो थर्टी फोर और थर्टी फोर पॉइंट फोर यहाँ पर प्रिंट हो गया है तो अगर ये फ्लोट है तो मुझे यहाँ पर एफ़ लगाना पड़ेगा ठीक है तो ये चीज़ जो है आप लोगों को ध्यान रखनी है अगर ये डबल है तो आपको डी लगाना पड़ेगा ठीक है यहाँ पर कैपिटल डी लगाना पड़ेगा जस्ट टू बी सेफ आप डी लगा लें हालांकि रिक्वायर्ड नहीं है मैं फिर से बोलूँगा रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ही जो डेसिमल वाला नंबर होता है वो एक डबल होता है बट डी लगाना अच्छा रहेगा तो अगर मैं सी इज इक्वल टू यहाँ पर डबल लिख दूँ डबल सी इज़ इक्वल टू थर्टी फोर पॉइंट फोर यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन सी भी करूँ और इसको मैं चलाऊं तो आप लोग देखो यहाँ पर ये चल गया है और 34, 34.4, 34.4 फोर थर्टी फोर यहाँ पर आ गया है ठीक है तो ये इंट फ्लोट और डबल थे यहाँ पर अगर मैं डी लगा लूँ तो ये ज़्यादा क्लीन कोड कहलाएगा क्योंकि डायरेक्टली मुझे पता चल रहा है मेरी वैल्यू डबल है एम्बिगुटीज़ हम क्रिएट नहीं करना चाहते एम्बिगुटीज़ काफ़ी क्रिएट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि भाई अगर ऐसे तो क्या होगा लेकिन मेरे हिसाब से कुछ क्वेश्चंस उसके बहुत ज़्यादा लिमिट्स को एक्सीड कर देते हैं अगर आप एक प्लेटफॉर्म के बारे में रट रहे हो कि क्या होगा तो दैट डजेंट मेक एनी सेंस जब तक आप कुछ यूजफुल बना पा रहे हो मेरे हिसाब से आपकी जो प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं वो अच्छी हैं वो अप टू द मार्क हैं तो अगर मैं यहाँ पर ये बोल दूँ कि अगर मैं मान लो यहाँ पर बहुत बड़ा नंबर लगा दूँ और मैं इसको फ्लोट को इंट कर दूँ और उसके बाद टाइप कास्ट कर दूँ या ये कर दूँ वो कर दूँ फिर क्या होगा तो यार वो तो जिसने कंपाइलर बनाया है उसको पता होगा क्या होगा एज लॉन्ग एज वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है अगर वो कोई जाना माना कॉन्सेप्ट नहीं है तो मैं शायद ना बता पाऊँ कि क्या होगा तो अगर आप सर्कस करो अपने प्रोग्राम के साथ कोई चीज़ इधर से उधर करो उधर से इधर करो आप मुझसे पूछो कि क्या होगा तो यार अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश करो जिसका कोई वो ही नहीं है कि मतलब कोई कॉन्सेप्ट उसमें लग नहीं रहा है एक बहुत बड़ी एम्बिग्यूटी क्रिएट कर दी आपने तो आप मेरी बात समझ रहे हो आप लोगों को पहले यूज़फुल प्रोग्राम्स बनाना सीखना है और उसके बाद इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो करने लेकिन कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं जैसे कि यहाँ पर डी नहीं लगाया तो क्या होगा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे तो कंपाइल हो जाएगा प्रोग्राम बिल्कुल सही सही चलेगा अगर एफ़ नहीं लगाया तो क्या होगा एरर थ्रो करेगा क्योंकि ये फ्लोट है बाय डिफॉल्ट डबल होता है ये सारी चीज़ें काम की हैं लेकिन कुछ चीज़ें काम की नहीं होती हैं तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है पहले उसके बाद ही कुछ करना है ठीक है तो इन ए जीकल टो थर्टी फोर बी जीको टू थर्टी फोर पॉइंट फोर ये सब मैंने लिख दिया और सिमिलरली मैं क्या करूँगा एक बोलियन का भी बना लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इज ग्रेट इज इक्वल टू ट्रू और अगर मैं यहाँ पर अभी जो इज ग्रेट है उसको प्रिंट कराऊँ, सेव करूँ तो यहाँ पर जो है वो प्रिंट हो जाएगा मेरा देखो यहाँ पर ट्रू प्रिंट हो गया है ठीक है तो इस तरह से जो है ये प्रिंट हो जाता है अब कैरेक्टर की बात करें अगर अगर मैं यहाँ पर कैर बनाऊँ, कैर ई इज इक्ल टू या डी बना देता हूँ डी मैंने यूज नहीं किया है तो मुझे सिंगल कोट के अंदर रखना है कोई भी कैरेक्टर डबल कोट में मत लगा देना सिंगल कोट में रखना है किस में रखना है सिंगल कोट में सिंगल कोट का होता है सैमी कॉलन के राइट में वो दबाना है और उसके अंदर इंक्लोज कर देना और आपका कैरेक्टर बन जाएगा मैं यहाँ पर आप लोगों को इसको प्रिंट करा के भी दिखाता हूँ और ये देखो कोई प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया शो भी कर रहा है मुझे कि आर मेरा यहाँ पर आ गया है कोई और कैरेक्टर लिखता तो कोई और आता तो ये कैरेक्टर है हमारा शीशा आप में ठीक है आई होप समझ में आ गया सिमिलरली स्ट्रिंग की बात करूँ तो बहुत जल्दी स्ट्रिंग हालांकि दिखा चुका हूँ ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लिख दिया दिस इज़ अ स्ट्रिंग और उसके बाद यहाँ पर अगर मैं स्ट्रिंग ई इज इक्वल टू लिखता हूँ और यहाँ पर अगर मैं ई e को प्रिंट कराऊँ तो एक अगली लाइन में मेरे पास दिस इज अ स्ट्रिंग भी प्रिंट हो जाएगा नो सरप्राइजेस ठीक है तो यहाँ पर देखो दिस इज़ अ स्ट्रिंग भी प्रिंट हो गया तो इस तरह से अलग अलग तरह की वैल्यूज़ आप लोग बना सकते हो अब जो कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ टाइप कास्टिंग का वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देखो टाइप कास्टिंग जो होती है मैं यहाँ पर इसको ज़रा कॉमेंट आउट कर देता हूँ पहले फिर आप लोगों को बताता हूँ और मैं यहाँ पर हैडिंग भी डालता चलता हूँ यहाँ पर मैं एक हैडिंग देता हूँ डेटा टाइप्स एग्जाम्पल सेव किया इसको और इन सबको कमेंट आउट कर देता हूँ मैं ठीक है तो इसको कमेंट करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं आप दबा सकते हैं अपने कीबोर्ड में कंट्रोल और ऑल्ट कंट्रोल ऑल्ट दबा के आप जहाँ जहाँ क्लिक करोगे वहाँ वहाँ आपको एक कर्सर मिलेगा ये विजुअल स्टूडियो का शॉर्टकट है ठीक है नोट करें कि ये कोड ये जो शॉर्टकट है वो विजुअल स्टूडियो कोड में अलग होता है तो कंफ्यूज मत होना अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ सिर्फ़ एक कॉमेंट ऐड कर रहा हूँ इस सब चीज़ को हटाने के लिए ठीक है और मैं यहाँ पर आऊँगा अगले टॉपिक में जो कि है टाइप कास्टिंग ठीक है टाइप कास्टिंग क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर मैं टाइप कास्टिंग लिखता हूँ ठीक है और यहां पर मैं कंट्रोल के और कंट्रोल सी करूंगा तो कमेंट आउट हो जाएगा कंट्रोल दबा के, के और सी दबाओ कमेंट आउट हो जाएगा ठीक है ये शॉर्टकट्स आनी चाहिए आप लोगों को चलो जी तो टाइप कास्टिंग के बारे में बात करते हैं टाइप कास्टिंग क्या होता है एक वैल्यू को एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने को टाइप कास्टिंग कहते हैं ठीक है थीके? जैसे कि मान लो मान लो मैंने कि कुछ इस तरह से लिखा इंट ए इज़ इक्वल टू थ्री पॉइंट फाइव ठीक है मान लो मैंने ये लिखा तो क्या होगा यहाँ पर ये यहाँ पर मुझे एरर दे रहा है कह रहा है कि भाई आप डबल कैसे बना रहे हो एक इंट में डबल कैसे दे रहे हो आप तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ मैं इसको टाइप कास्ट कर सकता हूँ ठीक है डबल में सॉरी मैं इसको टाइप कास्ट कर सकता हूँ डबल को इंटीजर में तो मैं इस थ्री पॉइंट फाइव को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकता हूँ कुछ इस तरह से मैं कुछ इस तरह से इंट लिख कर और यहाँ पर बता सकता हूँ इसको कि भाई देखो ऐसा है कि मैं ए में रखना चाहता हूँ 3.5 खैर मैंने ए ऑलरेडी ऊपर डिफाइन कर दिया इसलिए कह रहा है यार ए को कितनी बार डिफ़ाइन करोगे यहाँ पर देखो ए मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया तो मैं एक काम करता हूँ एक्स वाई जेड में आ जाता हूँ तो एक्स इज़ इक्वल टू थ्री पॉइंट फाइव मैंने किया और अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन एक्स करूँ तो और इसको रन करूं तो आप लोग देखो यहां पर थ्री मेरा आ गया है ठीक है तो मैंने क्या किया एक डबल को कन्वर्ट कर दिया एक इंटीजर में टाइप कास्ट करके अब टाइप कास्टिंग जो होती है वो दो तरह की होती है मैं यहां पर लिख देता हूं टू टाइप्स ऑफ टाइप कास्टिंग पहली टाइप कास्टिंग होती है वो होती है इम्प्लिसिड कास्टिंग और दूसरे तरह की जो कास्टिंग होती है वो होती है एक्सप्लिसिट कास्टिंग ठीक है तो इम्प्लिसिड कास्टिंग और एक्सप्लिसिट कास्टिंग इन दोनों में क्या डिफरेंस है ठीक है तो कंट्रोल के सी करते हैं पहले कमेंट आउट करने के लिए और उसी के साथ साथ अगर आपको ऑल्ट कंट्रोल और एरो बनाकर एक स्पेस ऐड करना है मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी को यूज़ करना है तो आप लोग क्या करें वो भी कर सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर एक स्पेस दे दिया मुझे अच्छा लगता है इसलिए इम्प्लीसिड कास्टिंग की बात करता हूँ इम्प्लीसिड कास्टिंग को समझाने के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पर लिखता हूँ टू इन टू लॉन्ग टू फ्लो टू डबल यानी कि कैर से बनेगा इंट इंट से बनेगा लॉन्ग लॉन्ग से बनेगा फ्लोट फ्लोट से बनेगा डबल तो कैर से इंट इंट से लॉन्ग लॉन्ग से फ्लोट फ्लोट से डबल आप लोग सोच रहे हो क्या कह गया मैं मैं आपको बताता हूँ तो यहां पर मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ इंप्रेस कास्टिंग मान लो मैंने यहाँ पर एक इंट एक्स इज इक्वल टू इसको मैं जरा कमेंट आउट करता हूँ मान लो मैंने यहाँ पर लिखा इंट एक्स इज इक्वल टू थ्री ठीक है एक्स में थ्री आ गया अब मैं यहाँ पर लिख दूँ डबल वाई इज इक्वल टू और मैं लिख दूँ यहाँ पर एक्स तो ये वैलिड है क्यों वैलिड है क्योंकि ऑटोमेटिकली जो है प्रोमोशन कर लेगा अपना तो ये इसको देखेगा ये देखेगा कि सबसे पहले तो ये देखेगा कि इसका और इसका जो डेटा टाइप है वो अलग अलग है ठीक है तो ये क्या करेगा अलग अलग कहेगा क्या, क्या, क्या मैं प्रमोट कर सकता हूँ क्या मैं प्रोमोशन कर सकता हूँ इंट का तो कैर का प्रमोशन हो सकता है इन सारों में इंट का प्रमोशन हो सकता है इन सारों में लोंग का प्रमोशन हो सकता है इंसारों में और फ्लोट का इंसारों में तो यहाँ पर क्या होगा क्योंकि ये एक इंट है क्योंकि x एक, एक इंट है बात ध्यान से सुनो ना एक्स एक इंट है इसलिए इंट का प्रमोशन हो जाएगा डबल में और ये चल जाएगी लाइन तो अगर मैं यहाँ .right पर कंसोल्ड ऑट राइट लाइन वाई करूँ और कंट्रोल डी दबा के बाय तो मैं रिप्लीकेट हो जाती है लाइन नीचे और मैं इसको यहाँ पर रन करूँ तो देखो थ्री और थ्री यहाँ पर प्रिंट हो गया है और यहाँ पर क्या हुआ मैंने डबल वाई के अंदर स्टोर कर दिए ये वैल्यू ठीक है चलो जी बढ़िया अब अगर मान लो मैं उल्टा करने की कोशिश करूं अगर मैं कुछ ऐसे करने की कोशिश करूं इंड z इज इक्ल टू एक्स करूँ जो कि ऑलरेडी एक डबल बन चुका है सॉरी y करने की कोशिश करूं जो कि ऑलरेडी एक डबल है तो y एक डबल है अब मैं कह रहा हूं z इज ईक्ल टू वाई कर दो ये नहीं हो सकता भाई यहाँ पर देखो एरर आ गया उसने बोला कि भाई प्रमोशन टेबल देखता हूँ ये देख रहा है कि वाई क्या है वाई एक डबल है क्या डबल इंट में जा सकता है नहीं जा सकता देखो ये प्रमोशन के हिसाब से इसका प्रमोशन नहीं हो सकता इसलिए ये काम नहीं करेगा अब आप सोच रहे हो कैर क्या डबल में कन्वर्ट हो जाएगा तो ज़रा तो ट्राई तो करके देख लेते हैं मैं तो कहता हूँ कि आप लोग मेरी बात का यकीन करो ही मत खुद ही ट्राई करो तो इसको रन किया तो ये देखो चल गया चल गया नहीं चल गया जेड में आ गया वाई ठीक है तो ये ऑटोमेटिकली जो है अपना प्रमोशन कर लेता है तो अगर मैं यहाँ पर एक्स वाई जेड प्रिंट करूँ और यहाँ पर इसको रन करूँ और ये देखो 121 ट्वेंटी यहाँ पर लिख कर आ गया अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वन वन क्या है ये 121 क्या है तो 121 ट्वेंटी वाई की एस की वैल्यू है तो वाई एस की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो वाई की एस की वैल्यू 121 है ठीक है तो एस की कोड क्या होता है इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ तो ये जो वेबसाइट गुडली इसी पे चलते हैं तो देखो क्या होता है कि जो कैरेक्टर होता है उसको बाइनरी फॉर्मेट में मेमोरी में स्टोर किया जाता है ठीक है इस तरह से कैरेक्टर स्टोर होगा जीरो वन वन ज़ीरो जीरो क्योंकि जो मेमोरी होती है उसमें डेटा ज़ीरो वन के फॉर्म में ही स्टोर हो सकता है ये आपको मालूम होगा ठीक है अब ये जो डेटा स्टोर हो रहा है इसका एक करस्पॉन्डिंग इंटीजर होगा वो एस की कोड होता है ठीक है तो यहाँ पर देखो इन्होंने पूरी एस की टेबल दे रखी है और ए से लेके कैपिटल जेड तक दे रखी है हालांकि और भी कैरेक्टर्स हैं उनकी एस की टेबल होती है तो अगर मैं कहीं और एस की वैल्यू टेबल करूँ अगर तो यहाँ पर देखो एस की कोड की टेबल आ गई देखो ये टेबल आ गई काफ़ी लोगों ने अपलोड कर रखी है यहाँ पर देखो uh, ये देखो इन कैरेक्टर्स की भी अपलोड कर रखी है ऐट द रेट की 96 इन्होंने जो है 96 वाली स्किप कर दी है तो एस की कोड जो होता है वो असाइन हो जाता है ठीक है तो ये आई होप आपको पता चल गया होगा इसको ज़रा बंद करता हूँ एक पता चल गया आप लोगों को क्या था ठीक है चलो जी बढ़िया तो यहाँ पर हम लोगों ने ये सब चीज़ें देखी अब एक्सप्लेसिड कास्टिंग इम्प्लेसिड कास्टिंग मतलब इस तरह से अगर होता है यानी कि हमने इंटेंशनली नहीं किया सी शाप ने हमारे लिए किया हमने नहीं किया सी शाप ने कहा कि रुक मैं तेरी मदद करता हूँ तूने यहाँ पर z इज इक्वल टू करेक्टर कर दिया और तू कह रहा है ये इंट है तो सी शाप आपसे कहता है आपका कॉलर पकड़ के कि अब तू कह रहा है ये इंट है जेड इज इक्वल टू वाई तूने लिखा हुआ है रुक मैं तेरी मदद करने की कोशिश करता हूँ वो जाता है यहाँ पर कहता है रुक मैं तेरे लिए इम्प्लिस कास्टिंग करने की कोशिश करता हूँ ये बात करता है कॉल लगाता है सी सीश के कंपाइलर को कहता है हेलो क्या वाई जो कैरेक्टर है उसको कन्वर्ट किया जा सकता है इंटीजर में तो यहाँ से जवाब आता है कैर टू तो इंट इज़ पॉसिबल कैर टू लॉन्ग इज़ पॉसिबल कैर टू फ्लोट इज़ ऑल्सो पॉसिबल तो अगर मैं यहाँ पर फ्लोट भी लिख दूँ ना तो भी एक खुशी खुशी प्रिंट हो जाएगा क्या प्रिंट हो जाएगा एक सौ इक्कीस प्रिंट हो जाएगा जो कि एस की वैल्यू है उसकी ठीक है तो इस तरह से जो है कास्टिंग होती है एक्सप्लिसिट कास्टिंग देख लेते हैं ये एक्सप्लेटिड कास्ट एक्सप्लिसिट कास्टिंग थी जो कि मैंने यहाँ पर करी थी ठीक है तो एक्सप्लिसिट कास्टिंग में क्या होता है कि आप कहते हो कि हे शीशा देवता मेरी कास्टिंग कर दो मुझे एक इंट बना दो अब यहाँ पर जो एक्स था उसको मैं इक्वल टू थ्री पॉइंट फाइव तो कर नहीं सकता था तो मुझे क्या करना पड़ गया मुझे इस तरह से इंट लगाना पड़ गया तो ये होती है एक्सप्लेसिड कास्टिंग तो आप इस तरह से एक्सप्लेटसेड कास्टिंग कर सकते हो उसको डबल में भी कर सकते हो तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ डबल एक्स इज इक्वल टू डबल थ्री पॉइंट फाइव तो वो भी वैलिड होगा कहो तो करके दिखा दूँ और अगर यहाँ पर कंट्रोल डी करूँ और यहाँ पर डबल कर दूँ यहाँ पर भी डबल करना पड़ेगा ठीक है और यहाँ पर इसको एक्स वन कर देता हूँ एक्स ऑलरेडी मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया वरना ये रोने लग जाएगा बच्चों की तरह कंसोल डॉट राइट लाइन एक्स वन और सेव किया मैंने और रन करूँ अगर इसको तो एक्स वन थ्री पॉइंट फाइव मेरा प्रिंट हो जाएगा देखो हो गया ठीक है तो इस तरह से एक्सप्लेसिट कास्टिंग कर सकते हैं एक्सप्लेसिट का मतलब कि आपने कहा कि देवता मेरा कर दो काम ठीक है आप गए ऑफिस में देखो एक तो होता है कि आपके घर पे सामान आ गया अमेजोन से ऑर्डर किया आपने और आपके घर पर ख़ुद वो दे के चला गया ठीक है जो चीज़ खुद हो गई वो इम्पलेसिड कास्टिंग या आपको कोई गिफ्ट मिल गया या फिर आप कहीं कुछ प्राइज वाइज जीते थे तो उसके लिए आ गया आपके पास पार्सल एक वो इम्प्लेसिड कास्टिंग अगर आपने खुद पैसे दे के दुकान पे लेकिन लेने जा रहे हो कोई चीज़ तो उसका उसको मान लो एक्सप्लेसिड कास्टिंग कि वो आपने कराए तो बेसिकली जो आप खुद करते हो आप इंस्ट्रक्शन देते हो कंपाइलर को कि मैं टाइप कास्ट करना चाहता हूँ मैं मैं करना चाहता हूँ और इम्प्लिसट होती है वो कंपाइलर कहता है आपसे कि रुक मैं तेरी मदद करूँ तूने तो कुछ गड़बड़ करी है रुक मैं तेरी मदद करूँ वो होता है क्या वो होती है इम्प्लीसिड कास्टिंग जहाँ कंपाइलर आपकी मदद करता है आई होप कि ये बहुत क्लियर हो गया होगा मुझे ज़्यादा एम्फेसाइज़ करने की और ज़रूरत नहीं है इसमें तो हमने यहाँ पर टाइप कास्टिंग को भी देख लिया अब गाइज हम लोगों ने टाइप कास्टिंग के बारे में देखा लेकिन क्या टाइप कास्टिंग करने का सिर्फ एक ही तरीका है या फिर मैं इसको अगर सही शब्दों में रखूँ तो क्या किसी भी एक वेरिएबल को एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट करने का एक ही तरीका है नहीं ये जो तरीका मैंने आपको बताया इसको कहते हैं टाइप कास्टिंग ठीक है जो कि दो तरह की होती है इम्प्लेसिड और एक्सप्लेसिट लेकिन एक और तरीका है जिससे कि आप एक इंटीजर को डबल डबल को फ्लोट या फ्लोट को इंटीजर बना सकते हैं और ये जो तरीका है ये है कुछ मैथड्स का इस्तेमाल करके तो सी शार्प में कुछ बिल्ट इन मैथड्स होते हैं जैसे कि मैं अगर यहाँ पर जैसे कि मैंने लिखा हुआ है int x इज टू थ्री अगर मैं यहाँ पर लिखूँ डबल y इज टू एक्स तब तो ये हो जाएगा बिल्कुल सही सही लेकिन अगर मैं कुछ इस तरह से करूँ कि कास्टिंग पॉसिबल ना हो पाए जैसे कि मैं डबल को अगर कैरेक्टर पकड़ाऊँ मैं अगर इस तरह से करूँ डबल इस तरह से y इज़ इक्वल टू एक्स ये करूं तो क्या होगा ये कैर जो है वो मेरा सक्सेसफुली डबल में प्रमोट हो जाएगा लेकिन अगर मैं कुछ ऐसे करूं जैसे कि मान लो मैं अभी तो इसको मैं फ़ोर ही रहने देता हूं अगर मान लो मैं एक नया वेरिएबल बनाऊं जिसका नाम मैं न्यू रखूं और मैं उसको थर्टी फोर पॉइंट टू थ्री फोर करूँ तो शायद यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम आ जाए या फिर अगर मैं लिखूँ यहाँ पर फ्लोट और वैर इज़ इक्वल टू मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ थ्री पॉइंट फाइव फाइव और मैं इसको सेव करूँ तो यहाँ पर देखो ये बोल रहा है कि यार ये डबल है नहीं हो पाएगा ये तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ किस में मैं इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर सकता हूँ तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कन्वर्ट कर दो इसको कन्वर्ट डॉट टू इन थर्टी टू तो अगर मैं इसको टू इन थर्टी टू करूँगा तो मुझे यहाँ पर कैपिटल टू एन थर्टी टू लिखना पड़ेगा और अगर मैं इसको एन थर्टी टू में कन्वर्ट करूँगा तो ये एन थर्टी टू में कन्वर्ट हो जाएगा और फाइनली क्या होगा कि मेरा प्रोग्राम जो है बिल्ड और रन हो जाएगा और उसमें कोई एरर नहीं आएगा ठीक है तो इस तरह से कुछ और मेथड्स हमारे पास होते हैं जो कि आप लोगों को कन्वर्जन में मदद करते हैं जैसे कि मान लो आप किसी इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हो अब अगर मान लो मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखता हूँ स्ट्रिंग एक्स इज़ इक्ल टू थर्टी फोर और सॉरी मुझे यहाँ पर स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी तो मैं डबल कोट में लिखता हूँ थर्टी फोर इज़ अमेजिंग ठीक है इस तरह से लिखता हूँ अगर मैं और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्ट्रिंग में sx एक्स कर देता हूँ उसको कि एक्स ऑलरेडी बन गया है और उसी के साथ साथ अगर मैं, हूं, आ, मैं हूं यहाँ पर लिखता हूँ मान लो मैं लिखता हूँ यहाँ पर फ्लोट ए एक्स इज इक्वल टू लगता है मैंने ए एक्स नाम से बना लिया है एक्स वन कर देता हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए एक्स वन इज़ इक्वल टू थर्टी फोर पॉइंट फोर तो मैं यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ किसी भी एक डिज़ायर्ड डेटा टाइप में तो अगर मैं थर्टी फोर पॉइंट फोर फोर को एक नंबर को यहाँ पर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके एस एक्स को देना चाहता हूँ तो मैं इसको हटा दूँ तो मेरी बात के कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं आप यहाँ पर एक फ्लोटिंग पॉइंट या फिर डबल नंबर जो है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इन थर्टी टू में अब इन थर्टी टू होता है हमारे पास इन सिक्सटी फोर भी होता है अगर मैं इसको यहाँ पर इन सिक्सटी फोर कर दूँ तो सिक्सटी फोर बिटवीन टीचर में कन्वर्ट हो जाएगा और मैं यहाँ पर कोई रैंडम सी स्ट्रिंग डाल देता हूँ ठीक है और स्ट्रिंग्स के बारे में भी हम और देखेंगे इसको अगर मैं रन करूँ तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर आप लोग देखो फ्लोट इज इक्वल टू ये करके मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया इन सिक्सटी फोर में और उसके बाद फाइनली जो ये वाला मैंने प्रोसेस बताया था एम्प्लिसड कास्टिंग का उसने इसको देख लिया तो थोड़ा सा हमने डीप डाइव कर लिया यहाँ पर लेकिन आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स आई होप क्लियर हो गए होंगे कन्वर्ट के कुछ और फंक्शंस भी होते हैं जैसे कि कन्वर्ट डॉट टू डबल होता है उसी के साथ साथ हमारे पास कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग होता है अगर आप किसी डेटा टाइप को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं टू डबल हो गया टू स्ट्रिंग हो गया टू इन थर्टी टू इन सिक्सटी फोर हमने देख लिया था और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो है हम इसको डिस्कशन को यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ मैं एक काम करता हूँ ये सारा का सारा जो है इसको कर देता हूँ कॉमेंट आउट और आप लोग कंट्रोल के और सी दबा दो या फिर अगर आप लोग को एक स्पेस देनी है तो ऑल्ट और कंट्रोल दबा के मल्टीपल कर्सर बना लो एक स्पेस दे दो और कंट्रोल एस टू सेव ठीक है अब ये सारे वेरिएबल्स इसको नहीं मिल रहे हैं तो मैं वापस से जो है इसको आ, मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा कंट्रोल के और सी दबाकर और विजुअल स्टूडियो कोड का जो मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी है उसका इस्तेमाल करके अब एक स्पेस भी लगा लूँगा तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बताई हैं एट द सेम टाइम मैं इन सब को भी एक बार कमेंट आउट कर दूंगा क्योंकि यू नो व्हाट क्या होता है कि जब मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ बाद में तो मुझे बताता है कि ऑलरेडी वेरेबल बन चुका है तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए हम सारी चीज़ें कमेंट आउट कर देंगे तो मेरा जो स्टैटिक वॉइड में उसमें सिर्फ कमेंट्स हैं अभी कुछ नहीं और कमेंट्स भी मैंने इसलिए छोड़े हुए हैं ताकि आप लोग जो हैं उसको बाद में देख पाएँ और अनकमेंट करके चला कर इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद रिविजन कर पाएँ ठीक है तो यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें देखी अब अगर हमको यूज़र इनपुट लेना है अगर मान लो मुझे एक लाइन रीड करवानी है यूज़र से तो मैं एक स्ट्रिंग बनाऊंगा और नेम बनाऊंगा और इज इक्वल टू लिखूंगा कंसोल डॉट रीड लाइन ठीक है और ये मैंने आप लोगों को बताया ही था और अगर मुझे कंसोल डॉट राइट लाइन करके लिखना है एंटर योर नेम और उसके बाद मान लो आपने अपना नाम लिखा नेम इज इकल टू कंसोल डॉट रीड लाइन ये लाइन रीड हो जाएगी और मैं यहाँ पर लिख दूँगा कंसोल डॉट राइट लाइन हे हेलो और आपका जो भी नाम है जो भी आपने नेम किया है इसको मैं प्लस लगा कर कर दूँगा तो ये जो कंसोल डॉट रीड लाइन है ये रिटर्न करके एक स्ट्रिंग दे रहा है नेम को और ये जो प्लस है ये इसको और इसको इन दोनों स्ट्रिंग्स को ऐड कर दे रहा है कॉन्टिनेट कर दे रहा है ठीक है तो इसका आउटपुट देखते हैं अगर मैंने इसको स्टार्ट पे क्लिक करके रन किया उसके बाद मैंने अपना नाम लिखा एच ए आर आर वाई तो ये कह रहा है हे हेलो हैरी ठीक है अगर मैं यहाँ पर लिख देता मान लो मैं मैरी लिखता तो हे हेलो मैरी ठीक है और उसी के साथ साथ आप दूसरे इनपुट्स के लिए भी इसको चला सकते हैं तो इस तरह से हम लोग ले सकते हैं इनपुट ठीक है अब मान लो मैं यहाँ पर एक इंटीजर इनपुट लेना चाहता हूँ ठीक है अब uh, मान लो कि मैं ऑर्डर कर रहा हूँ फूड एंडर योर नेम हाउ मेनी कैंडीज़ डू यू वॉन्ट अगर मान लो ये मुझसे पूछ रहा है हाउ मेनी कैंडीज़ डू यू वॉन्ट तो मैं इसको अगर कॉपी करूँ या कंट्रोल डी दबाऊँ तो ये जो लाइन है वो रेप्लीकेट हो जाती है तो मान लो मैं यहाँ पर लिखूँ हाउ मैनी कैंडीज़ डू यू वांट ठीक है तो बेसिकली क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितनी कैंडीज़ आपको चाहिए और ये करने के बाद यहाँ पर मैं कैन कर देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ कैन तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यू विल मैं यहाँ पर लिखता हूँ यू विल गेट और फोर मोर कैंडीज़ ठीक है आपको चार और कैंडीज दी जाती हैं क्योंकि आप बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब पे इसलिए आपको चार और कैंडीज दी जाती हैं और मैं यहाँ पर करूँगा क्या कौन कर दूंगा इसको कैन प्लस फोर से अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया जिसको मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा सबसे पहले इतना जब चल रहा था कोड तो हमने देखा था कि जब एंटर योर नेम सवाल पूछा जाता है तब जो यूज़र है वो नेम वेरिएबल में दे देगा एक नाम अपना ठीक है ये होने के बाद क्या होगा कंसोल डॉट राइट लाइन हे हेलो और उसके बाद जो भी नाम है वो आ जाएगा हे हेलो हैरी आ गया था फिर वो जब मुझसे पूछ रहा है कितनी कैंडीज चाहिए यानी कितनी टॉफियाँ चाहिए तुमको तो मैंने कैन नाम की स्ट्रिंग में ये डाल दिया अब मैं इसको अगर रन करूँगा तो ये कोशिश करेगा एक स्ट्रिंग में चार जोड़ने की तो मैं इसको आउटपुट दिखाता हूँ आप लोगों को क्या आने वाला है तो ये देखो मैं इसको अगर रन करूँ तो सबसे पहली बात तो इसने कुछ मुझको दिक्कत नहीं दी मैं यहाँ पर अपना नाम लिखता हूँ और ये मुझसे पूछ रहा है कितनी कैंडीज चाहिए तो यहाँ पर देखो मैंने बोला कि हाउ मैनी कैंडीज़ यू मॉन में चार बोला नाम में है हैरी बोला तो उसने क्या किया जो चार मैंने कैंडीज़ डाली थी उसका स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन कर दिया लेकिन मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा था इससे मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि चार प्लस चार मुझे ये बोले कि आपको आठ कैंडीज़ मिलेंगी तो यहाँ पर हो क्या रहा है थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं ठीक है तो इस प्रोग्राम को एग्जिट करके मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है जब मैंने कैन इजीगल टू कंसोल्ट और रीड लाइन किया तो ये चीज तो एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रही है स्ट्रिंग में अगर कोई नंबर जोड़ा जाता है तो वो नंबर का वो भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा फिर जोड़ देगा ये रूल होता है ठीक है तो क्या होगा यहां पर एक स्ट्रिंग आ गई है ठीक है इसको भी एक स्ट्रिंग बना देगा वो इसको भी एक स्ट्रिंग बना देगा तो यहां पर चार था यहाँ चार था तो चवालीस लिख कर आ गया अब देखो अगर मैं वहां पर पांच भी डाल देता हूँ अगर मैं यहाँ पर हैरी लिख कर भी डाल देता हूँ यू विल गेट फोर मोर कैंडीज बोला इसने यहाँ पर पांच लगा दिया चार लगा दिया स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन कर दिया देखो इसका लेकिन मैं चाहता हूं कि ये दोनों ऐड हो जाए तो मैं यहां पर क्या करूंगा मैं यूज करूंगा अपना वही कन्वर्ट डॉट टू इंट सिक्स फोर वाला फंक्शन यूज करूंगा और मैं कहूंगा कि ये जो स्ट्रिंग है जिसको तुम स्ट्रिंग बनाकर लेकर आए हो उसको तुम क्या करो पहले इंट बनाओ ठीक है चलो जी इसको इंट बना लेते हैं तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कन्वर्ट और यहां पर मैं लिखूंगा टू इन थर्टी टू मेरा काम थर्टी टू से हो जाएगा इसलिए मैं इन थर्टी टू लिख रहा हूँ और उसके बाद मैं इसको इस तरह से लिख दूंगा सॉरी मैं इसको इस तरह से लिख दूंगा और मैं यहाँ पर कैन डाल दूंगा तो बेसिकली होगा क्या और एक चीज़ आपको बताऊँगा आप एंटर मार के इसको नीचे भी ला सकते हो ठीक है बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी ये कैन हटाता हूँ मैंने इन थर्टी टू में इसको कन्वर्ट किया ठीक है मैंने कहा कन्वर्ट करो इसको इन थर्टी टू में और फिर उसमें चार जोड़ दो तो अब यहाँ पर क्या होगा क्या ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा नहीं करेगा ये प्रॉब्लम को सॉल्व क्योंकि यहाँ पर क्या है यहाँ पर आपने इतने को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया इतने को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया ये एक स्ट्रिंग है ठीक है तो मैं अगर अभी भी इस प्रोग्राम को रन करूँ और हैरी बोलूँ और यहाँ पर मान लो मैं चार दूँ तो अभी भी तो ये वही बता रहा है चवालीस मैं चाहता था कि मुझे आठ बताया यानी कि इन दोनों नंबरों को पहले जोड़ दे कभी आप चाहते हो कि कोई एक ऑपरेशन पहले हो तो आप यहाँ पर क्या करो इस तरह से ब्रैकेट लगा दो तो ये क्या करेगा इस ऑपरेशन को प्रायोरिटी दे देगा तो मेरी बात को ध्यान से सुनो अब इसका जो एग्जीक्यूशन है वो क्या होगा पहले एग्जीक्यूशन क्या था पहले इसके पास तीन चीज़ें दी गई थी उनमें से एक स्ट्रिंग थी इसने सिर्फ एक चीज़ देखी इसने कहा इन तीनों ऑपरेंड्स में से अब देखो ऑपरेटर ये प्लस होता है और ये ऑपरेंट्स होते हैं ठीक है ये तो आपको पता ही होगा इनको ऑपरेंट्स बोलते हैं अगर मैं पाँच और चार को जोड़ रहा हूँ तो पाँच और चार ऑपरेंट्स हैं और प्लस ऑपरेटर है घटा रहा हूँ तो माइनस तो ऑपरेटर है ठीक है तो ये जो ऑपरेंट्स हैं इनमें से कोई भी एक अगर स्ट्रिंग हो गया तो क्या होगा अगर कोई भी एक इनमें से स्ट्रिंग हो जाता है तो वो सबको स्ट्रिंग बना के जोड़ देता है ठीक है तो जो इसका पहला ऑपरेशन है वो इन तीनों को जोड़ना है लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा देता हूँ तब क्या होता है कि इसका जो पहला ऑपरेशन है वो है इन दो नंबर्स को जोड़ना क्या ये एक इंटीजर है बिल्कुल इंटीजर है क्योंकि मैंने कन्वर्ट कर दिया इन थर्टी टू में क्या ये एक इंटीजर है ऑब्वियसली फोर इज एन इंटीजर तो ये यहाँ पर सबसे पहले आठ बन जाएगा फिर उसके बाद आठ की स्ट्रिंग बनकर इसमें ऐड हो जाएगा तो मैं इसको अगर अभी रन करूँ और मैं अगर यहाँ पर हैरी लिख कर चार लिख दूँ तो ये देखो ये कह रहा है यू विल गेट फोर मोर कैंडीज और उसके बाद एट यहाँ पर लिख कर आ गया है तो अब मैं यहाँ पर जो मुझे चाहिए था डिज़ायर आउटपुट वो मैं ला पा रहा हूँ अब यहाँ पर ये मेरे लिए एडिशन कर रहा है अगर मैं यहाँ पर इन थर्टी टू नहीं करता तो ये कैन स्ट्रिंग होता फ़ोर एक इंटीजर होता तो दोनों को स्ट्रिंग बना के ये फ़ोर फोर कर देता वापस से प्रॉब्लम हो जाती ठीक है तो इसलिए मैं आपको इसको करके भी दिखा देता हूँ अगर आप देखना चाहो तो तो अगर मैं इसको जिस तरह से करूँ सिर्फ ब्रैकेट यहाँ पर लगा दूँ और इसको यहाँ पर स्टार्ट करके और उसके बाद हैरी लिख मैं अगर पाँच लिखूँ तो ये देखो फिफ्टी फोर यहाँ पर बोल दे रहा है जबकि नौ होना चाहिए ठीक है तो अगर मैं इसको कन्वर्ट डॉट इन थर्टी टू कर दूंगा और ऐसा करके मैं रखूँगा तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कह रहा है ब्रैकेट आपने कम लगाया है आई थिंक मैंने सेव नहीं किया प्रोग्राम अगर मैं इसको अभी रन करूँ तो मैंने यहाँ पर क्या ब्रैकेट को कम लगाया है ओके okay, तो मैंने यहाँ पर लगाना चाहिए था आई एम सॉरी तो मैं इसको यहाँ से हटाऊँगा और यहाँ पर ये राइट right लाइन का है ये यहाँ का है ओके okay, तो इसको मुझे इस्तेमाल से लगाना पड़ेगा क्योंकि ये इस खुला है यहाँ पर ये बंद हुआ ये यहाँ पर बंद हुआ ये खुला और ये इसका खुला बंद ठीक है तो ब्रैकेट्स जो है अगर आपने मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ी है तो ब्रैकेट्स लगाने में आप गलती नहीं करोगे ठीक है तो अगर मैं यहाँ पर जॉन कर दूँ और 344 कर दूँ तो 344 में चार एक्स्ट्रा कैंडीज़ मिलेंगी 348 हो जाएगा ना कि 3444 तो इस तरह के बग्स जो होते हैं वो कभी कभी प्रोग्राम्स में जो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर है उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं आप देना चाहते थे आठ कैंडीज़ और चार प्लस चार का उसने अगर 44 करके आपकी 44 कैंडीज़ काट ली तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको अगर आप कोई बैंकिंग सिस्टम वगैरह बना रहे हो और उसमें इस तरह की गलती कर बैठे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी तो ये था यूज़र से इनपुट लेने का तरीका तो हमने देखा कि जब यूज़र से इनपुट लेते हैं तो क्या होता है इनपुट लेते समय स्ट्रिंग मिलती है और स्ट्रिंग को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इंटीजर में या किसी भी डिज़ायर्ड फॉर्मेट में अगर फ्लोट वगैरह में करना चाहते हो तो जो भी फंक्शंस हमको मिलते हैं जिनकी हमने बात यहाँ पर करी थी ऊपर थोड़ी देर पहले अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ऑपरेटर्स की ऑपरेटर्स हमारे पास सी शाप में होते हैं आर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं इन चारों को अगर मैं लिख दूं आप लोगों के लिए तो बड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा और आप लोग भी जो है फिर बाद में रिविज़न अच्छे से कर पाओगे तो इसी बात पर करते हैं इसको कॉमेंट आउट उप कंट्रोल के और सी और यहाँ पर मैं इस तरह से इसको एक स्पीस दे देता हूँ थोड़ा अच्छा दिखता है बस मुझे देना है ना कोड आप लोगों को वरना तो इतने कमेंट्स रखता ही नहीं है कोई कोड बेस में सही बताऊँ तो ठीक है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ उप ऑपरेटर्स इन सी शार्प ठीक है और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा यहाँ पर ऑपरेटर्स बताने में क्योंकि ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं वो आ जाती हैं मैथमेटिक्स में बॉयल डाउन होकर तो अब ये नहीं बताऊँगा मैं कि माइनस से दो नंबर घट जाते हैं प्लस से दो नंबर जुड़ जाते हैं बस एक ओवरव्यू दूंगा आर्थमेटिक ऑपरेटर्स ठीक है और एक काम करते हैं इसको अगर हम क्यों ना मल्टी लाइन कॉमेंट बना लें तो शायद हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी उल्टी सीधी चीज़ें सजेस्ट नहीं करेगा तो पहला है हमारे पास आर्थमेटिक ऑपरेटर दूसरा है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर्स तीसरा हमारे पास क्या है लॉजिकल ऑपरेटर्स तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो होते हैं हमारे वो प्लस माइनस टाइम्स डिवाइड होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो होते हैं हमारे वो क्या होते हैं एक नंबर को दूसरे नंबर में असाइन करना है फिर हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं जैसे कि एंड और और उसके बाद हमारे पास कंपेरिजन ऑपरेटर्स होते हैं ठीक है अब ये क्योंकि वन वीडियो है बहुत ज़्यादा डीप डाइव नहीं करूंगा वरना आप लोग शायद बोर हो जाओ तो एर्थमैटिक ऑपरेटर्स असाइनमेंट ऑपरेटर्स लॉजिकल और कंपेरिजन का एक एक एग्जाम्पल देता हूँ ठीक है अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कंसोल डॉट राइट लाइन और लिखूँ दी वैल्यू ऑफ ए प्लस बी एस और उसके बाद यहाँ पर मैं एक सैमे कॉलम लगाऊँ और एक प्लस लगाकर यहाँ पर लिख दूँ क्या एक ब्रैकेट लगा रहा हूँ ताकि प्रायोरिटी मिल जाए इस चीज को थ्री या फिर ए प्लस बी मैं ए और बी दो है वेरिएबल बना लूँगा और यहाँ पर ये पता नहीं कि उल्टी सी चीज़ें सजेस्ट करता है काफ़ी बहुत ज़्यादा करता है ये कभी कभी अच्छी लगती हैं वो चीज़ें कभी कभी आपको नहीं चाहिए होती बुरी लग जाती है वही चीज़ ठीक है तो int a इज इक्वल टू फोर कर देता हूँ और int b इज़ इक्वल टू टू कर देता हूँ और ये करके जब मैं इसको रन करूँगा तो आप लोग देखना कि दी वैल्यू ऑफ़ ए प्लस बी सिक्स आ गया क्योंकि चार और दो हमारे पास छः होता है ठीक है सिमिलरली हमारे पास प्लस माइनस टाइम्स डिवाइड ये सब चीज़ें होती हैं तो कंट्रोल ऑल्ट दबा के आप लोग इसको कर लो माइनस सिमिलरली इसको कर लो टाइम्स मैं ज़्यादा बोर नहीं करना चाहता हूँ इस चीज़ को एट द सेम टाइम मैं सब कुछ कवर भी करना चाहता हूँ तो देर इज़ अ ट्रेड ऑफ तो कुछ लोगों को लगता है कि यार ये तो बहुत सिंपल है पता है क्या प्रिंट होगा बट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर कवर करना इसको मेरे लिए बहुत ज़रूरी है तो ए माइनस बी अगर मैंने किया यहाँ पर तो देखो चार में से दो गए दो फोर डिवाइडेड बाई टू भी टू होता है ठीक है और मैंने दो जगह माइनस कर दिया प्लस माइनस मुझे आप मल्टीप्लाई करना चाहिए था और फोर मल्टीप्लाई बाय टू क्या आ जाएगा एट आ जाएगा पहाड़ा चार का आपको आता है ठीक है तो इसको ज़रा बंद कर देता हूँ मैं और यहाँ पर इसको वापस से स्टार्ट पे क्लिक करके लॉन्च करता हूँ तो देखो छः दो आठ और दो यहाँ पर आ गया ठीक है बढ़िया तो ये चीज़ें हमने जो है लिख ली हैं और ये थे हमारे आर्थमेटिक ऑपरेटर्स अब मैं आप लोगों को ये चीज़ लगेगी बहुत सिंपल है क्या बता रहा हूँ ये मैं लेकिन यही चीज़ पूछ ली जाती है कभी कभी लोगों से इंटरव्यू में कि यार अर्थमेटिक ऑपरेटर्स बताओ कौन कौन से होते हैं सी लैंग्वेज में तो सॉरी सी शार्प में सी लैंग्वेज में भी सेम ही होते हैं तो आप लोगों को शायद दिक्कत हो जाए वहाँ पर अगर आप लोगों को नहीं पता कि ये चीज़ें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होती हैं तो इनके नाम के अंडर ये चीज़ जाना भी ज़रूरी है ठीक है असाइनमेंट ऑपरेटर्स की बात करते हैं इक्वल टू एक असाइनमेंट ऑपरेटर है मैंने आप लोगों को असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में बताया इक्वल टू एक असाइनमेंट ऑपरेटर है दो और असाइनमेंट ऑपरेटर्स का आप लोगों को बताना चाहूँगा एक तो ये कि अगर मैं यहाँ पर सिर्फ कंसोल में काम करता हूँ यहाँ पर इसका हो गया ना को कॉमेंट आउट कर देते हैं ठीक है और उसी के साथ साथ यहां पर क्या करूंगा मैं यहां पर लिख दूंगा असाइनमेंट ऑपरेटर्स ठीक है असाइनमेंट ऑपरेटर्स में अगर मैं इन ए इज इक्वल टू चार कर दूँ, इन बी इज इक्वल टू दो कर और कंसल डॉट या फिर इन बी इज इक्वल टू ए कर दूँ, ठीक है तो क्या होगा अगर मैं बी को प्रिंट करूंगा तो ज़्यादा कुछ बोलने वाली बात ही नहीं है चार ही प्रिंट होगा यहाँ पर और मैंने यहाँ पर लगता है रीड लाइन को भी कमेंट आउट कर दिया जो कि एक बेवकूफ़ी थी मुझे यहाँ पर इसको रीड लाइन को नीचे लेकर आना है तो ऑल्ट दबा के आप लोग ऊपर नीचे वाली की दबाओगे तो आप लाइन्स को मूव कर सकते हो दबाया इसको मैंने देखो चार यहाँ पर आ गया ठीक है और यहाँ पर चार आ गया क्योंकि बी में मैंने ए कर दिया अब मैं अगर लिखूँ बी प्लस इक्व टू फोर तो इसका मतलब है बी में चार जोड़ दो जो वैल्यू है उसमें चार जोड़ दो तो बी की वैल्यू अब आठ प्रिंट हो जाएगी ठीक है जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो आठ प्रिंट हो चुकी है ठीक है तो यहाँ पर बी की वैल्यू आठ प्रिंट हो गई आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को इसी तरह हमारे पास माइनस इक्वल्स टू भी होता है जो कि क्या करता है घटा लेता है तो यहाँ पर बी की वैल्यू इस बार ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि चार माइनस चार जीरो होता है तो यहाँ पर ये होते हैं हमारे पास कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर्स तो इसको प्लस इक्वल्स टू कर देता हूँ माइनस इक्वल्स टू कर देता हूँ सिमिलरली हमारे पास एक मल्टीप्लाई इक्वल्स टू और डिवाइड इक्वल्स टू भी होता है तो अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई इक्वल्स टू करूँ और इस चीज़ को मैं अगर कॉमेंट आउट कर, कर दूँ तो आप लोग देखो यहाँ पर फोर मल्टीप्लाई बाय फोर होता है सिक्सटीन तो सिक्सटीन यहाँ पर आ जाएगा एट द सेम टाइम मैं आप लोगों को यहाँ पर डिवाइड इक्वल्स टू भी दिखा देता हूँ क्या होता है इसको कमेंट आउट करके बहुत तेज बढ़ूंगा आगे क्योंकि टाइम नहीं करना चाहता वे स्टाफ का टाइम कीमती है तो ये चार से डिवाइड हो जाएगा ठीक है तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी आप लोगों को तो बी डिवाइड इक्वल्स टू फोर हो गया यहाँ पर ठीक है बढ़िया बहुत ही बढ़िया सब कुछ आपको समझ में आ गया ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं आप लोगों को ठीक है अब हम लोग बात करेंगे यहां पर लॉजिकल ऑपरेटर्स की लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं लॉजिक बनाने के काम आते हैं ठीक है तो ये दो बोलियन ऑपरेटर्स पे ऑपरेट करते हैं मैं यहां पर इसको कमेंट आउट कर देता हूं ठीक है एट द सेम टाइम इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूं यहां पर मैं यहां पर लिखता हूं लॉजिकल ऑपरेटर्स और मैं नीचे आ जाता हूं यहां पर और यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर्स आप लोगों को लिखता हूँ मैं कंसोल डॉट राइट लाइन लिखता हूँ ट्रू और एंड फॉल्स ठीक है ट्रू एंड फॉल्स की वैल्यू प्रिंट होगी क्या फॉल्स क्योंकि जब तक दोनों सच नहीं है तब तक ये सच प्रिंट नहीं करेगा सिंपल सी कहानी है जब तक दोनों सच नहीं है तब तक सच प्रिंट नहीं करेगा और जब दोनों सच होगा देखो मैंने यहाँ पर ट्रू ट्रू कर दिया तो ट्रू प्रिंट हो जाएगा फॉल्स फॉल्स में फॉल्स रहेगा ठीक है तो एंड का मतलब होता है ये भी और ये भी जब तक दोनों ट्रू नहीं होंगे तब तक ये ट्रू प्रिंट नहीं करेगा सिमिलरली हमारे पास एक और ऑपरेटर होता है और का मतलब होता है या, या तो ये या ये तो अगर मैं इसको कर दूँ कॉमेंट आउट और आप लोगों को यहाँ पर ये सारे एंड एंड की जगह और कर दूँ और, और का होता है साइन कुछ इस तरह से ठीक है इसको प्रिंट करूँ तो इन दोनों में से कोई एक बस सच हो तो ये सच हो जाएगा तो पहले केस के लिए सच हो जाएगा दूसरे केस के लिए ट्रू हो जाएगा तीसरे में दोनों फॉल्स फॉल्ट ना ये सच नहीं ये सच तो फॉल्स ठीक है तो और का मतलब होता है या ये या फिर ये ठीक है तो ये और हो जाता है हमारा इसको बंद कर देता हूँ अभी ठीक है ये हो गए हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स एक और ऑपरेटर आप लोगों को बताता हूँ लॉजिकल में और यहाँ पर मैं इसको सबसे पहले कॉमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन करके मैं यहाँ पर लिखूंगा नॉट ऑफ फॉल्स सिमिलरली मैं यहाँ पर लिखूंगा नॉट ऑफ ट्रू और इन दोनों की जगह पर मैं लगा दूंगा एक सेमिकोलन ठीक है इसको अगर मैं रन करूं तो फॉल्स का ट्रू बन जाएगा ट्रू का फॉल्स बन जाएगा तो किसी भी सच को झूठ करना है और झूठ को सच करना है तो नॉट ऑपरेटर लगा दो ठीक है तो कभी कोई गलत काम कर रहे हो तो नॉट लगा के करो गलत काम तो अच्छा काम हो जाएगा वो ठीक है तो नॉट ऑफ फॉल्स का मतलब ट्रू नॉट ऑफ ट्रू का मतलब फॉल्स ठीक है आई होप कि लॉजिकल ऑपरेटर समझ में आ गए कंपेरिजन ऑपरेटर कंपेरिजन ऑपरेटर भी एकदम सिंपल है और मैं थोड़ा तेज़ जा रहा हूँ आप लोगों को फील हो रहा होगा मैं तेज़ पढ़ा रहा हूँ इस टाइम पर क्योंकि ये सारी चीज़ें शायद आप लोगों को कहीं ना कहीं आती हैं सिर्फ हम इसको प्रोग्रामिंग डोमेन दे रहे हैं ठीक है तो मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ कंपेरिजन ऑपरेटर्स तो यहाँ पर आप लोग देखो कंसोल डॉट राइट लाइन मैं यहाँ पर करूँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा थ्री ट्वेंटी फोर इज़ ग्रेटर देन फाइव क्या ये सच है झूठ है आप बताओ ये ऑबियसली सच है बड़ा ही है थ्री ट्वेंटी फोर इसमें कोई दोरा ही नहीं है देखो यहां पर ये ट्रूथ बता रहा है लेकिन अगर मैं यहां पर पांच, पांच 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 कर दू और मैं उसके बाद वापस से रन करूं इसको फॉल्स ये एक झूठ है ठीक है सिमिलरली ग्रेटर देन इक्वल टू में भी ये एक झूठ हो जाएगा लेस देन इक्वल टू में ये सच हो जाएगा लेस देन इक्वल टू करूंगा तो लेस देन या इक्वल टू में से एक चीज है लेस देन और इक्वल टू साइन है ये लेस देन और इक्वल टू लेस देन एंड इक्वल टू नहीं है लेस देन और इक्वल टू है तो लेस देन होगा तब भी सच और इक्वल टू होगा तब भी सच ठीक है तो इसमें लोग कन्फ्यूज होते हैं कभी कभी तो लेस देन और इक्वल टू होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है और उसी के साथ साथ यहाँ पर हमारे पास होते हैं और कौन से होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर हमारे पास नॉट इक्वल टू एक होता है वो भी लिख देता हूँ ठीक है तो आपको पॉइंट जो है समझ में आ गया ठीक है तो कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है तो यहाँ पर अगर मैंने इसको रन किया स्टॉप करके तो ये यह देखो यहाँ पर रेस्पेक्टिवली ट्रू फॉल्स फॉल्स जो भी है वो आ गया देखो ये बड़ा नहीं था तो फॉल्स ये सच था तो ट्रू लेस देन है ये ग्रेटर देन फॉल्स हो गया और ये नॉट इक्वल्स टू ट्रू हो गया अब ऑब्वियसली इक्वल टू नहीं है एक इक्वल टू भी होता है अगर मैं इक्वल टू इक्वल टू करूँ तो ये झूठ हो जाएगा क्योंकि ये इक्वल टू नहीं है इसके तो अभी मैं रन करूँ इसको तो आप लोग देखो फॉल्स टू फॉल लास्ट वाला फॉल्स होगा इक्वल टू नहीं है लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं फाइव इक्व टू इक्वल टू फाइव करूँ तो ये देखो यहाँ पर ये मुझे बता रहा है ट्रू ठीक है तो ये थे हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स आई होप कि ज़्यादा बोरिंग नहीं हुआ होगा मैंने थोड़ी स्पीड बढ़ा ली इसीलिए और अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कुछ मैथ ऑपरेशंस की ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि एक मैथ क्लास होती है तो मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ मैं इसको कॉमेंट आउट करता हूँ सबसे पहले तो इस सब को कॉमेंट आउट करता हूँ क्या कुछ और अनकमेंटेड कोड है हमारे पास नहीं है और मैथ क्लास की बात कर लेते हैं मैथ क्लास क्या करती है अगर मैं यहाँ पर मैथ लिखूँ और मैं यहाँ पर लिखूँ मैथ डॉट मैक्स और मैं दे दूँ उसको थर्टी 34 फोर और थ्री फोर्टी फाइव तो ये मुझे रिटर्न कर देगा मैक्सिमम ठीक है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया इस चीज़ को ज़्यादा मैं इंट्रोड्यूस नहीं करूँगा क्लासेस को मैंने ऑलरेडी बताया आप लोगों को मैथ जो है वो हमारी सिस्टम के अंदर होती है तो हमारी सिस्टम डॉट मैथ एक क्लास होती है जिसको हम डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहे हैं क्योंकि हमने ऊपर यहाँ, यहाँ पर यूजिंग सिस्टम लिखा हुआ है अब यहाँ पर सिस्टम डॉट मैथ क्लास के अंदर एक मैथ्स फंक्शन है जो दो वैल्यूज़ ले रहा है और उसके बाद हमको रिटर्न करके दे रहा है मैं आपको दिखाता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन ए करूँ तो जो भी इन दोनों में से बड़ी वैल्यू है वो मेरी प्रिंट हो जा रही है मैंने रीड लाइन को बार बार गलती कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पर तो मैं यहाँ पर इसको रीड लाइन को ले आऊँगा अब मैं इसको रन करूँगा तो आप लोग देखो थ्री फोर्टी फाइव यहाँ पर आ गया क्योंकि ये इन दोनों में से मैक्स है अगर मैं यहाँ पर मिन करूँ अगर मैं मिन को करूँ तो आप लोग देखो यहाँ पर थर्टी फोर आ गया है क्योंकि मिनिमम वैल्यू जो है इसकी वो थर्टी फोर है ठीक है थर्टी फोर थ्री फोर्टी फाइव में से सबसे छोटा थर्टी फोर है तो मैथ डॉट मिन मैथ डॉट एक्स सॉरी मैथ डॉट मैक्स रिटर्न करते हैं मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ठीक है सिमिलरली मैं मैथ डॉट एस क्यू आर टी कर सकता हूँ मैं इसको अगर कॉमेंट आउट कर दूँ और आप लोगों को ए इज इक्ल टू लिखूँ मैथ डॉट एस क्यू आर टी थर्टी सिक्स तो एस क्यू आर टी क्या करेगा स्क्वायर रूट निकाल के देगा मुझे इसको रन अगर मैं करूँ तो ये कह रहा है एरर्स वट इज़ दिस ये क्या प्रॉब्लम है मैंने इंट ए इज इक्ल टू मैथ डॉट एस क्यू आर टी किया और यहाँ पर ये मुझे एरर दिखा रहा है ऐसा क्यों डबल मैच डॉट ओके तो ये रिटर्न करता है एक डबल और मैंने यहाँ पर इंट एज इक्ल टू लिखा हुआ है तो देखो यहाँ पर मैंने इस पर जैसे ही अपना एरो रखा तो ये मुझे बता रहा है कि भाई मैं डबल रिटर्न करता हूँ एस क्यू आर टी बता रहा है मैं डबल रिटर्न कर रहा हूँ तुमने इंट ए इज इक्ल टू ये किया ये यहाँ पर गया ऊपर इसने देखा यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को बताया था इम्प्लिसिड कास्टिंग इसने यहाँ पर देखा कि क्या जो डबल वैल्यू है उसका इंट बनाया जा सकता है तो नहीं बनाया जा सकता तो ये फेल हो गया तो इसलिए मुझे यहाँ पर डबल लिखना पड़ेगा और अब ये रन हो जाएगा देखो यहाँ पर इसने 36 का स्क्वायर रूट मुझे 6 बता दिया इंट क्यों नहीं दे सकता मैं क्योंकि अगर मान लो मैं 39 का स्क्वायर रूट करता हूँ तो इंटीजर में अगर आप सोचो कन्वर्ट हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली तो नहीं सी शार्प एक टाइप सेफ लैंग्वेज है रन करूँगा तो देखो पॉइंट में मुझे डबल में ये मुझे वैल्यू दे रहा है थर्टी के स्क्वायर रूट की ठीक है तो जो भी वैल्यू आप दोगे उसके स्क्वायर रूट की वैल्यू आपको दे देगा उसी के साथ साथ एक मैथ डॉट ए बी एस होता है आप और आप लोग देख लो कि ये क्या मांग रहा है ठीक है क्या मांग रहा है मतलब कौन सा डेटा टाइप होगा इनपुट का तो इनपुट का डेटा टाइप देखो क्या होगा तो मैं अगर यहाँ पर एरो रखूँ तो हाँ इंट मैथ डॉट ए बी एस अगर आपने एक इंटीजर वैल्यू उसको दी तो ये आपको एक इंटीजर रिटर्न करके देगा जो कि डबल में टाइपकास्ट हो सकती है अगर इंट भी लिख दो तब भी चलेगा ठीक है मैथ डॉट ए बी एस माइनस थर्टी नाइन का थर्टी नाइन कर देगा और थर्टी नाइन का तो थर्टी नाइन होता ही है एपसलूट वैल्यू तो ये सारे जो मैथ के फंक्शनस हैं इनका रेफरेंस आप लोगों को मिल जाएगा इंटरनेट पर माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पर आप लोग वहाँ से देख सकते हो वरना आप लोग जो है क्या करो इंटरनेट पर सर्च कर दो सी शार्प और उसके बाद जैसे हाउ टू राउंड इन सी शार्प आपको मिल जाएगा मैथ डॉट राउंड एक फंक्शन होता है वो मिल जाएगा तो वो सारे जो फंक्शन हैं उनको आप लोग खोज लोगे मुझे आप लोगों पे पूरा भरोसा है ठीक है जैसे मैं इसको छोड़ के आगे बढ़ूँगा और ये कंसोल्ट डॉट राइट लाइन ए जो लिखा हुआ है इसको भी ऐसे ही लिखा लिखा है छोड़ देता हूँ और अब हम आएंगे मेन टॉपिक पर जो है स्ट्रिंग और स्ट्रिंग के फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हेलो वर्थ मेरा कीबोर्ड ना टूट जाए मुझे थोड़ा सा अपने इमोशंस को पॉकेट में रख कर वीडियो बनाना चाहिए कंट्रोल एस टू सेव और हैलो में आ गया हेलो वर्ट दिस इज़ हैरी ठीक है यहाँ पर गलती से लग गया सॉरी अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा आप लोगों को बताता हूँ सबसे पहले इसकी लेंथ कैसे निकाली जाती है ठीक है तो कंसोल डॉट कंसोल कंसोल क्या हो गया इसको ये मुझे सजेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो आप तुम तो? नाराज मत हो मुझसे कंसोल डॉट यहाँ पर मैं लिखूँगा राइट लाइन और यहाँ पर लिखूँगा हेलो डॉट लेंथ ठीक है और यहाँ पर नोट करो ये कैपिटल ले जावा स्क्रिप्ट में ये स्मॉल लेंथ होता है तो वहाँ से अगर आप लोग आ रहे हो तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को कन्फ्यूजन मिलेगा लेकिन सीशाप में कैपिटल लेंथ होता है ठीक है तो यहाँ पर अगर मैं इसको बंद कर दूँ और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ लेंथ निकालने के साथ साथ और कौन कौन से मैथड्स हैं अगर मैं यहाँ पर इसको टू अपर कर दूँ टू अपर ठीक है और ये एक फंक्शन होता है तो ऑब्वियसली आपको ऐसा लिखना पड़ेगा और हाँ ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी क्या फंक्शन है क्या नहीं है तो देखो ये टू अपर केस में आ गया पूरी स्ट्रिंग अपर केस में प्रिंट हो गई सिमिलरली आपने बहुत बढ़िया गैस किया है लोअर भी होता है बहुत अच्छा गैस है आपका टू लोअर भी एक होता है और अपने लिए ताली बजाओ अगर आपने गैस कर लिया तो इसको तो टू लोअर भी यहाँ पर होता है ठीक है और ये लोवर वो पहनने वाला लोवर नहीं होता ये लोवर केस वाला लोवर होता है यानी कि अगर आपने कुछ कैपिटल में लिखा है तो वो आपको स्मॉल लेटर में दिखेगा जैसे कि आप देख सकते हो चाह कैपिटल में था लेकिन वो यहाँ पर आउटपुट में स्मॉल केस में आ गया है इसलिए इसको मैं बंद कर दूंगा और आप लोगों को बताऊंगा और फंक्शन अब देखो मैंने स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन तो आप लोगों को बता दिया था कि प्लस करके आप स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट कर सकते हो अगर आप लोगों को मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो आप लोग देख लो वैसे मैंने ऑलरेडी बता रखा है लेकिन अगर आप हेलो प्लस यू आर नाइस इस तरह से प्रिंट कराओगे इसमें ऐड करके तो ये जो स्ट्रिंग है हेलो वर्ड दिस इज़ हैरी उसमें यू आर नाइस जो है वो कॉन्कैटिनेट हो जाएगा इसको करने का एक तरीका और है और वो शायद आप लोगों को गेटअप वगैरह पे अगर आप लोग कोई कोड बेस फॉलो कर रहे हो वहाँ पर शायद आप लोगों को देखने को मिल जाए तो इसलिए मैं आप लोगों को जो है वो बता देता हूँ क्या है कुछ चीज़ें इसलिए सीखनी पड़ती हैं कि कहीं कि किसी दूसरे ने उसको इस्तेमाल करके आपको कोड पकड़ा दिया तो आपको समझ में नहीं आएंगी तो वो गलत हो जाएगा तो यहाँ पर एक फंक्शन होता है स्ट्रिंग का और उसका नाम होता है स्ट्रिंग डॉट कॉन्कैट और स्ट्रिंग डॉट कॉन्कैट जो फंक्शन होता है जी हाँ बिल्कुल सही है इसकी आपने कौन कैटिनेट करता है दो स्ट्रिंग्स को बिल्कुल उसी तरह जिस तरह प्लस करता है तो उसको रन करो अगर तो हाँ दोनों का आउटपुट सेम ही आएगा लेकिन ये दो अलग अलग तरीके हैं एक ही काम को करने के ठीक है तो यहाँ पर आप लोगों ने जो है ये चीज़ सीख ली अब जो टेक्निक आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ ना वो आप लोग को शायद इतना काम आए कि आप लोग ताली बजाने लग जाओगे वीडियो देखते देखते ताली बजाने लग जाओगे खड़े होके तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा मैं यहाँ पर लिखूंगा स्ट्रिंग इज इक्वल टू सॉरी स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन ठीक है और कंसोल डॉट रीड लाइन लिखने के बाद यहाँ पर क्या करो आप लोग यहाँ पर आप लोग कुछ इस तरह लिख सकते हो स्ट्रिंग कैंडीज इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन ठीक है कैंडीज इज इक्वल टू ये अब अगर मैं कंसोल डॉट राइट लाइन करूँ तो मैं कुछ इस तरह से डॉलर बना सकता हूँ और इस तरह से स्ट्रिंग इंटरपोलेशन कर सकता हूँ ये स्ट्रिंग इंटरपोलेशन क्या होता है इस बात को ध्यान से समझना ये जो सेंटेक्स मैंने लिखा है ना अभी आपके सामने आप क्या कर सकते हो एक स्ट्रिंग को कुछ इस तरह से डाल सकते हो ऐसे बना सकते हो एक स्ट्रिंग को और यहाँ पे लिख सकते हो योर नेम इज़ नोट दैट मैंने यहाँ पर डॉलर लगाया हुआ है याद रखना ये डॉलर लगाना मत भूलना और ऐसे लिख के आप यहाँ पर एक वेरिएबल डाल सकते हो ठीक है और यहाँ पर आप लिख सकते हो यू विल गेट यहाँ पर आप वेरिएबल डाल सकते हो ठीक है और देखो वेरिएबल सजेस्ट भी कर रहा है मुझे तो मैंने यहाँ पर कैंडीज डाल दिया और यहाँ पर मैंने लिख दिया यू विल गेट इतनी कैंडीज सेमा कॉलन लगा दूंगा यहाँ पर मैं और अब आपको प्रिंट करके दिखाऊँ सॉरी रन करके दिखाऊँ इस प्रोग्राम को तो यहाँ पर आप लोग देखो मुझसे पूछ रहा है नाम बताओ अपना तो मैं हैरी लिखूंगा कैंडीज में 43 थ्री योर नेम इज़ हैरी यू विल गेट 43 थ्री कैंडीज ठीक है तो इस तरह से यहाँ पर हमने स्ट्रिंग इंटरपोलेशन कर दिया और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है यार क्योंकि आप कितने प्लस लगाओगे और रीडेबल नहीं होते हैं प्लस सबसे बड़ी चीज़ ये होती है प्लस 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 करके रीडेबल नहीं होते यार वो बहुत प्रॉब्लम होती है उसमें तो रीडेबल जो है अगर उसको बनाना चाहते हो आप तो इस तरह की टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हो इसको बोलते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन चलो जी ये तो हो गया अब आप लोग क्या कर सकते हो अगर आप लोगों के पास एक स्ट्रिंग है ठीक है जैसे कि हमारे पास ऊपर स्ट्रिंग हेलो थी मैं इसको मैंने गलती से खोल दिया आई एम सॉरी मैं वापस से प्रोग्राम में आऊँगा और यहाँ पर कंट्रोल के सी करूँगा और ये वाली लाइन को नीचे पुल करके लाऊंगा या एक काम करता हूँ इसको अनकमेंट कर देता हूँ या कॉपी कर लेते हैं यार क्या दिक्कत है तो ये जो कोड है वो बहुत ज़्यादा मैसअप हो गया है मैंने यहाँ पर इसको काफ़ी जंबल कर दिया कोड को ठीक है हेलो इज इक्वल टू हेलो वर्ड दिस इज़ हैरी और अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन करके हेलो जीरो करूँ अब देखो सी शाप में गिनती जीरो से स्टार्ट होती है और ज़ीरो से गिनती स्टार्ट होने को कहते हैं इंडेक्सिंग इंडेक्स ज़ीरो से स्टार्ट होती है ठीक है यहाँ पर जो इंडेक्स है ज़ीरो से स्टार्ट होती है ज़ीरो मतलब पहला कैरेक्टर ठीक है कैरेक्टर तो एच जो है वो प्रिंट हो जाएगा इसको रन करके अगर दिखाऊं आप लोगों को एच प्रिंट हो गया अगर यहाँ पर हेलो वन करूँ तो मुझे ये जो दूसरा कैरेक्टर है स्ट्रिंग का वो मिल जाएगा स्ट्रिंग बेसिकली क्या है कैरेक्टर का एक समाहार है कैरेक्टर से मिलके बनी है स्ट्रिंग तो ई आ गया यहां पर वन की जगह देखो ई आ गया ठीक है तो कंसोल डॉट राइट लाइन हेलो वन करके क्या हुआ एक ई आ गया यहां पर ठीक है तो यहां पर इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन और स्ट्रिंग इंटरपोलेशन और स्ट्रिंग को एक्सेस कर सकते हैं उसके कैरेक्टर्स को इसे बोलते हैं स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को एक्सेस करना अब स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स होते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर अगर कंट्रोल डी करूँ और इसको कमेंट आउट कर दूँ और मैं यहाँ पर लिखूँ हेलो डॉट इंडेक्स ऑफ अगर आपको किसी एक दूसरी स्ट्रिंग जो कि इसके अंदर है उसकी इंडेक्स जाननी है तो आप क्या कर सकते हो उसकी इंडेक्स को जान सकते हो जैसे मैं मान लो लिखूँ हेलो की क्या इंडेक्स है ऑब्वियसली हेलो की इंडेक्स क्या है जीरो है जीरो से स्टार्ट हो रहा है हेलो तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ और मैं देखता हूँ मैंने सब ब्रैकेट्स वगैरह सही से बंद किए तो यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन ये 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 इसको सेव करो और यहाँ पर रिप्रेजेंट ओके तो मुझे जो स्ट्रिंग है उसको डबल कोट के अंदर डालना है ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है ठीक है इसको भी मैं रन करूँ तो ये क्या करेगा मुझे ज़ीरो बता रहा है है आपका जो हेलो है वो ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है वट अबाउट इज इज़ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ज मेरा स्टार्ट हो रहा है देखो मैं अगर इसको रन करूं तो मुझे बता रहा है इज 14 से स्टार्ट हो रहा है तो जीरो से यहाँ से गिनती करो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन तो ये वाला इज लेगा ये तो पहली जो अकरेंस है उसको ये ले लेगा ले ठीक है तो इंडेक्स ऑफ दूसरा वाला इज नहीं लेगा जो भी पहला इज उसको मिल जाएगा स्ट्रिंग में उसको वो कंसिडर करेगा इस केस में ये वाले इज को कंसीडर कर रहा है ठीक है आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी अभी तक आप लोगों को फिर एक और एक इंपॉर्टेंट मेथड की मुझे बात करनी पड़ जाए तो मैं एक सब एस टी आर एक सब स्ट्रिंग मैथड है सब स्ट्रिंग नॉट सब एस टी आर इट्स सब स्ट्रिंग तो जो सब स्ट्रिंग मैथड है मेरा वो क्या करता है आप क्या करो इसको एक कैरेक्टर पोजीशन दे दो जैसे कि मान लो मैंने इसको एक कैरेक्टर पोजीशन दे दी वन ठीक है और मैं इसको अगर अभी रन करूं मैं इसको स्टॉप करता हूं और इसको वापस से रन करता हूं तो देखो यहां पर ये क्या करेगा वन से स्टार्ट करके पूरी स्ट्रिंग को ले लेगा ठीक है अगर मैं इसको फाइव दे दूँ तो ये क्या करेगा फाइव इंडेक्स से स्टार्ट करके पूरी स्ट्रिंग को ले जाएगा तो फाइव पर मेरी ये थी ब्लैंक स्पेस जीरो वन टू थ्री फोर फाइव तो फाइव इंक्लूडिंग पूरी स्ट्रिंग ही ले लेगा ये देखो इसने पूरी स्ट्रिंग प्रिंट कर दी है यहाँ पर ठीक है तो सब स्ट्रिंग मेथड क्या करता है वहाँ से स्टार्ट करते हुए पूरी जो आपकी स्ट्रिंग है वो ले लेता है और एक नई स्ट्रिंग रिटर्न करता है तो ये बेसिकली एक नई स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है पुरानी स्ट्रिंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो अगर मैं यहाँ पर वापस से कंसोल्ड ऑट राइट लाइन हैलो करूँगा तो हेलो मेरी सही सलामत जो स्ट्रिंग थी मैंने आपको गलती करी है लगता है ओके सेवी कॉलर नहीं लगाया तो मेरी जो सही सलामत स्ट्रिंग थी वो मेरी रिटर्न हो जाएगी देखो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा मैंने काफ़ी ऑपरेशन किए यहाँ पर केस लोअर केस किए वो अगर मैं इनको अनकमेंट भी कर दूँ अभी यहाँ पर तो भी जो है इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा एट दी एंड जो मेरी स्ट्रिंग है वो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुई ओके तो हेलो डिफाइन नहीं थी यहाँ पर और हेलो को यहाँ से हटा देता हूँ फिर दो दो बार डिफाइन नहीं करना ना एक स्ट्रिंग को तो मेरी जो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि जो मेरी हेलो स्ट्रिंग है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा ठीक है तो यहाँ पर इसको मैं वापस से ऐसे कर देता हूँ और इसको यहाँ पर ले आता हूँ ठीक है तो ये थे हमारे कुछ स्ट्रिंग के मेथड्स यहाँ पर मैंने आप लोगों को काफ़ी मेथड्स बताए लेकिन यही सिर्फ मेथड्स नहीं है स्ट्रिंग के स्ट्रिंग के बहुत सारे मेथड्स होते हैं और स्ट्रिंग में अगर मुझे आपको एक और चीज़ बतानी हो तो वह एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स क्या होता है एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स मतलब कि जैसे अगर मैं एक स्ट्रिंग प्रिंट करना चाहता हूँ अगर मैं मान लूँ इसके अंदर एक डबल कोट देना चाहता हूँ मैं यहाँ पर इसको ऐसे रखना चाहता हूँ हेलो वर्ड दिस डबल कोट इज़ हैरी ये लिखना चाहता हूँ तो अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा तो एक सिंटेक्स एरर प्रोड्यूस करेगा इसको लगेगा कि ये स्ट्रिंग यहाँ पर ख़त्म हो गई है और यहाँ पर इसके बाद वाले को पार्स करेगा तो सिंटेस एरर तो अगर मुझे एक डबल कोट एक स्ट्रिंग के अंदर घुसेड़ना है तो मैं एक बैक स्लैश लगा के घुसेड़ सकता हूँ और मैं इसको अगर रन करूं अभी तो देखो यहां पर एक डबल कोट आ गया सिमिलरली अगर मुझे एक न्यू लाइन चाहिए तो मैं बैक स्लैश एन करके एक नई लाइन ले सकता हूं और हेलो दिस के बाद एक नई लाइन आ गई देखो और उसके बाद स्पेस इसको हटा के दिखाऊं तो स्पेस इज हैरी ठीक है तो यहां पर देखो बैक स्लैश एन से हो जाती है एक नई लाइन ये एक कैरेक्टर होता है बैक स्लैश एन और बैक स्लैश ये भी एक कैरेक्टर है ये सारे एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स हैं बैक स्लैश टी अगर मैं यहाँ पर कर दूँ तो इसको अगर मैं बंद करूँ तो एक टैब इंसर्ट हो जाएगी स्ट्रिंग के बीच में तो जिसके बाद थोड़ी ज़्यादा स्पेस दिखने को मिलेगी आपको तो ये टैब एक इंसर्ट कर दी इसने तो यहाँ पर मैं डबल कोट को रखूँगा ताकि आप लोगों को पता चले कि डबल कोट कैसे इंसर्ट करते हैं तो ये था कुछ स्ट्रिंग के बारे में हमने कॉन्काटिनेशन तो देख ही लिया नंबर के साथ अगर ऐड करते हैं इसको तो नंबर भी स्ट्रिंग में पहले कन्वर्ट होता है और उसके बाद नंबर का स्ट्रिंग में प्रमोशन के बाद दोनों स्ट्रिंग्स कॉन्काटिनेट हो जाती हैं तो वो चीज़ हमने जो है वो देख ली है ठीक है तो आई होप कि वो चीज़ समझ में आ गई होगी आप लोगों को और आप लोग जो है बिल्कुल भी इस चीज़ को लेके परेशान नहीं होंगे अभी अभी आप लोग यहाँ पर इस पॉइंट पर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए होंगे अब हम आएँगे डिसीजन कंट्रोल पर कि डिसीजन कैसे लिया जाता है सी शाप के अंदर तो डिसीजन लेने के लिए हमारे पास इफ़ एल्स कंडीशनल्स होते हैं तो इफ़ एल्स कंडीशन में क्या होता है इफ़ का मतलब होता है अगर एल्स का मतलब होता है मगर सो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो मैं एक काम करूँगा इसको आप टाइम टू टाइम जो है बंद कर लिया करो नीचे गिरा लिया करो और यहाँ पर जो कोड है हमारा ये मैं इंश्योर कर रहा हूँ कि सारा का सारा मैंने कमेंट कर दिया है या फिर नहीं करा है तो सारा का सारा कोड जो है वो मैंने कमेंट आउट कर रखा है तो इसको सेलेक्ट करके ज़रा मैं कंट्रोल के सी कर लेता हूँ इसको भी क्लिक करके पर कंट्रोल के सी कर लेता हूँ सारा का सारा कोड अब जा चुका है एक्सेप्ट कंसोल डॉट रीड लाइन ठीक है मान लो यहाँ पर हम किसी की एज लिख रहे हैं जो कि मैंने छप्पन कर दी है अब मैं अब एक प्रोग्राम लिखना चाहता हूँ कि अगर कोई इंसान अट्ठारह साल से ज़्यादा का है तब वो ड्राइव कर पाए और अगर वो अट्ठारह साल के से ज़्यादा का नहीं है तो क्या वो ड्राइव ना कर पाए तो हम लोग उसके लिए यूज़ करते हैं एफ एल्स कंडीशनल्स तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि इफ़ मैंने यहाँ पर लिखा और मैं यहाँ पर लिखूँगा इफ़ एज इज ग्रेटर देन एटीन और मैं यहाँ पर लिख दूंगा कुछ इस तरह से और मैं लिखूँगा कंसोल डॉट राइट लाइन ये क्या हो रहा है राइट लाइन और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगा यू कैन ड्राइव और अगर वो ऐसा नहीं करता है यानी कि एल्स और एल्स में मुझे कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब आप किसी इंसान से बोलते हो यार अगर ऐसा हो तो वैसा करना वरना वैसा करना तो कंडीशन सिर्फ आप एक बार बताते हो अगर ऐसा हो तो ऐसा करना फिर एल्स का मतलब होता है वरना ऐसा करना ठीक है तो वरना क्या यू कैनॉट ड्राइव तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा यू के नॉट ड्राइव और ये स्टार्ट हमारा एक बहुत अच्छा मित्र है इसको आप क्लिक करें और आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा तो क्योंकि छप्पन अट्ठारह से बड़ा है तो यू कैन ड्राइव लिख कर आ रहा है लेकिन अगर मैं छप्पन को सोलह कर दूँ और इसको सेव करूँगा और वापस से स्टार्ट पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर देखो आप लोग यू कैन नॉट ड्राइव लिख कर आ रहा है इसी तरह आप मल्टीपल कंडीशन को भी मैच करा सकते हो जैसे कि मैंने यहाँ पर इंट एजोडो थर्टीन लिखा है और इंड एज इज़ ग्रेटर देन 18 लिखा है अगर ये 18 से ज़्यादा है एज तो ये एग्जीक्यूट होगा वरना ये एग्जीक्यूट होगा हम कुछ और कंडीशंस भी मैच करा सकते हैं जैसे कि मान लो अगर ये ग्रेटर देन 18 है तब तो यू कैन ड्राइव आ जाए मान लो मैं चाहता हूँ कि अगर इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन या फिर मैं कह दूँ कि इफ़ एज इज लेस देन एटीन तो क्या हो तो लिख कर आ जाए कि या फिर मैं एक काम करता हूँ इफ़ लेस देन वन है लेस देन टू है तो क्या होगा कि यू आर जस्ट बॉर्न लिख आए ठीक है यार तुम अभी पैदा हुए हो ड्राइव क्या करोगे कुछ इस टाइप का ठीक है एल सेफ तो एल सेफ का मतलब क्या है कंडीशन लगेगी वरना अगर ऐसा हो यानी कि ये कंडीशन तब चेक होगी जब ये कंडीशन चेक ना हो पाए यानी कि करेक्ट ना हो पाए ये एग्जीक्यूट ना हो तब क्या होगा एल सेफ एज इज लेस देन टेन प्लीज तो मैं यहां पर लिख दूंगा कंसोल डॉट राइट लाइन और राइट right लाइन तो मैं यहाँ लिख दूंगा प्लीज फिनिश योर हाई स्कूल ठीक है तो मैं कह रहा था हाई स्कूल फिनिश कर लो पहले उसके बाद जो है ड्राइव करना और एल्स इफ एज इज़ लेस देन एटीन तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कंसोल डॉट राइट लाइन यू आर बिलो एटीन और उसके बाद भी मैं क्या करूँगा फिर मैं देखूँगा कि else if तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ मैं और एल्स यू cannot drive ड्राइव कर दूँगा मैं ठीक है तो यहाँ पर मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ कि मैंने कंडीशंस लिखी हुई हैं और यहाँ पर मैं एक चीज़ और एक और कंडीशन डाल देता हूँ एल्स if एज इज़ लेस than सिक्सटी यानी कि सिक्सटी से कम एज होनी चाहिए इनफैक्ट इसको एट्टी कर देते हैं सेवेंटी कर देते हैं और सेवनटी करेंगे तो यहाँ पर डॉट राइट लाइन और यहाँ पर लिख दूँगा यू कैन ड्राइव यानी कि अगर ये सारी कंडीशन आपकी नहीं ट्रू हो पाई और यहाँ पर आप अगर आ जाते हो उसका मतलब आप 18 से बड़े हो तभी तो आप इसको पास कर पाए और 75 से कम हो तो यू कैन ड्राइव तो चलो एक काम करते हैं हम इस प्रोग्राम को थोड़ा सा एक्साइटिंग बनाते हैं अभी तो मैं एक बार रन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ पहले प्रोग्राम यूर बिलो एटीन लिख कर आ रहा है क्योंकि इसने क्या किया सबसे पहले इसको मैच कराने की कोशिश करी तो एलसिफ 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 जब लगाते हैं तो आपका जो सी शाप प्रोग्राम है वो क्या करता है एक एक करके सारी कंडीशंस को मैच कराने की कोशिश करता है तो अगर मैंने कुछ इस तरह से लिखा है इफ़ एज इज़ लेस देन टू तो वो सबसे पहले एज को कोशिश करेगा कि लेस देन टू है कि नहीं इसको ट्रू कराने की कोशिश करेगा फिर एल्स एज इज़ लेस देन टेन इसको ट्रू कराने की कोशिश करेगा अब एज की वैल्यू तो सिक्सटीन है तो ये भी ट्रू नहीं हुआ फिर इसको कराने की कोशिश करेगा तो हाँ लेस देन एटीन है यहाँ कंडीशन मैच हो जाएगी और जैसे ही यहाँ कंडीशन मैच होगी ये इसको एग्जीक्यूट कर देगा और इस पूरी लैडर को एग्जिट करके यहाँ पर आ जाएगा ये एक लैडर क्यों है क्योंकि ये एक इफ, एल सिफ एल सिफ़ और फाइनली एल्स तो ये जब तक इसको एल्स नहीं मिल जाता ये पूरी एक लैडर कहलाती है इसको बोलते हैं इफ़ एल्स लैडर तो इफ़ का मतलब होता है अगर एल्स का मतलब होता है वरना और बीच में बहुत सारे एल्स भी हो सकते हैं अब आप इसको कन्फ्यूज़ मत करना दो अलग अलग इफ़ स्टेटमेंट्स है अगर मैंने एक और यहाँ पर दूसरा इफ़ लिख दिया यहाँ से चालू करके तो वो एक अलग इफ़ होगा उसका इस इफ़ से कोई मतलब नहीं होगा ठीक है तो वो एक डिफरेंट इफ़ होगा तो आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई चलो जी बढ़िया ज्यूमिंग ये आपको समझ में आ गया मैं यहाँ पर थोड़ा सा फ़न ले कर आ रहा हूँ प्रोग्रामिंग में कि मैं क्या करूँगा मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले तो एक स्ट्रिंग uh, एज एस टी आर इज़ इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन कर रहा हूँ ठीक है मैं कह रहा हूँ कि यार मैं रीड करना चाहता हूँ एज एस टी आर को यूज़र से और उससे पहले एक काम करता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन करके लिख देता हूँ एंटर योर एज ठीक है और इसको सैमिकॉलन लगा के मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि एज इज इक्वल टू कर दूँगा मेरा जो इन 32 में इसको मैं कन्वर्ट करूँगा तो मैं कन्वर्ट का इस्तेमाल करूँगा और मैं लिखूँगा टू इन थर्टी टू टू इन थर्टी टू और मैं कहूँगा कि मुझे एज एस टी आर को कन्वर्ट करना है इन थर्टी टू में और अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो ये देखो मुझसे पूछ रहा है एंटर योर एज मैं यहाँ पर डाल दूँगा फिफ्टी नाइन एंटर मारूंगा तो यू कैन ड्राइव लिख आ रहा है जब मैंने फिफ्टी नाइन डाला तब क्या हुआ सबसे पहले इसने इसको मैच कराने की कोशिश कराई उसके बाद इसने इसको मैच कराने की कोशिश कराई कुछ नहीं हुआ उसके बाद इसने ये कंडीशन चेक करी कुछ नहीं हुआ फिर ये कंडीशन चेक करी तो हाँ मैच हो गया तो इसने कहा यू कैन ड्राइव तो यहाँ पर आके रुक गया अगर ये भी मैच नहीं होती तो ये रन होता यू कैन नॉट ड्राइव जैसे कि अगर मैं सौ साल की एज डाल दूँ तो कुछ मैच नहीं हो पाएगा तो ये यू कैन नॉट ड्राइव में आकर फाइनली सेटल होगा यानी कि एल्स में आकर एल्स के कोड को एग्जीक्यूट कर देगा आई होप कि इफ़ एल्स एल सेफ सब आपको समझ में आ गया होगा और आप इसकी और प्रैक्टिस करना अब एल्स इफ़ एल्स इन सब के अंदर हम लोगों का लगता है कौन सा वाला ऑपरेटर मैंने आपको बताया था कंपैरिजन uh, ऑपरेटर के बारे में और उसी की किस लॉजिकल ऑपरेटर भी लग सकता है तो आप इफ़ एज इज़ लेस देन एटीन और uh, मान लो एक वेरिएबल मैं बनाता हूँ जो कि बताता है कि यूज़र बैंड है कि नहीं बोल इज़ बैंड इज़ equal टू ट्रू कर दिया मैंने अगर तो अगर कोई यूज़र बैंड है ठीक है तो मैं यहाँ पर सब जगह एक और कंडीशन लगा सकता तो हूँ कि एंड और उसी के साथ साथ और एंड को मैं इस तरह से लिखता हूँ एंड वो बैंड भी ना हो इज़ बैंड यानी कि अगर बैंड है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए ठीक है सॉरी ये बैंड है तो ये एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए अगर आप बैंड हैं तो आपको यहाँ पर आना चाहिए कि आप बैंड हैं तो एक काम करते हैं कि ये ना करके अगर मैं फाइनली यहाँ पर एक और एल्सेप्ट लगा दूँ कि अगर आप बैंड हैं तो बता दें कि आप बैंड हो चुके हैं और यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम इसको डायरेक्टली भी यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरह से एंड लगा के तो अगर यहाँ पर एक सिंपल प्रोग्राम की बात की जाए अगर मैं इसको कॉमेंट आउट कर दूँ तो एक सिंपल प्रोग्राम में लिख सकता हूँ एज इज़ ग्रेटर देन एटीन यू कैन ड्राइव और उसी में मैं लिख सकता हूँ इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन एटीन एंड इज़ बैंड ठीक है यानी कि ये भी ट्रू हो और ये भी ट्रू हो तब ये रन होगा लेकिन मैं चाहता हूँ कि इन दोनों में से कोई एक ट्रू हो तो ये रन हो जाए यानी कि आपको रोक दिया जाए यू आर जस्ट बॉर्न और बैंड ठीक है यू प्लीज़ फिनिश योर हाई स्कूल और मे बी यू आर बैंड और यहाँ पर भी मैं ये चीज़ लिख देता हूँ कॉपी करके तो ये जो और होता है इसका क्या मतलब होता है इसका मतलब ये होता है कि अब जैसे जब मैं इसको चेक कर रहा हूँ तो चेक करने में क्या डिफरेंस है कहीं बता रहा हूँ पहले तो मैं सिर्फ ये चेक करता था अब मैं करूंगा ये चेक कि ये जो पूरा है ये ट्रू रिटर्न करना चाहिए और ये ट्रू कब रिटर्न करेगा जब इन दोनों में से कोई एक ट्रू हो और का मतलब क्या होता है और का तो मतलब यही होता है ना या तो ये ट्रू या ये ट्रू तो इन दोनों में से कोई भी एक ट्रू होगा तो इसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी और मैं वही चाहता हूँ कि जो इसकी वैल्यू है वो ट्रू हो जाए तभी मैं इसको एग्जीक्यूट करा पाऊंगा वरना मैं अगले एल एल्स में चला जाऊंगा और अगर यहाँ पर भी एंड या और करके बहुत सारे ऑपरेटर्स लगे हुए हैं तो मैं उनको रिजॉल्व करके इसकी फ़ाइनल वैल्यू निकालूंगा एक बार इसकी फाइनल वैल्यू मुझे पता चल जाती है तो मैं क्या करूँगा कि इसको रिप्लेस कर दूँगा ट्रू है तो एग्जीक्यूट करा दूंगा फॉल्ट है तो अगले पर जाऊँगा लेकिन अगर ट्रू है तो अगले नहीं जाऊंगा ट्रू है तो बात खत्म एक लैडर में से अगर एफ एल तो से एक एग्जीक्यूट होना है, तभी ये लैडर कहला रही है अगर दो अलग अलग इफ होते तो वो इंडिपेंडेंट होते लेकिन ये ये बहुत सारे एफ लगा तो ये एक लैडर है इनमें से सिर्फ एक एग्जीक्यूट होगा और क्योंकि यहां पर एल्स लगा हुआ है तो अगर कुछ ना हो पाया इसका तो एल्स तो चल ही जाएगा ठीक है तो इनमें से एक ना एक चलेगा और सिर्फ एक ही चलेगा ठीक है एग्जैक्टली वन ब्लॉक इनमें से चलेगा आई होप कि आप समझ गए इस चीज़ को और इफेल्स कंडीशन आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गए हैविंग सेट दैट मैं आगे बढ़ूँगा और मैं चलूँगा लूप्स की तरफ और लूप्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लेकिन इससे पहले मैं लूप्स में चला जाऊँ मैं आपको एक एक स्विच केस का जो स्टेटमेंट है वो बताना चाहता हूँ जो कि इससे बहुत ज़्यादा सिमिलर है और मैं इस चीज़ को क्या करता हूँ यहाँ पर कमेंट आउट कर देता हूँ वापस से तो मैं इस पूरे को सेलेक्ट करके कंट्रोल के सी दबा दूंगा और ये हो गया है कमेंट आउट और यहाँ पर सिर्फ कंसोल्टॉट रीड लाइन बचाए थिंक आई फो टू कॉमेंट दिस वन आउट मुझे ये भी कॉमेंट आउट करना है अब मैं एक बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम बनाऊंगा स्विच कि इसका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि वो भी बिल्कुल एफ की तरह है तो मान लो मैंने यहाँ पर लिखा एंड एज इज इक्वल टू सेवेंटी नाइन सेवेंटी एट ठीक है मैं यहाँ पर लिखूँगा कि इफ इफ़ ना लिख के मैं स्विच लिखूँगा मैं कहूँगा स्विच और मैं लिख दूँगा एज ठीक है मैं कहूँगा कि जो स्विच है वो एज के लिए मैं स्विच करना चाहता हूँ यानी कि ये वेरिएबल को मैं वॉच करना चाहता हूँ अब मैं यहाँ पर लिखूँगा केस एटीन तो केस एटीन में मैं कंसोल डॉट राइट लाइन लिखूंगा और मैं लिखूँगा प्लीज़ वेट फॉर एन ईयर और उसके बाद ये करने के बाद मैं क्या करूँगा उसको सेव कर देता हूँ सैमी कॉलर लगा कर तो मैंने बेसिकली क्या किया मैंने एक वेरिएबल को वॉच किया मैंने कहा कि मैं इस वेरिएबल को वॉच कर रहा हूँ अगर एज वेरिएबल की वैल्यू अट्ठारह है ठीक है अगर इसकी वैल्यू अट्ठारह है तो ये वाला एग्जीक्यूट करा दो फिर मैं एक और केस लिखूँगा फाइनली यहाँ पर मैं लिखूँगा केस ट्वेंटी और मैं यहाँ पर लिख दूँगा कंसोल डॉट राइट लाइन और यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा यू आर ट्वेंटी ठीक है और उसके बाद मैं क्या करूँगा बाकी सारे केसेस में मैं क्या करूँगा कि यू कैन यू कैन इन्जॉय लिख दूँगा ठीक है तो मान लो मैंने यहाँ पर लिखूँगा केस और यहाँ पर मैं लिख दूँगा फाइनली अगर मैं कोई और केस नहीं रखना चाहता हूँ तो मैं एक फाइनली डिफॉल्ट रख दूंगा और डिफॉल्ट का क्या मतलब होगा डिफ़ॉल्ट का मतलब होगा कि ये केस तो रन होगा ही होगा फाइनली तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा कंसोल डॉट राइट लाइन और मैं यहाँ पर लिख दूँगा कि इन्जॉय ठीक है और मैं यहाँ पर कॉलन लगा दूंगा अब यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि मुझे को चैरर्स मिल रहे हैं तो आपको यहाँ पर ब्रेक लगाना पड़ता है और अभी के लिए बस ये समझ लो कि आपको यहाँ पर ब्रेक लगाना पड़ता है लेकिन मैं आप लोगों को ब्रेक के बारे में आगे बताऊँगा और तो आप इस तरह से ब्रेक लगा सकते हो ठीक है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये भी एग्जीक्यूट कर जाए ये भी एग्जीक्यूट कर जाए इसलिए हम ब्रेक लगाते हैं इनमें से सिर्फ़ एक एग्जीक्यूट एक करना चाहिए तो मैं यहाँ पर इसको रन करूँगा तो ये कह रहा है इन्जॉय क्योंकि ना अट्ठारह है ना बीस है अगर मैं अट्ठारह कर दूँ इसको तो आप लोग देखोगे कि अट्ठारह मैच कर जाएगा और यहाँ पर प्लीज़ वेट फॉर एन ईयर ये, ये एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा उसी के साथ साथ अगर मैं एज को बीस कर दूँ तो ये मैच हो नहीं पाएगा ये मैच हो जाएगा तो यू आर ट्वेंटी मेरा स्क्रीन पर लिख कर आ जाएगा तो मैं इसको अगर अभी रन करके आप लोगों को दिखाऊं तो यू आर ट्वेंटी लिख कर मेरा स्क्रीन पर आ गया है तो ये होता है हमारा स्विच केस ठीक है चलो ये तो बहुत बढ़िया हो गया स्विच केस स्टेटमेंट भी हमारा निपट चुका है अब हम लूप्स की तरफ बढ़ेंगे तो मैं इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल के सी दबा देता हूँ और सेव कर लेता हूँ अब मैं यहाँ पर लिख दूँगा लूप्स इन सी शाप ठीक है और मैं वापस से इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पर आप जगह बना सकते हो अपने लिए इस तरह से ऐसे कर करके लूप्स क्या होते हैं सबसे पहले लूप्स को इन जर्नल समझ लेते हैं कि क्या होते हैं लूप्स का मतलब होता है कि एक चीज़ को बार बार करना जैसे कि अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि मुझे एक से ले दस कर दस तक की गिनती करके दो तो शायद आप लोग अगर लूप्स नहीं जानते तो ये करोगे आप कहोगे कि मैं ये करके एक से ले कर दस तक की गिनती कर सकता हूँ ठीक है तो रन किया आपने और आप सक्सेसफुल भी हो जाएंगे एक से लेकर पाँच तक कह लो मैं इतना लंबा कोड लिखना नहीं चाहता इसको दस तक भी इनमीरेट किया जा सकता है लेकिन पाँच तक लगा लो आपको किसी ने बोला तो आप उसका चैलेंज एक्सेप्ट करके लिख दोगे पाँच तक ठीक है लेकिन क्या होगा अगर आप लोगों को मैं बोलूँ पाँच तक लिखो तो क्या आप अपने कोड बेस में पाँच हज़ार लाइन्स एड करोगे या फिर अगर आप एक ही लाइन में लिख रहे हो सारे स्टेटमेंट्स क्या आप उतना बड़ा अपने प्रोग्राम को बनाओगे बार बार कंसोल डॉट राइट लाइन लिखना गलत है आप लोग ऐसा नहीं करोगे आप लोग ऑब्वियसली कुछ अच्छी चीज़ लेकर आओगे तो हम लोग क्या करेंगे इसी चीज़ का एक बेटर ऑल्टरनेटिव देखेंगे तो बेटर ऑल्टरनेटिव और बेटर ऑल्टरनेटिव इज़ लूप लूप इज़ अ बेटर ऑल्टरनेटिव फॉर रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स ठीक है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा लिख दूंगा यहाँ पर एक वाइड लूप से स्टार्ट करता हूँ तो बेटर ऑल्टरनेटिव क्या है लूप्स सबसे पहले वाइल लूप्स की बात कर लेते हैं क्योंकि वाइल लूप्स जो है वो सबसे पहले आप लोग जान लो तो अच्छा रहेगा सिंपलेस्ट लूप मैंने इंट आई इज इक्वल टू ज़ीरो लिखा और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा वाइल आई इज़ लेस देन फाइव और मैं यहाँ पर क्या करूँगा मैं इसके अंदर डायरेक्टली लिख दूँगा कंसोल डॉट राइट लाइन आई एट द सेम टाइम मैं क्या करूँगा मैं कहूँगा कि भाई आई प्लस प्लस तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ आई की वैल्यू ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है और एंड इट्स अ गुड प्रैक्टिस क्योंकि इंडेक्स जो होती है वो सी शाप में ज़ीरो से स्टार्ट होती है ठीक है तो सी शाप में क्योंकि इंडेक्स ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है इसलिए हम चीज़ों को ज़ीरो से ही स्टार्ट करते हैं आप वन से भी स्टार्ट कर सकते हो उस लूप को कोई गलती नहीं आई जी गल्ड वन लिखना यहाँ पर लेकिन इट्स अ गुड प्रैक्टिस क्योंकि आपकी आदत में आ जाएगा वो इसलिए ज़ीरो से स्टार्ट करो राधा मैं यहाँ पर अगर इसको ऐसे ही रन करूँ तो मुझे ज़ीरो से चार तक मिलेगा क्यों While loop कैसे काम करता है समझते हैं आई की वैल्यू सबसे पहले यहां पर जीरो हो जाएगी जब वाइल्ड लूप के अंदर ये घुसेगा तो ये इस कंडीशन को सबसे पहले चेक करेगा तो क्या ये कंडीशन ट्रू होगी जब ये वाइल्ड लूप के अंदर घुसेगा हाँ या ना बताओ आई लेस देन फाइव ट्रू होगा या फॉल्स ऑब्वियसली ट्रू होगा जीरो पांच से छोटा ही है तो क्योंकि क्वालिफाई कर गया ये कंडीशन ट्रू हो गई इसलिए लूप के अंदर घुसेगा ये इसको रन करेगा तो जीरो जो है प्रिंट हो जाएगा क्योंकि आई की वैल्यू जीरो है फिर आई प्लस प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है इसलिए आई प्लस प्लस का मतलब एक जोड़ दो आई में यानी कि आई की वैल्यू वन हो गई अब ये एग्जिट नहीं करेगा लूप को वापस से आ जाएगा यहाँ पर वाइल में लूप इसीलिए बोलते हैं तो ये जो मैं अपना जो मेरा माउस कर्सर अभी जैसे मूवमेंट कर रहा है ना उसको देखो आप ध्यान से देखो कहाँ से कहाँ आ रहा है लाइन नंबर टू जीरो सिक्स से लाइन नंबर टू जीरो टू में आ रहा है ठीक है तो यहाँ पर मैं ऊपर इसलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि जो मेरा कंट्रोल है वो इसी तरह फ्लो करेगा यहाँ से यहाँ आ जाएगा और अब आई की वैल्यू जीरो नहीं है अब आई की वैल्यू वन हो चुकी है तो वन हो चुकी है तो वन इज़ लेस देन फाइव चेक करेगा कंडीशन ट्रू या फॉल्स बताओ ट्रू ठीक है वन इज़ लेस देन फाइव ट्रू है तो ये वापस से इसको रन करेगा और एक बार इसने इसको रन कर दिया तो इस बार मुझे स्क्रीन पर वन प्रिंट होकर मिलेगा क्योंकि आई की वैल्यू वन है और एक और जुड़ जाएगा आई में आई प्लस प्लस से तो क्या होगा कि i की वैल्यू अब क्या हो जाएगी टू हो जाएगी सिमिलरली ये चलता रहेगा एंड इवेंचुअली i की वैल्यू यहाँ पर फाइव हो जाएगी और ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि फाइव लेस देन फाइव इज़ फॉल्स लेस देन इक्वल टू में ट्रू हो जाता है लेकिन लेस देन में फॉल्स होता है आई लेस देन फाइव विल बी फॉल्स ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी इसलिए जो आपका कंट्रोल है स्लूप से बाहर आ जाएगा तो आपको मिलेगा जीरो वन टू थ्री फोर रन करके देखते हैं प्रोग्राम नो no surprises दिया जीरो वन टू थ्री फोर मिला लेकिन मुझे है वन टू थ्री फोर फाइव तो मैं क्या करूँ मैं सब में अगर एक जोड़ दूँ प्रिंट करते समय तो मुझे वन टू थ्री फोर फाइव मिल जाएगा जीरो की जगह अगर वन प्रिंट कर रहा हूँ वन की जगह टू टू की जगह थ्री थ्री की जगह फोर फोर की जगह फाइव सब में एक एक अगर मैं एड कर दूँ तो डेफिनेटली मेरा आउटपुट आ जाएगा एंड दैट्स ट्रू मेरा आउटपुट डिज़ाइड आ जाएगा अगर मैं प्लस वन लिख दूँ यहाँ पर देखो वन टू थ्री फोर फाइव आ गया है और हम सफल हो चुके हैं अपने लूप्स की मदद से ये लिखने में तो अगर आप मुझे अभी चैलेंज दे दो पाँच हज़ार तो मुझे सिर्फ यहाँ पर पाँच हज़ार करना है और बस ये है कि थोड़ा सा ये इस तरह से चलेगा और मैंने अपनी कंसोल में प्रिंट कर दिया है पाँच हज़ार तक ठीक है तो एक से लेकर कर पाँच हज़ार तक मेरी कंसोल विंडो में प्रिंट हो चुका है जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो ठीक है चलो जी बढ़िया तो ये वाइल लूप तो हमने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया अब एक डू वाइल्ड लूप होता है और वो वाइल्ड लूप का चाचा होता है ठीक है तो वाइल्ड लूप के चाचा को भी देख लेते हैं कैसे होते हैं वो तो मैं क्या करूँगा मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको अभी कॉमेंट आउट कर दो इनफैक्ट आप इसको कॉपी करके पेस्ट ही कर लो यार नीचे क्योंकि मैं जो बताने वाला हूँ वो चीज़ बहुत ज़्यादा सिमिलर है वाइल्ड लूप के वाइल्ड लूप को ऐसे के ऐसे ही आप लोग रखो बस यहाँ पर देखो मैं चेंज क्या करूँगा और आप लोग भी कहोगे कि यार तो बहुत ही सिंपल सा चेंज है और वाइल का डू वाइल बन गया अब वाइल को सबसे पहले मूव करो यहाँ पर कंट्रोल एक्स करके यहाँ करो और एक लगा लो यहाँ पर सैमिकॉलर अब आप हो गया ये क्या कर रहे हो और यहाँ पर लिख लो डू क्या मैंने ये बहुत तेज़ कर दिया अगर कर दिया तो आप एक बार पीछे करके देखो वीडियो मैंने क्या चेंज किया मैं वाइल को नहीं चलाया और मैंने यहाँ पर डू लिखा देखो वाइल्ड लूप ये है एक ही स्क्रीन में दोनों चीज़ें दिखाता हूँ आपको वाइल्ड लूप ये है और डू वाइल लूप ये है ठीक है तो आप लोग को दिख रही है दोनों चीज़ें वाइल और डू वाइल दोनों दिख रहे हैं क्या डिफरेंस है देख लो आप लोग अब एग्जीक्यूशन में क्या डिफरेंस है ये समझ लो आप लोग पहली चीज़ जब do वाई लूप चलता है तो वो कम से कम एक बार चलेगा ही चलेगा अगर मैं इस कंडीशन को फॉल्स कर दूं, यानी कि अगर मैं आई ग्रेटर देन फॉल्स कर दूं, मैं पांच हजार से पांच कर देता हूं इसको थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर मैं यहां पर इसको कुछ इस तरह से कर दूं, आई इज इक्वल टू जीरो और डू के अंदर डाल दूं कंसोल्ड ऑट राइट लाइन आई प्लस प्लस ये सब इस तरह से डाल दूं इसको अगर मैं रन करूं तो ये सिर्फ वन प्रिंट कर रहा है ये कंडीशन तो फॉल्स है तो ये वन क्यों प्रिंट कर रहा है ये इसलिए प्रिंट कर रहा है क्योंकि डू वाइल का मतलब ये होता है डू करो एक बार ज़रूर करो फिर चेक करना कंडीशन तो एक बार तो चलेगा ही चलेगा चाहे कुछ भी आप कर लो फिर उसके बाद कंडीशन भी डिपेंड करता है उसके बाद वाइल लूप की तरह बिहेव करेगा तो यहाँ पर देखो i इज़ ग्रेटर देन फाइव था कंडीशन फॉल्स थी जीरो ग्रेटर देन फाइव नहीं होता है लेकिन उसके बाद भी ये पहली बार एक इट्रेशन इसकी चली तो i प्लस वन प्रिंट हुआ यानी कि वन प्रिंट हुआ अगर ये कंडीशन में ट्रू कर दूँ तो थोड़ी ज़्यादा बार चलेगा ये क्योंकि पहले रन के बाद ये ऑलमोस्ट वाइल्ड की तरह बिहेव करता है तो इसको अगर मैं चला दूँ कुछ इस तरह से तो आप लोग देखो वन टू थ्री फोर फाइव प्रिंट हो गया क्यों हुआ प्रिंट क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ पहले जीरो वैल्यू थी आई की तो यहाँ पर इस लाइन ने वन प्रिंट किया क्योंकि प्लस वन लगा हुआ है कंडीशन चाहे कोई ट्रू थी ट्रू थी ट्रू थी ट्रू थी, थी एक टाइम आया कि यहाँ पर इसकी वैल्यू आई की क्या हो गई आई की वैल्यू फोर हो गई तो ये फोर प्लस वन फाइव प्रिंट हो गया और यहाँ पर आई की वैल्यू फिर फाइव हो गई तब ये कंडीशन फॉल्स हो गई और ये एग्जिट कर गया तो ये वन टू थ्री फोर फाइव इसलिए ब्रेंड कर रहा है तो वाइल और डू वाइल लूप में एक छोटा सा डिफरेंस है कि डू वाइल कम से कम एक बार चलता है और वाइल अगर चलेगा तभी चलेगा जब कंडीशन ट्रू होगी वरना नहीं चलेगा और कंडीशन के हिसाब से बहुत स्ट्रिक्ट होता है वाइल्ड डू वाइल क्या होता है एक तरह से एक मौका देता है एक मौका फ्री होता है ट्राई बॉल होती है इसलिए मैं डू वाइल को ना मैं क्रिकेट खेलता हूँ एक्चुअली ज्यादा तो मैं डू वाइल को ट्राई बॉल बोलता हूँ कि ये ट्राई बॉल दे देता है वो बॉल तो मतलब उसमें कुछ माना नहीं जाएगा ठीक है तो वो जो है चलेगा ही चलेगा एक तो इसका ब्लॉक चलेगा ही चलेगा उसके बाद कंडीशन पर डिपेंड करता है अगर आउट नहीं हुए तो खेलोगे वरना नहीं खेलोगे जैसे क्रिकेट में होता है बिल्कुल उसी तरह वाइल्ड आइज लेस देन फाइव अगर ये ट्रू है तो वापस से चलेगा वरना नहीं चलेगा ठीक है ये था हमारा डो वाई लूप तो वाई लूप हमने दो तरह के देखे एक था हमारा नॉर्मल वाई लूप और एक था हमारा डो वाई लूप आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा मूव करते हैं फॉर लूप की तरफ और फॉर लूप की तरफ मैं मूव करूँ तो इसको मैं ज़रा से पहले कॉमेंट आउट कर दूंगा और आप में से कई लोगों का सवाल होगा कि कौन सा लूप सबसे अच्छा है कौन सा मुझे यूज़ करना चाहिए जवाब है कि सारे लूप्स फाइनली एक ही तरह के मशीन कोड में कंपाइल होते हैं ठीक है तो आप लोगों को जो अच्छा लगता है वो यूज़ करो जो आपके लिए कन्वीनियंट है वो यूज़ करो क्योंकि जब एग्जीक्यूशन स्पीड सबकी बराबर है तो आप लोगों के लिए एक ही चीज़ बचती है सिर्फ क्या आपकी कन्वीनियंस तो आप उसके हिसाब से इसको करो ठीक है चलो बढ़िया आगे बढ़ते हैं फॉर लूप अगर आप पहली बार देख रहे हो तो शायद आप लोगों के लिए समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा लेकिन सबसे पहले मैं सिंटेक्स लिख लेता हूँ शायद आप लोगों को ये सिंटेक्स थोड़ा सा अजीब सा लगे लेकिन एक बार फॉर लूप समझ में आ गया तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ यही यूज़ करोगे आप ठीक है और इसके अंदर भी वही लिखता हूँ जो कि मैंने वहाँ पर लिखा था आई प्लस वन लिखता हूँ सेव करूँगा और ये चलेगा बिल्कुल वही ये वही प्रिंट करेगा वन टू थ्री फोर फाइव लेकिन कैसे करेगा तो मैं इसको पहले आप लोग को दिखा देता हूँ कि यह वन टू थ्री फोर फाइव ही प्रिंट करेगा उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं जैसे कि आपने देखा अपनी स्क्रीन पर इसको फुल स्क्रीन भी कर सकता हूँ मैं वन टू थ्री वो फाइव इसने प्रिंट किया इसको बंद कर दूंगा मैं अब यहाँ पर आप लोग ये देखो कि कंसोल डॉट राइट लाइन आई प्लस वन मैंने अंदर लिखा हुआ है जो कि मैंने पहले लिखा था बाकी दोनों लूप्स के तो ये लूप्स में क्या डिफरेंस है सबसे पहली जो इसकी कंडीशन होती है इसका जो ये पहला स्टेटमेंट है ये होता है इनिशलाइजेशन ये इनिशलाइज कर देता है तो मैंने आई को इनिशलाइज किया उसके बाद दूसरा जो स्टेटमेंट है सैमी कॉलोन के बाद ये होता है कंडीशन चेकिंग जो कि हर इटरेशन के बाद होती है और उसके बाद ये है हमारा अपडेट स्टेटमेंट कुछ अपडेट करना है अगर तो वो यहाँ पर आप लिख दो तो ये चलता कैसे है कि पहली बार जब फॉर लूप चलेगा तो ये रन हो जाएगा उसके बाद ये कंडीशन चेक होगी अगर सच है तो अंदर घुसेगा आई की वैल्यू ज़ीरो थी और ये कंडीशन सच है इसलिए ये अंदर घुसेगा और उसके बाद ये क्या करेगा इसको रन कर देगा और फिर वापस से कंडीशन चेक करेगा अगर सच है तो वापस से अंदर घुसेगा फिर अपडेट कर देगा फिर से वापस यहाँ पर आएगा कंडीशन चेक करेगा अंदर घुसेगा अपडेट कर देगा कंडीशन चेक करेगा अंदर घुसेगा अपडेट कर देगा कंडीशन चेक करेगा अंदर घुसेगा अपडेट कर देगा कंडीशन चेक करेगा सो ऑन चलता रहेगा ठीक है आई होप कि आप समझ गए और मैंने इतनी बार इस बात को इसीलिए बोला था कि आप सुनो और आपके समझ में आए ऑब्वियसली आप लोगों को थोड़ा फनी लगा होगा मैंने इतनी बार बोला लेकिन मैंने इसीलिए बोला था कि आप लोगों के दिमाग के अंदर बैठ जाए जब मैं जब कोई इंसान किसी को बार बार बोल बोल के कोई बात बोलता था वो गाने तभी याद हो जाते हैं जो सॉन्ग्स होते हैं वो आप लोगों को याद हो जाते होंगे उसका रीज़न यही होता है इसलिए मैं कहीं कहीं फ़नी साउंड कर जाता हूँ कभी आपको हंसी आ सकती है लेकिन मैं आप लोगों को समझ में आए इसीलिए बोल रहा हूँ बार 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 ताकि सुनो तीन बार चार बार छः बार आठ बार सुनोगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगी तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी ये एक बार रन करेगा फिर कंडीशन चेक होगी सत्य है तो ये अगर झूठ है ये कंडीशन फॉल्स है तो बाहर आ जाएगा लूप से लूप से डील करना बंद कर देगा और उसके बाद क्या होगा यहाँ पर एक बार ये रन हो गया तो आई प्लस प्लस ठीक है तो ये तीन तरह के लूप थे जिनकी बात हमने करी चलो जी लूप्स हो गए तीनों तरह के लूप्स हमने देख लिए इसको अगर मैं रन करूँ यहाँ पर तो आप लोग देखो कि यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच प्रिंट हो गया जो कि पहले भी हो रहा था ठीक है यहाँ पर हमारे डू वाइल और वाइल लूप्स में अब एक और कॉन्सेप्ट आता है ब्रेक और कॉन्टिन्यू का जो कि तीनों लूप्स के लिए सेम होता है एक होता है ब्रेक और एक होता है कॉन्टिन्यू अब इनमें क्या डिफरेंस है ये देख लेते हैं ब्रेक क्या है ब्रेक का मतलब तोड़ दो कॉन्टिन्यू क्या है कॉन्टिन्यू का मतलब इस वाली को तोड़ दो लेकिन अगली वाली चालू कर दो अब आपको क्या बोल रहा हूं मैं समझाता हूं आप लोगों को ब्रेक का तो मतलब ये होता है कि इस लूप को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ तो अगर मैं ब्रेक लिखू तो आप इस बात को लिख लो कहीं पर अगर आपको हिंदी में जमता है तो लिख लो ब्रेक का मतलब है कि इस लूप को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ इस इंस्ट्रक्शन का लिटरली यही मतलब है जो मैंने बोला लूप को छोड़ दो और हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ तो क्या होगा ये कंडीशन चेक करेगा सबसे पहले इनिशलाइज करेगा कंडीशन चेक करेगा उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि बोलेगा कि कंसोल और राइट लाइन ये कर दो फिर इसको ब्रेक मिलेगा और ब्रेक का मतलब क्या होता है इस लूप को छोड़ दो और हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ तो क्या प्रिंट होगा सिर्फ वन प्रिंट होगा एक बार ठीक है तो ये वन प्रिंट करके एग्जिट कर जाएगा दिखा देता हूँ आप लोगों को देखो क्योंकि इसको एक ऐसी बात मिल गई कि लूप को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दो तो पहले ट्रेशन के बाद ये कंडीशन वंडीशन चेक करेगा ही नहीं सिर्फ लूप को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दो ये बिग बॉस के आदेश का पालन करेगा तो यहाँ पर जो ब्रेक होता है वो बिग बॉस का आदेश होता है कि फॉर लूप को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ जैसे बिग बॉस के आदेश का पालन करना पड़ता है ना वैसे जो सी सीशाह का कंपाइलर है वो बिग बॉस होता है और कोड को उसके आदेशों का पालन करना पड़ता है ठीक है चलो बढ़िया अब यहाँ पर हम लोग कंटिन्यू भी देख लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके तो ब्रेक को अगर मैं कॉमेंट आउट करके अगर कॉन्टिन्यू लिखता और मैं कॉन्टिन्यू यहां पर नहीं लिखूंगा ऊपर लिखूंगा और मैंने यहाँ पर कंटिन्यू लिख दिया कंटिन्यू का मतलब क्या होता है लिटरल मतलब क्या होता है मतलब कंटिन्यू का इंग्लिश लैंग्वेज भी नहीं मैं सीशाप में बता रहा हूँ क्या मतलब होता है इंस्ट्रक्शन क्या एग्जीक्यूट करता है ये कंटिन्यू का मतलब होता है कि कंटिन्यू कर दो अगले स्टेटमेंट में इस वाली एट्रेशन को भूल जाओ यानी कि कंटिन्यू कहता है मेरे नीचे जो भी लिखा है इस लूप के एट्रेशन के लिए उसको भूल जाओ अगली एट्रेशन से स्टार्ट करो मेरे नीचे जो लिखा है उसको एग्जीक्यूट करने की कोई ज़रूरत नहीं है डायरेक्टली डायरेक्टली जाओ अपडेशन कंडीशन में और लूप की दूसरी एट्रेशन जो है वो रन करो एज्यूम करो कि ये एंड ऑफ द लूप है तो क्या होगा इनिशलाइज होगा पहली बार रन होगा कंडीशन क्योंकि ट्रू है कंटिन्यू लिखा हुआ इसलिए क्या होगा कि ये चलेगा ही नहीं एक बार भी ठीक कंटिन्यू हो जाएगा तो मैं एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर लिखता हूँ इफ़ आई इज इक्वल टू इक्वल टू जीरो तब करो कंटिन्यू ठीक है अगर आई की वैल्यू जीरो है तब कंटिन्यू करो तो क्या होगा जब आई की वैल्यू जीरो होगी पहली बार तभी क्या करेगा कंटिन्यू हो जाएगा कंटिन्यू का मतलब अगली एट्रेशन यानी कि अब आई इज़ टू वन के लिए रन होगा फिर यहाँ पर अंदर नहीं घुसेगा तो ये बाकी नॉर्मल चलेगा तो i की वैल्यू जब ज़ीरो होगी तब इसको एक आदेश मिलेगा वो आदेश क्या होगा वो आदेश होगा कि मेरे नीचे जो भी है उसे भूलो और अगली इट्रेशन कंटिन्यू करो तो दिखाता तो हूँ आप लोगों को मैं रन करके वन को इसने स्किप कर दिया क्योंकि आदेश क्या था कि नीचे का इग्नोर करो तो कंसोल डॉट राइट लाइन तो नीचे लिखा था तो वो इग्नोर हो गया और फाइनली फिर आई की वैल्यू जीरो कभी हुई नहीं क्योंकि अपडेट कर दी हमने यहाँ पर वन टू थ्री फोर ऐसे वैल्यूज़ आई तो ये यहाँ पर क्योंकि हम आई प्लस वन प्रिंट कर रहे हैं इसलिए वन के लिए टू टू के लिए थ्री थ्री के लिए फोर फोर के लिए फाइव प्रिंट हो गया और फाइनली जब i की वैल्यू फाइव हो जाती है जब फोर के लिए एक बार हो गया और फाइव हो जाती है i की वैल्यू तो फाइव इज लेस फाइव इज फॉल्स तो अंदर जाता ही नहीं है लूप के और लूप के अंदर क्योंकि नहीं जाता है इसलिए ये फॉल लूप एग्जिट कर देगा ठीक है तो ब्रेक ऑन कंटिन्यू होता है वाई लूप और डू वाई लूप के लिए मैं चाहता हूँ आप लोग एक एक्सरसाइज लिख लो मैं यहाँ पर आप, आप लोगों को एक एक्सरसाइज देना चाहता हूँ ठीक है तो मैं पर ब्रेक का लिटरल मीनिंग लिख देता हूँ इंस्ट्रक्शन इस में क्या होता है लीव दिस लूप फॉर एवर ठीक है और कंटिन्यू का मतलब होता है लीव दिस पर्टिकुलर इट्रेशन ऑफ द लूप यानी कि इस पर्टिकुलर रन को स्किप कर दो बस इतना ही है कंटिन्यूस पर्टिकुलर रन को स्किप कर देगा और ब्रेक क्या करेगा ब्रेक पूरे लूप को हमेशा हमेशा के लिए एग्जिट कर देगा कहेगा कि ठीक है लूप के साथ जितना मैं डील कर रहा था खत्म अब मैं लूप के साथ डील नहीं करूंगा लूप तुम्हारा और इस प्रोग्राम का बनाता ख़त्म तो ब्रेक का मतलब लूप को कर दो एग्जिट आई होप कि मैं समझा पाया आप लोगों को अगर समझा पाया तो नीचे आप लोग कमेंट करके मुझे बता दिया करो बीच बीच में कि समझ में आ रहा है क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप लोग लिखते हो नीचे अच्छे कमेंट्स करते हो बताते हो कि समझ में आ रहा है तो एक तो मुझे सबसे अच्छा लगेगा क्योंकि मेरे पास अगर कॉमेंट्स आ रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि यार लोग सीख रहे हैं तो डेफिनेटली मुझे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा और प्लेटफॉर्म को भी पता चलेगा कि यार दिस वीडियो इज़ गुड ये वीडियो अच्छा है मैं समझा पा रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं तो मैं इस तरह के और वीडियोस प्रोजेक्ट्स चीज़ें लेकर आऊँगा इसलिए लाइक और कमेंट आप सिर्फ इसलिए कर दिया करो इसीलिए मैं बोलता हूँ कर दिया करो आप तो मुझे पता है आप लोग कर भी देते हो तो उसके लिए मैं तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ आप सबको तो ये वॉर वॉरलुफ तक आई होप मैं समझा पाया आप लोगों को अगर कुछ नहीं तो मैं काफ़ी हद तक कहूँगा आप लोगों को समझा पाया और बाकी तो फिर आपकी प्रैक्टिस पे भी तो डिपेंड करेगा काफ़ी कुछ आपको प्रैक्टिस भी तो करनी है मैं यहाँ पर झूठ नहीं बोलना चाहता कि ये वीडियो देख लो और ज़िंदगी में कभी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है अगर मैं ये झूठ बोल दूंगा तो मैं आपके साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहा हूँ मैं नहीं करना चाहता मैं तो कहता हूँ कि ये वीडियो देखो और प्रैक्टिस में लग जाओ लग जाओ प्रोग्राम्स बनाओ जितनी हेल्प मैं कर सकता हूँ मैं चैनल के थ्रू कर ही रहा हूँ वीडियोज़ पोस्ट कर रहा हूँ लगातार वीडियोज़ को देखो मैं जो चीज़ नहीं सीख पाया आसानी से वो मैं लोगों के लिए सीखना आसान बना रहा हूँ इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करो वीडियोज़ को फॉलो करो और उसको मॉडिफ़ाई भी करो फिर उसी हिसाब से ऐसा नहीं कि कॉपी पेस्ट चल रहा है सर मैंने अगर एक काम किया तो आप कोशिश करो कि उसको मॉडिफाई करके थोड़ा और बेटर बना पो प्रोग्राम को ठीक है हैविंग सेट दैट हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सो so गैस अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं मेथड्स की और मेथड्स को फंक्शंस भी बोला जाता है तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या मेथड्स बनाऊँगा अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बहुत सारा कोड है इनफैक्ट में ये जो कोड है इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ जो रह गया था तो कंट्रोल के सी दबाकर मैं कॉमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर बहुत सारा कोड अब बन चुका है और जैसे कि आप लोग देख रहे हो मैंने इसको रखा हुआ है ताकि आप लोग इसको यूज़ कर सको आराम से अनकमेंट करके चला चला कर देख सको आप लोग को आसानी होनी चाहिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा आप लोगों को सबसे पहले मेथड की डेफ़िनेशन बता देता हूँ मेथड क्या होता है जैसे कि ये एक मेन है ये एक मेथड है मेथड का मतलब फंक्शन फंक्शन क्यों बनाते हैं सबसे पहले तो उस फंक्शन क्यों बनाते हैं इससे पहले मैं फंक्शन बना देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा आप लोगों को बताऊंगा कि फंक्शन क्यों बनाते हैं शायद आप लोगों को समझ में आ जाए तो मैं यहां पर लिख दूंगा स्टैटिक void ग्रीट और उसके बाद मैं यहां पर लिख दूंगा कंसोल डॉट राइट और यहां पर मैं लिख दूंगा गुड मॉर्निंग ठीक है मॉर्निंग ठीक है सिंपल सा एक फंक्शन बनाया है और अभी अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है फंक्शन क्या है तो अभी समझ में आ जाएगा ठीक है मैं अपने वॉइड मेन के अंदर क्या करूँगा इसको कॉल करूँगा ठीक है तो मैं वॉइड मेन के अंदर सिंपली ग्रीट लिख दूंगा इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करूँगा तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा ग्रीट ठीक है और मैं इस तरह से इसको रन कर दूंगा ठीक है चलाएँ प्रोग्राम रन करते हैं जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पर गुड मॉर्निंग लिख आ गया अब अगर मुझे वापस से ऐसा कुछ करना पड़ा तो मैं सिंपली ग्रीट को वापस से लिख दूंगा और ग्रीड को वापस से लिखूंगा तो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आ जाएगा यहाँ पर मैं इसको राइट लाइन बना देता हूँ right राइट हटा के राइट right लाइन मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि राइट लाइन बनाऊंगा तो अलग अलग लाइन में आएगा तो मैं इसको मल्टीपल टाइम्स रन कर सकता हूँ तो ये मेरा फंक्शन है तो फंक्शन का यूज़ होता है कि आप लोगों को अलग अलग जगह पर अगर कुछ सेम काम करना पड़ गया तो आप लोगों को अपने कोड को रिपीट नहीं करना पड़ेगा जैसे कि मान लो मैं अगर एवरेज निकालने का एक फंक्शन बना दूं जो कि नंबर्स का एवरेज निकालता है तो सिंपली एवरेज मेरा निकालने का एक बार मैं पूरा कोड लिख दूंगा या फिर मान लो मैं हारमोनिक मीन अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन अलग अलग तरह के जो मीन हैं उनके अलग अलग फंक्शंस बना दूंगा और जहां पर मुझे ज़रूरत पड़ गई मीन वगैरह निकालने की अपने कोड बेस के अंदर मैं अपने कोड बेस में वहाँ पर वो फंक्शन रन कर दूँगा और मेरा जो मीन वगैरह है वो निकल जाएगा ठीक है सो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी चलो जी ये बढ़िया यहाँ तक तो एकदम क्लियर आप लोगों को हो गया अब यहाँ पर ये स्टैटिक क्या है स्टैटिक का मतलब सिंपली ये है कि ये जो मेथड है ये इस क्लास को बिलोंग करता है अब आपको ये क्लास क्या होता है क्लास एक ब्लू प्रिंट होता है ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए अभी के लिए आप इतना समझ लो कि स्टैटिक की हमने लगाया है इसका मतलब ये है कि ये जो क्लास है इसका हिस्सा है ये मैथड ये जो मेथड है ये हर ऑब्जेक्ट का अलग अलग नहीं होगा अब आप लोगों को ये चीज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जब मैं बताऊँगा तब समझ में आएगी लेकिन अभी के लिए समझ लो कि इसको लगाते हैं सिर्फ इसलिए ताकि ये इस क्लास से जुड़ जाए यानी कि इस क्लास की अपनी प्रॉपर्टी बन जाए ठीक है हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम रहे चलो बढ़िया अब यहां पर आप लोग देखो स्टैटिक void ग्रीड मैंने बनाया और इसके अंदर मैंने इससे क्या किया गुड मॉर्निंग कहलवाया स्टैटिक समझ लिया वॉइड क्या होता है वॉइड का मतलब यह है कि यह कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है वैल्यू रिटर्न करने का क्या मतलब होता है वैल्यू रिटर्न करने का मतलब यह होता है कि लौटा के कुछ वैल्यू नहीं दे रहा है यानी कि मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ रिटर्न और यहाँ पर लिख दूँ एटी तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा स्टैटिक एंड क्योंकि मैं एक इंटीजर वैल्यू वापस लौटा रहा हूँ तो अगर मैं यहाँ पर स्टैटिक इंट एटी नाइन लिखूँ तो ये एटी नाइन वैल्यू कहाँ पर आ जाएगी यहाँ पर आ जाएगी जब मैं इस फंक्शन को रन करूँगा तो मैं एक इंटीजर को असाइन कर सकता हूँ ये वैल्यू तो मैं काम करता हूँ इसको वापस से रिवर्ट कर देता हूँ लेकिन मैं जो रिटर्न वैल्यू है इसका कॉन्सेप्ट आपको एक दूसरे फंक्शन से बताऊँगा ठीक है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि एक फंक्शन बना लूँगा तीन नंबर्स का एवरेज निकालने का फंक्शन ठीक है तो वो हम लोग अभी बनाएंगे लेकिन अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि ये जो मेथड हमने बनाया है इसको हम मल्टीपल जगह पर कॉल कर सकते हैं और इसको हम आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हैं ठीक है तो अगर मैं यहाँ पर इसको एक आर्ग्यूमेंट दूँ मैं यहाँ पर लिखूँ स्ट्रिंग नेम और मैं इसको सेव कर दूँ तो मैं गुड मॉर्निंग प्लस नेम कर सकता हूँ और इसको मैं जो भी नाम पास करूँगा वो नेम मैं यहाँ पर दे सकता हूँ गुड मॉर्निंग नेम आ जाएगा जैसे कि मैं अगर यहाँ पर हैरी कर दूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर मान लो रोहन कर दूँ सेव किया मैंने रन किया तो यहाँ पर देखो गुड मॉर्निंग हैरी गुड मॉर्निंग रोहन आ गया तो मैं अलग अलग लोगों को ग्रीट करने के लिए बार बार गुड मॉर्निंग नहीं लिखना पड़ा सिंपली ग्रीट मैंने यहाँ पर रन कर दिया अगर ये बहुत बड़ी कोई लाइन होती कोई लेटर होता जो कि मुझे जनरेट करना पड़ता सबके लिए तो मैं सिंपली वो लेटर इस फंक्शन के अंदर डालता एक बार और बाकी सब लोगों के लिए इस मेथड को रन कर देता सो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी ठीक है अब यहाँ पर हमने ये समझ लिया कि हम लोग यहाँ पर पास कर सकते हैं कुछ आर्ग्यूमेंट्स ठीक है ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ कि आप लोगों को एक और फंक्शन बना के देता हूँ और मैं उसका नाम रखूँगा एवरेज ठीक है और वो लेगा तीन नंबर इंट ए इंट बी और इंट सी अब मैं इस फंक्शन के अंदर लिखूँगा इंट सम इज़ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी और उसके बाद मैं लिख दूंगा रिटर्न सम डिवाइडेड बाय थ्री यानी कि सम को डिवाइड कर दो थ्री से और उसको कर दो रिटर्न तो ये एक फंक्शन मैंने बनाया है जो कि क्या कर रहा है यहाँ पर देखो आप लोग तीन नंबर लेके उनका एवरेज रिटर्न कर रहा है अब इसको इस्तेमाल कैसे करें मैं आपको बताता हूँ ये रिटर्न का क्या काम होता है ये समझ में आएगा आप लोगों को अभी तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कंसोल डॉट राइट लाइन और मैं यहाँ पर लिखूँ एवरेज ऑफ अगर मैं लिखूँ टू कॉमा सिक्स कॉमा एट तो इन तीनों का एवरेज क्या है ये निकल के मुझे बताएगा ये ठीक है तो यहाँ पर एक चीज़ मुझे देखनी है कि ये जो रिटर्न कर रहा वैल्यू अगर मैं इसको फ्लोटिंग पॉइंट रिटर्न करा दूँ तो मेरे लिए अच्छा रहेगा क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि यार तीन नंबर्स का मैं सम कर रहा हूँ और फिर उसके बाद मैं उसको डिवाइड कर रहा हूँ थ्री से तो हो सकता है जो मैं डिवाइडेड बाई थ्री करूँ वो एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बने तो इसलिए मैंने इसको सेव किया और मैंने रन किया और यहाँ पर देखो फाइव पॉइंट थ्री 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 आ गया और अगर मैं यहाँ पर करूँ तीन 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 का अगर मैं यही प्रोग्राम रन करूँ थ्री 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 के लिए तो मुझे थ्री मिलना चाहिए तो मैं अगर यहाँ पर थ्री 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 दे दूँ और इसको सेव करके रन करूँ तो यहाँ पर देखो थ्री आ गया तीन 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 को जोड़ोगे और डिवाइडेड बाई थ्री करोगे तो बन जाएगा आपका तीन तीन छः तीन नौ डिवाइडेड बाई थ्री थ्री तो सेम नंबर का एवरेज वैसे भी वही होता है ठीक है तो हमने देखा कि किस तरह से ये जो वैल्यू है इसकी जगह पर जो हमने रिटर्न वैल्यू लिखी है वो आ जाती है तो ये जो रिटर्न करेगा वैल्यू वो यहाँ पर आ जाएगी और मैं इसको एक वेरिएबल को भी असाइन कर सकता हूँ करके दिखाता हूँ अगर मैं लिखूँ टैंप इज इक्ल टू एवरेज ऑफ मान लो नाइन थ्री और ले लेते ले हैं मान लो जीरो नाइन थ्री और जीरो का एवरेज ले लेते हैं और मैं इसका नाम टैंप रखना चाहता था टैम्प और मैं यहाँ पर अगर कंसोल डॉट और मैं यहां पर फ्लोट करता हूँ इसको फ्लोट टेम्प इज इक टू और मैं कंसोल डॉट राइट लाइन कर दूँ टेम्प और अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो आप लोग देखो यहां पर तीन आ गया क्योंकि नौ और तीन होता है बारह और डिवाइडेड बाय मैं यहाँ पर नौ और तीन करूँगा तो बारह आएगा और उसको डिवाइड बाय थ्री करूँगा तो चार आना चाहिए ओके तो चार आ रहा है ऑलरेडी और ये थ्री इसका आ रहा है तो मैंने पहले टेम्प को प्रिंट किया है तो चार आ रहा है फिर थ्री आ रहा है तो एवरी इज़ इस गुड इसको बंद कर दूंगा और यहाँ पर देखो आप लोग को अब मेथड्स भी समझ में आ गए अब यहाँ पर क्या है कि हमने मेथड्स बनाए एवरेज करने के मैंने यहाँ पर बोला कि अगर तीन इंटीजर्स हैं तो आप लोग ऐसा करो अब हो सकता था कि मैं सेम नाम से एक मेथड बनाऊँ जैसे कि मान लो मैं स्टैटिक फ्लोट एवरेज के नाम से बनाऊँ और मैं यहाँ पर सिर्फ दो आर्ग्यूमेंट्स ले लूँ इन ए इन बी और मैं यहाँ पर रिटर्न कर दूँ कुछ इस तरह से ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू तो यहाँ पर अगर मैं इस तरह से रिटर्न करूँ तो मैंने दो नंबर का एवरेज का प्रोग्राम बना लिया और उसी के साथ साथ मैंने तीन नंबर के एवरेज का प्रोग्राम बना लिया तो मैं अगर अभी इसको रन करूँ तो मेरा जो प्रोग्राम है वो सही सही रन हो जाएगा लेकिन अगर बाय एनी चांस मैं ये तीन और तीन का एवरेज निकालूँ तीन 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 का एवरेज निकालने के साथ साथ मैं अगर तीन का एवरेज निकालूँ तो देखो मैं इस पर अपना एरो लेके जा रहा हूँ तो लिख कर आ रहा है प्लस वन ओवरलोड इसे बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग इसे बोलते हैं क्या मेथड ओवरलोडिंग तो मेथड जो होता है उसको मैंने ओवरलोड कर दिया तो मैंने क्या किया जब मैंने इसको दो आर्ग्यूमेंट्स दिए तो ये समझ गया कि हाँ भाई बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर दो आर्ग्यूमेंट्स वाला फंक्शन मुझे रन करना है ना कि तीन आर्ग्यूमेंट्स वाला जो कि ऑलरेडी यहाँ पर था तो अगर दो आर्ग्यूमेंट वाला फंक्शन आप लोगों को रन करना है तो ये ऑटोमेटिकली ले लेगा ले आपको बस दो आर्ग्यूमेंट्स देना है फंक्शन को ऑटोमेटिकली ये लॉजिक ले लेगा ले और वरना अगर तीन दोगे तो ये ले लेगा और एक दोगे तो एरर थ्रो करेगा बोलेगा कि भाई तीसरा आर्ग्यूमेंट कहाँ है तो दो दो तीन लेता है या फिर दो लेता है तुमने एक दिया है तो ये गलत है इस टाइप से आपको एक एरर थ्रो करेगा तो ये था हमारा मैथड सी शार्प में अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की तो सबसे पहला काम जो यहाँ पर मैं करता हूँ सबसे पहले तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ ठीक है तो यहाँ पर मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया और मैं ये चीज़ इंश्योर कर लेता हूँ कि कहीं कोई मेरे पास एक्स्ट्रा चीज़ तो यहाँ पर नहीं है जो कि मैंने कॉमेंट आउट करना भूल गया ये फंक्शंस रहने देता हूँ मैं इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ अभी फंक्शंस को ठीक है सेव किया मैंने इसको और यहाँ पर आप लोग ये नोट कर रहे हो कि ये रेफरेंसेज भी बता रहे हैं कितनी बार इस फंक्शन को रेफ़र किया गया है ठीक है तो ये भी बताता है ये इसके साथ साथ सो so, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि आपको ये प्रोजेक्ट का नाम दिख रहा है मैंने हेलो इस प्रोजेक्ट का नाम दिया हुआ था मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और ऐड पे क्लिक करूँगा और न्यू आइटम ये आपको दिख रहा है आप लोग देख लो आप कहीं और क्लिक मत कर देना प्रोजेक्ट का नाम जहाँ पर जिसके लेफ्ट में सी आप लिखा हुआ है उस पर आपको राइट right क्लिक करना है ऐड पे क्लिक करना है न्यू आइटम पे क्लिक करना है और जैसे ही आप न्यू आइटम पे क्लिक करोगे आपको कुछ ऐसा दिखेगा अब यहाँ पर बाई डिफ़ॉल्टे क्लास सेलेक्ट होकर आ रही है आपको यहाँ पर क्लास सेलेक्ट कर देना है अब यहाँ पर विजुअल स्टूडियो जो है एक बहुत ही पावरफुल टूल है मैंने आप लोगों को बताया और उसी के साथ साथ जो डॉट नेट फ्रेमवर्क है वो काफ़ी चीज़ें ऑफर करता है तो एक साथ इन सारी चीज़ों को सीख जाना बिल्कुल भी आप लोगों के लिए कम टाइम में डिफ़िकल्ट हो जाएगा तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग क्लास चुनो यहाँ पर और बिल्कुल भी इससे आप डरो मत कि आपको ये नहीं मालूम तो कोई बहुत बड़ी बात है ऐसा कुछ नहीं है काफ़ी चीज़ें इसमें ऐड होती रहेंगी काफ़ी चीज़ें इसमें बहुत पहले से थीं और काफ़ी चीज़ें आप लोगों को हो सकता है आप लोग अपनी पूरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कैरियर निकाल दो और आप लोगों को पता भी ना चले क्या है तो इट डिपेंड्स फ्रॉम यूज केस टू यूज केस ठीक है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा क्लास वन डॉट सी एस की जगह पर लिख दूंगा एक प्लेयर ठीक है तो मैं आप लोगों को भी बताऊंगा क्लासेस क्या होती हैं आप लोग यहाँ पर सिर्फ प्लेयर लिखो और यहाँ पर ऐड पे मैं क्लिक कर दूँगा और यहाँ पर हुआ क्या कि एक प्लेयर नामक क्लास ऐड हो गई है और एक प्लेयर डॉट सी एस नाम की फ़ाइल यहाँ पर बन गई है देखो प्रोग्राम डॉट सी एस तो मेरी ऑलरेडी थी एक प्लेयर डॉट सी एस की क्लास बन गई है यहाँ पर ठीक है तो ये क्लास होती क्या है क्लास क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसके नाम से बड़ा डराया जाता है और लोग डरते भी हैं और कुछ लोग इसको ऐसे बताते हैं जैसे पता नहीं क्या ये हवा ये बहुत सिंपल सी चीज़ है जैसे आपका इंटीजर होता है इंड से आप लोग बनाते हो स्ट्रिंग होता है स्ट्रिंग से आप लोग बनाते हो उसी के साथ साथ फ्लोट और डबल आप सी आप में बनाते हो फ्लोट लिखकर और बिल्कुल ही उसी तरह एक डेटा टाइप है आप एक अपना डेटा टाइप बना रहे हो मान लो मैं गेम बना रहा हूँ उसमें बहुत तरह के प्लेयर्स होते हैं एक तो प्लेयर होता है जो कि आप होते हो एक प्लेयर्स होते हैं जो कि ऑनलाइन प्लेयर्स हैं मान लो जो प्लेयर है जो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर कंट्रोल्ड प्लेयर है वो भी एक प्लेयर है तो उन सारे प्लेयर्स को मॉडल करने के लिए आपको एक कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप बनाना पड़ सकता है और वो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप जो है हम क्लास की मदद से बनाते हैं तो ये किस तरह से किया जाता है मान लो प्लेयर है मैं इसमें लिखूँगा यहाँ पर पब्लिक स्ट्रिंग नेम मैंने इसके अंदर एक स्ट्रिंग डाल दी मैंने कहा जो मेरा प्लेयर है उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं और उसके कुछ मेथड्स होंगे तो इसका नाम मान लो मैंने रख दिया यहाँ पर हैरी और उसी के साथ साथ एक हमारा जो प्लेयर है उसकी मान लो हेल्थ है पब्लिक एंड हेल्थ और मान लो जो हेल्थ है वो जीरो से लेकर सौ तक होती है मान लो फोटी नाइन इसकी हेल्थ है ठीक है आप गेम वगैरह खेलते हो तो आपको मालूम होगा हेल्थ क्या चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं और उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं क्या करूँगा इसमें और चीज़ें भी ऐड कर सकता हूँ अभी के लिए मैं चीज़ों को सिंपल रखूँगा और यहाँ पर नेम और हेल्थ ऐड करूँगा अब अगर मुझे ये प्लेयर नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाना है यानी कि जिस तरह से मैं इंट बनाता हूँ एक इंटीजर बनाता हूँ एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बनाता हूँ एक स्ट्रिंग बनाता हूँ उसी तरह मैं एक प्लेयर बना सकता हूँ अपने व्इट मेन के अंदर तो नीचे स्क्रॉल करूंगा ये सारा कोड आपको उपलब्ध हो जाएगा टेंशन मत लेना बिल्कुल भी यहाँ पर लिखूँगा ग्लासेज एंड ऑब्जेक्ट्स और यहाँ पर मैं ऊप्स भी लिख देता हूँ और सबसे पहले एक बात यहाँ पर करना चाहूँगा ऊप् है क्या ओप्स चीज़ों को करने का एक तरीका है प्रोग्रामिंग में प्रोग्रामिंग करने का एक तरीका ही ऊपस है ठीक है ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बिना प्रोग्राम्स नहीं लिखे जा सकते लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग चीज़ों को बहुत आसान बना देती है खासकर तब जब आपके प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं जैसे कि गेम लिख रहे हो आप पूरा तो आप लोग नहीं चाहोगे बहुत सारे मेथड्स हों और इधर उधर कोड जो है एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहा है और इंसान के लिए समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है एक बहुत बड़ा कोड बेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या करती है कि जिस तरह इंसान चीज़ों को समझता है जैसे आप एक प्लेयर को किस तरह दिखते हो आप कहते हो कि यार प्लेयर जो है वो उसमें क्या हो सकता है उसमें कुछ उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि वो प्लेयर मल्टीप्लेयर मतलब मल्टीप्लेयर कैपेबल हो सकता है कि क्या वो प्लेयर किसी दूसरे के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है गेम में या नहीं किया जा सकता है या फिर उस प्लेयर का जो है कलर होगा उस प्लेयर का कुछ नाम होगा जैसे कि अगर वाइट सिटी आप खेल रहे हो तो टॉमी नाम है तो टॉमी की ग्रीन कलर की शर्ट है उसी के साथ साथ आप सैन एंडियाज खेल रहे हो तो बनियान पहना दिया आपने प्लेयर को उस तरह के कपड़े हैं उसके प्लेयर के उसके पास कौन सी गन है ये एक एट्रीब्यूट हो सकता है प्लेयर का उसी तरह से जिस तरह सारे के सारे डेटा मेंबर्स होते हैं क्लास में आप एक क्लास बना सकते हो प्लेयर की और प्लेयर उसमें सारे के सारे आप डेटा मेंबर्स डाल सकते हो उसी के साथ साथ आप मेथड्स डाल सकते हो एक प्लेयर में एक प्लेयर क्या कर सकता है आप क्लास के अंदर ही एक फंक्शन लगा सकते हो आप कह सकते हो कि प्लेयर डॉट रन तो प्लेयर भागने लगेगा प्लेयर डॉट शूट तो प्लेयर शूट करने लगेगा प्लेयर डॉट शूट डायरेक्शन किस डायरेक्शन में शूट कर रहा है तो इस तरह से एक गेम बनाना बहुत आसान हो जाता है अब जरा सोचो इसी चीज़ को अगर आप आ, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग जो कि हम अभी तक कर रहे थे प्रोसीजर्स और मेथड्स लिखकर अगर वैसे करें हम तो कितना मुश्किल हो जाएगा हो जाएगा नामुमकिन नहीं है हो जाएगा लेकिन क्यों करें हम अपने लिए चीज़ों को डिफ़िकल्ट जब चीज़ें आसान तरीके से की जा सकती हैं जब रियल वर्ल्ड में मॉडल की जा सकती हैं ऊप से एक ऐसी चीज़ है जो कि आपने एक बार सीख ली तो आप आप के लिए चीज़ें बहुत आसान बना देगा आपको प्रोग्राम मेंटेन करना बहुत आसान हो जाएगा लेकिन एक चीज़ मैं जो बहुत ज़्यादा डिस्करेज करता हूँ वो ये करता हूँ कि कुछ लोग क्या करते हैं कुछ बिगिनर्स हर चीज़ में क्लास बनाने लग जाते हैं क्लास तब बनती है जब आपकी कुछ सर्टिन कंडीशन मेट हो रही हैं ये नहीं कि आपको तीन नंबर जोड़ने आपने क्लास बना दी कैलकुलेटर नाम से ना ऐसा नहीं करना है सिंपल चीज़ों को सिंपल रखना है और ड्राई प्रिंसिपल को फॉलो करना है ड्राई का मतलब डू नॉट रिपीट योर सेल्फ अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ ड्राई प्रिंसिपल मतलब डू नॉट रिपीट योर सेल्फ आपको रिपीट नहीं करना है एक प्लेयर मैंने बना दिया उसके मेथड वगैरह सिर्फ एक बार डिफाइन करूंगा और उसके बाद उस टेम्पलेट से यानी कि ये जो प्लेयर डॉट सी एस नाम की टेम्पलेट बनाई है इस टेम्पलेट से मैं क्या करूँगा कि और तरह के ऑब्जेक्ट्स बना लूँगा प्लेयर नाम के अब मान लो मैंने बनाना एक प्लेयर का ऑब्जेक्ट ठीक है तो उसका एक सिंटैक्स होता है यानी कि अगर आप लोगों को क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है तो आप क्या करोगे आप यहाँ पर लिखोगे प्लेयर और उसके बाद लिखोगे टॉमी इज इक्वल टू न्यू प्लेयर ये सिंटैक्स है प्लेयर बनाने का तो आपका टॉमी नाम का एक प्लेयर बन गया अब आप कंसोल डॉट राइट लाइन करके आप कर सकते हो टॉमी डॉट हेल्थ टॉमी की हेल्थ आप प्राप्त कर सकते हो ठीक है टॉमी डॉट हेल्थ मैंने किया तो क्या होगा मुझे टॉमी की हेल्थ मिलेगी जो कि मैंने बाई डिफॉल्ट फोर्टी नाइन कर रखी है तो इस प्रोग्राम को जब मैं रन करूंगा तो मुझे टॉमी की जो डिफॉल्ट हेल्थ है फोर्टी नाइन वो प्रिंट हो जाएगी ठीक है अब मैं एक इसमें मैथड डाल सकता हूँ मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एक मैथड और मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं लिख दूँगा पब्लिक वाइड और उसके बाद यहाँ पर लिख दूँगा सेट हेल्थ और सेट हेल्थ क्या करेगा हेल्थ को सेट कर देगा ठीक है तो मैं इंट हेल्थ कर दूंगा यहाँ पर या इंट एच कर दूंगा और मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं यहाँ पर लिखूँगा हेल्थ इज इक्वल टू एच ठीक है मैं यहाँ पर इसको सेव करूँगा और यहाँ पर मैं फिर इस तरह से इस मेथड को यूज़ कर सकता हूँ मैं यहाँ पर कुछ ऐसे लिख सकता हूँ टॉमी डॉट सेट हेल्थ फिफ्टी सेवन तो मैंने टॉमी की हेल्थ चेंज करके फिफ्टी सेवन कर दिया है इसलिए देखो 57 करने से पहले टॉमी की जो हेल्थ थी वो प्रिंट हो रही है 49 उसके बाद मैंने टॉमी डॉट हेल्थ प्रिंट की तो 57 प्रिंट हो रही है ठीक है तो सेट हेल्थ की मदद से आप लोग हेल्थ को सेट कर सकते हो टॉमी की ठीक है तो टॉमी डॉट सेट हेल्थ और आपका उसी के साथ साथ टॉमी डॉट हेल्थ से आपकी हेल्थ मिलेगी सेट हेल्थ से आपकी हेल्थ सेट हो जाएगी और ये फंक्शंस आप लोग बहुत सारे बना सकते हो उसके अंदर मतलब वो बता रहे एक रेफरेंस है ऑलरेडी इस पर क्लिक करोगे तो बता रहे हैं आपने यहाँ पर यूज़ किया है सेट हेल्थ ये यहाँ प्रोग्राम डॉट सी एस में किया। तो ये चीज़ जो है आप लोगों को डीबगिंग वगैरह बहुत आसान बना देती है कितनी बार यूज़ हो रहा है ये यहाँ आप पर आपको बता रहा है ठीक है अब जिस तरह मैंने यहाँ पर नाम हेल्थ ये सब चीज़ें बताई हैं आप लोगों को आप और भी ऐड कर सकते हो इसमें और उसी के साथ साथ आप मेथड्स भी और बहुत सारे ऐड कर सकते हो अब ये जो पब्लिक लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि ये जो नेम है ये डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है इसका अगर मैं इसी चीज़ को प्राइवेट कर दूँ जैसे लो मैं हेल्थ को प्राइवेट कर दूँ और सेव करूँ तो आप लोग यहाँ पर देखो कि जो प्राइवेट चीज़ है उसको आप डायरेक्टली ऐसे प्रिंट नहीं कर सकते देखो यहाँ पर लाइन भी बन के आ गई ये कह रहा है कि भाई देखो ऐसा है कि आपने बताया अपनी क्लास के अंदर कि इसको डायरेक्टली आप एक्सेस नहीं कर सकते तो मैं इसको रन करूँगा तो एरर तो आएगा आए ही आएगा ठीक है तो ये कह रहा है कि भाई प्रोटेक्शन की वजह से ये आप एक्सेस नहीं कर सकते तो कैसे करें एक्सेस हम मेथड की मदद से करेंगे एक्सेस ठीक है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा पब्लिक स्ट्रिंग सॉरी स्ट्रिंग ने इंट गेट हेल्थ हम एक गेट हेल्थ नाम का फंक्शन बना लेंगे और हम यहाँ पर क्या करेंगे हम कहेंगे रिटर्न कर दो हेल्थ सिंपल सी कहानी है हेल्थ रिटर्न कर दो और यहाँ पर जब भी मुझे टॉमी की हेल्थ यहाँ पर चाहिए होगी मैं कहूँगा टॉमी डॉट गेट हेल्थ तो मैं गेट हेल्थ फंक्शन यूज़ करूँगा तो फंक्शन की मदद से आप लोग कर सकते हो क्योंकि जो फंक्शन है वो अपने प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है तो डायरेक्टली आप एक्सेस नहीं कर सकते इसको अभी लेकिन मेंबर फंक्शंस की मदद से कर सकते हो ठीक है तो मैं इसको सेव करूँ अगर और इसको उसके बाद रन करूँ तो देखो मेरा ये आउटपुट आ गया है तो ये जो प्रोटेक्शन लेवल से आप लोग लगा सकते हो पब्लिक लगाओगे अगर आप लोग इसको एक्सेस मॉडिफायर बोलते हैं बाय द वे ये जो प्रोटेक्शन लेवल यहाँ पर एरर करके दिखा रहा था इसको एक्सेस मॉडिफायर बोलते हैं पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर का मतलब कोड जो है सब जगह एक्सेस किया जा करा आ, किया जा सकता है उसी के साथ साथ प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर जो है वो क्या करता है सिर्फ सेम क्लास में जैसे कि मैंने इसको प्राइवेट बना दिया तो इस क्लास के अंदर अंदर ये यूज हो सकता है बाहर से आप एक्सेस नहीं कर सकते इसको ठीक है फिर एक प्रोटेक्टेड होता है ठीक है तो ये जो प्रोटेक्टेड होता है ये जब आप इनहेरिट करते हो अब मैं आपको इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट जब मैं कंप्लीट कोर्स लेकर आऊंगा शीशा आपका तब बता दूंगा इनहेरिटेंस का मतलब ये कि आप एक क्लास से दूसरी क्लास बना रहे हो तो मैं क्या कर सकता हूँ जिस तरह मैंने ये प्लेयर बनाया है मैं उसी तरह से इस प्लेयर को बेस क्लास यूज़ करते हुए एक क्लास इनहेरिट कर सकता हूँ उस क्लास में ये सारी प्रॉपर्टीज़ तो रहेंगी ही रहेंगी लेकिन उसी के साथ साथ मैं कुछ और प्रॉपर्टीज़ ऑन टॉप ऑफ दैट ऐड कर सकता हूँ तो जब मैं इनहेरिट करूँगा तो इनहेरिट इनहेरिटेड क्लास के द्वारा भी अगर मैं चाहता हूँ कि ये एक्सेस किया जा सके तो मैं उसको प्रोटेक्टेड बना दूंगा और उसके कुछ रूल्स होते हैं तो यहाँ पर जो है हम उसके बारे में ज़्यादा बात अभी नहीं करेंगे बट आई होप कि ये जो वीडियो था आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा आप लोगों ने क्लास का जो कॉन्सेप्ट है क्यों बनाई जाती है क्लास क्यों बनाए जाते हैं ऑब्जेक्ट्स क्या इसका जो बेस है वो है वो आपको समझ में आ गया होगा ये सारा का सारा सोर्स कोड मैं आप लोगों को दे दूंगा हमने यहाँ पर काफ़ी चीज़ें देखी शीशा को हमने बहुत ही गहराई से देखा आई होप कि ये वीडियो हेल्पफुल रहा आप लोगों के लिए अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं शीशा का एक कोर्स लेकर आऊँ तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप लोग एक काम कर सकते हैं कि आप लोग इस चैनल का जो लिंक है उसको आप लोग शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ तो आप लोग अगर ऐसा करेंगे तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी और उसी के साथ साथ मुझे भी मदद मिलेगी और मैं आप लोगों को इस तरह के और कोर्सेज ला कर दूंगा जिस तरह मैंने इस सीशाप का वन वीडियो बनाया है मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि मैंने इस तरह के बहुत सारे वन वीडियोज़ बनाए हैं जिनमें से बहुत सारे मैंने इस प्ले लिस्ट में ऐड कर रखे हैं और बहुत सारे नहीं भी कर रखे हैं मेरी वन वीडियो की एक मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है लर्न इन वन वीडियो करके ये रही वो प्ले लिस्ट और इसके अंदर कुछ मैंने ऐड किए हैं कुछ ऐड नहीं किए हैं तो जो ऐड नहीं किया है वो मैं कर दूंगा ऐड बट यू गॉट द पॉइंट यार आप लोग यहाँ पर सारे के सारे वीडियोस एक्सेस कर पाओगे मेरे सारे वन वीडियोस यहाँ पर उपलब्ध हैं और मैं इस प्लेलिस्ट को अपडेट भी कर दूंगा इनफैक्ट मैंने बहुत सारे वन वीडियोज़ जो है इसके अंदर नहीं भी डाले हुए हैं तो ये जो सारे वन वीडियो में सीखने वाले कॉन्सेप्ट हैं ये आप लोगों को मिल जाएंगे सी एस सी प्रोग्रामिंग उसी के साथ साथ नम पाइथन जावा पी पी जितने भी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मेजर है मैंने बना रखे हैं एच टी एम एल हो चाहे पी एच पी पाइथन जावा स्क्रिप्ट बूट स्ट्रैप गेट एंड गेट डॉकर का बना रखा है मैंने मैंने शायद इस प्ले लिस्ट में ऐड नहीं किया बट डॉकर भी मैंने बना रखा है जावा स्क्रिप्ट वन वीडियो बना रखा है और बूट स्ट्रैप का एक बहुत ही लेटेस्ट वन वीडियो बना रखा है उसी के साथ मैं बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स और पर्सनल प्रोजेक्ट्स अपडेट करता रहता हूँ इस चैनल पर तो अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं कई चीज़ें मैं यहाँ पर बनाता रहता हूँ जैसे कि मैं लॉग इन फॉर्म बना दिया कभी मैंने और कभी कोई फ़न प्रोजेक्ट मुझे लगता है कि भाई ये वर्ड शेयरिंग है बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बन गया है तो मैं उसको एक यूट्यूब वीडियो के तौर पर आप सबके साथ शेयर करता हूँ तो कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रह सकती है मैं उसको डेफिनेटली शेयर करता हूँ आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा और आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शो सम सपोर्ट आप लोग लाइक कर सकते हो वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने वाट्सएप ग्रुप में आपका स्कूल का कॉलेज का या फिर आप अगर किसी कंपनी में काम करते हो तो उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप तो होगा ही होगा आजकल होते ही वरना किसी ना किसी तरह का ग्रुप होगा जहाँ पर आप सब लोग कोलैबोरेट uh, करते हो गए अगर आप लोग इस चैनल का लिंक डाल दो तो शायद किसी की मदद हो जाए और उसी के साथ साथ मेरी भी मदद हो जाएगी क्योंकि आप लोग इस चैनल को शेयर करोगे तो मैं इस तरह के और वीडियोस आप लोगों के लिए ला पाऊँगा सो so, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम